हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, आज खत्म कर देंगे अपन चैप्टर वन। इन फिगर, जो आपको क्वेश्चन 31 देखिए, इन फिगर आर ए आर बी आर सी आर 20 10 एंड 10, ठीक है। द रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री इन ओम्स ऑफ इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन। तो बेसिकली आर स्टार डेल्टा का क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। तो आर ए आर बी आर सी की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू कितनी है 20, आर बी की वैल्यू कितनी है 10 और आर सी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो अब अपन को सिर्फ क्या बताना है, अपन को आर वन की वैल्यू बतानी है, आर टू की वैल्यू बतानी है और आर थ्री की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा, इधर देखो जरा, इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो यहाँ कहीं पर आएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आर वन आएगा, ये तुम्हारे पास आर टू आएगा, ये तुम्हारे पास आर थ्री आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब यहाँ पे R1 जो आएगा, हमको कोचिंग में सर आए थे, उनने फॉर्मूला अच्छा तरीका सिखाया था याद करने का। उनने बोला था कि भाई अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा R1 का, आर बी आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। बेसिकली क्या, आजू बाजू, बेसिकली इस R1 के लेफ्ट में, R1 के लेफ्ट में ये है, आजू बाजू कौन कौन है, ये और ये है आर बी और आर सी, ठीक है। और सारे कौन है, टोटल आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, वो तो सम आएगा ही रहेगा। तो आजू बाजू बेसिकली 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय टोटल, व्हाट इज टोटल, टोटल इज 20 40, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 ओम। सिमिलरली आर टू कहाँ है, ये रहा भैया आर टू, इसके आजू बाजू कौन है, आर ए और आर बी है, आर ए आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 40, कितना आ जाएगा 5 ओम। सिमिलरली आर थ्री भी निकालोगे, वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, आर ए आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। स्टार डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तुमको प्रूफ देखना है स्टार डेल्टा का, तो वो भी मैं करा दूंगा, मेरे को बताता हूँ कैसा आता है। हाँ, तो किधर थे अपन, आर ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 20 10 डिवाइडेड बाय 40, कितना आ गया, अगेन 5। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है तुम्हें, ओके। अब इसका अगर प्रूफ करना है तुम्हें, तो मैंने बहुत बचपन में बहुत पूरा ट्राई आउट करके, जब बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चीज वो थी, तो मैंने बहुत ट्राई आउट करके इसका प्रूफ निकाला था। तो जरा प्रूफ करके देखते हैं अपन, किसी एक का कर लो, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। तो अभी स्टार टू डेल्टा करता हूँ, क्योंकि मैंने डेल्टा टू स्टार तुम्हें करा लिया है, ठीक है। स्टार टू डेल्टा करते हैं, चलो। इस रेजिस्टेंस का नाम R1 दे रहा हूँ, इसका R2 दे रहा हूँ, इसका R3 दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो जाएगा यहाँ पे A, ये B, ये C, R3 नाम देना था ना इसका, क्या नाम दे दिया, RC कैसे नाम दे दिया, ओहो इतना बड़ा साइज, ठीक है, ये R3। और यहाँ पे भी A, B, C वही रहने वाला है, टर्मिनल्स तो चेंज होने से रहे B एंड C, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जाएंगे उनका नाम देता हूँ मैं, आर ए बी आर बी सी आर ए सी, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास आर वन आर टू आर थ्री गिवन है, मुझसे मेरे को उनका यूज करके मेरे को आर ए बी आर बी सी, और ये खुद ही मैंने डिराइव करा था, मेरे को मिला नहीं था कहीं पे, तो मैंने दिमाग लगा लगा के डिराइव कर लिया था। चलो देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। लेट्स से मैं टर्मिनल ए और बी के बीच में मेजर कर रहा हूँ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। टर्मिनल ए और बी के यहाँ पे मेजर करूंगा, सी को ओपन मैंने रखा है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर ए बी आर वन प्लस आर टू के बराबर, ओके। अब यही सेम चीज अगर मैं इधर करता हूँ कि टर्मिनल सी को ओपन रखते हुए मैं ए बी के बीच में मेजर कर रहा हूँ, तो क्या वोल्ट, क्या रेजिस्टेंसेस आएंगे, आर ए सी, ठीक है, प्लस आर बी सी मल्टीप्लाइड बाय आर ए बी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आर वन आर टू आ गया। सिमिलरली आर टू प्लस आर थ्री जो आएगा, यहीं से सिमिलरिटी यूज करके निकाल सकते हो तुम। तो आर टू प्लस आर थ्री, यहाँ पे आर वन टू था, तो वन के साथ में ए फेज, टू के साथ में बी फेज, तो यहाँ पे ए बी का फेज आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे टू और थ्री है, तो आर बी सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए थ्री है ना, तो सी है, आर बी ए और आर सी ए मल्टीप्लाइड बाय आर बी सी डिवाइडेड बाय
टोटल, ठीक है, सेम सेम टर्म्स पूरी एज इट इज। सिमिलरली आर वन प्लस आर थ्री निकाले गए, वो भी यही आएगा तुम्हारे पास, आर ए बी प्लस आर सी बी। यहां से ये कितना जाएगा, आर ए सी डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे क्या करना है, चलो पहले ना इसमें सबसे आसान पड़ेगा अपने लिए, अपन वो सॉल्व कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, आर वन आर टू स्टार डेल्टा टू स्टार कर लेते हैं, उसके बाद में अपन दूसरी चीज कर लेंगे, तो दोनों डिराइव हो जाएंगे अपने, 10 3 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो फटाफट देखो, यहां से तुमको दिख क्या रहा है कि ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, इसको अगर मैं हाल फिलहाल के लिए क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एक्स बोल देते हैं, ये भी कैपिटल एक्स, ये भी कैपिटल एक्स। ठीक है, अब जस्ट मुझे आर वन आर टू और आर थ्री की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आर वन माइनस आर थ्री, आर वन माइनस आर थ्री इज इक्वल्स टू कितना आएगा, जरा यहाँ से देखो, आर ए सी मल्टीप्लाई बाय आर ए बी, आर ए सी मल्टीप्लाई बाय आर ए बी प्लस आर, थोड़ा सा राइट साइड स्लाइड करने दो, प्लस आर क्या था, आर बी सी आर ए बी माइनस आर ए बी आर ए बी। ओके, दो बार आ रहा है क्या, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है, आर बी सी बनेगा ये, आर बी ए और आर सी ए, और ये बनेगा आर बी सी है ना, ये सी है, सी माई बैड। ठीक है, तो इधर आ जाओ, तो आर बी सी माइनस आर ए सी आर बी सी, ठीक है, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, आर ए सी और आर बी सी आर ए बी, आर बी सी आर ए बी, ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आर ए सी आर ए बी माइनस आर ए सी आर बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स। अब ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को ऐड कर दो, ये इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है, तो यहां से तुमको रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, हो रही है। तो यहां से इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे क्या मिलेगा तुम्हें, 2R1, ठीक है, 2R1। अब यहाँ पे ऐड करना, जरा देखो क्या दिख रहा है, आर ए बी आर ए सी, आर ए बी आर ए सी, ओके, तो 2 RAB RAC दिख रहा है, और आर बी सी आर ए सी, आर बी सी आर ए सी कैंसिल होते दिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स। यहां से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आर वन की जो वैल्यू आएगी, आर वन की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ रही है, आर ए बी आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ए बी, बेसिकली टोटल वाली टर्म जो है टोटल, तो वही आ गया फॉर्मूला, आजू बाजू बटे सारे बाजू। ठीक है, बस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे अपना जो आर बी है वो आर ए सी, मैंने उसका नाम आर ए सी दिया है, यहाँ पे मैंने नाम आर, सॉरी आर ए सी है ना, अच्छा दो दो सी बना रखे, ओहो शाबाश। ठीक है, इनमें से एक ए है एक बी होगा, ये बी होगा, कोई सा भी ले लो यार, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये आर ए बी के बीच में, ठीक है, तो इसका नाम आर ए बी दिया है, इसका नाम आर ए सी दिया है, और इसका नाम आर बी सी दिया है। ठीक है, तो मैंने जो डेरिवेशन करी है, ओके। अब फाइनली डेल्टा टू स्टार में आते हैं, डेल्टा टू स्टार में आते हैं, इधर आओ जरा। ठीक है, तो इधर आते हैं, तो अपन लिखते हैं आर वन इज इक्वल्स टू आर ए सॉरी आर बी आर सी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये आया था तुम्हारे पास। सिमिलरली आर टू इज इक्वल्स टू आर ए, ये आर बी है ना यहाँ पे, ओके ये बी है, आर ए आर सी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, वही आजू बाजू अपन सारे बाजू। ठीक है, आर थ्री इज इक्वल्स टू आर ए आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर, ओके। सब तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, तो आर वन आर टू आ जाएगा मेरे पास, आर वन आर टू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, आर ए आर बी आर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली आर सेकेंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो, तो आर टू आर थ्री इज इक्वल्स टू आर ए स्क्वायर आर बी आर सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये इसको मैंने पूरे नाम को एक्स दिया था, फटाफट सॉल्व हो जाएगा अपने इसलिए। आगे क्या है, आगे है तुम्हारे पास आर वन आर थ्री, आर वन आर थ्री करोगे तो आर ए आर बी स्क्वायर आर सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सारी क्वेश्चन को ऐड करता हूँ, आर वन
अरे इतना स्लो, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या आ रहा है, आर ए आर बी आर सी, ये बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल होता दिख रहा है, तो अब बच क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बच रहा है आर, अरे यार कौन सा पहले लिया, ये आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री इज इक्वल्स टू आर ए आर बी आर सी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अब जरा इसमें ढंग से देखो, अगर तुम ये टर्म को कंसिडर करो, ठीक है, तो ये टर्म तुम्हें दिख क्या रही है, क्या दिख रही है तुम्हें, ये तुम्हें दिख रही है आर वन, जो कि अपन पहले निकाल चुके हैं, आ रही समझ में बात। तो निकालना क्या अपन को, अपन को आर ए आर बी आर सी निकालना है। तो आर ए मल्टीप्लाई बाय आर वन, यहां से आर वन आर टू आर टू आर थ्री आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय में वन आ रहा है अभी तो, ठीक है। अब वो फॉर्मूले की आदत है ना इसलिए, तो यहां से आर ए कितना आ जाएगा फाइनली, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाय आर वन, यही होता है जो निकालना है। तो टोटल अपॉन सामने वाला, तो ये तुम्हारा कौन सा कन्वर्जन हो गया, एक तो दोनों करवा दिए मैंने, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं स्क्रॉल करता हूँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.33 द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन अ वायर व्हिच कैरीज अ डीसी करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड अ साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पियर, ठीक है। तो द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन अ वायर व्हिच कैरीज अ डीसी करंट ऑफ 10 एंड अ साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू। तो बेसिकली एक वायर है, एक वायर के अंदर दो करंट जा रही है, ठीक है। एक तो तुम्हारी जा रही है 10 एम्पियर की डीसी, और इसके साथ दूसरी जा रही है 20 एम्पियर पीक वाली एसी। बेसिकली अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ तो 10 एम्पियर प्लस 20 साइन ऑफ ओमेगा टी, तुम कॉस भी ले सकते हो क्योंकि ये तो बस मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पीक गिवन है तुम्हें। अब पूछा क्या तुमसे, सिर्फ पूछी है इसकी आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 बाय रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल सिग्नल है। अगर तुम कंट्रोल सिस्टम क्या बोलते हैं, सिग्नल सिस्टम ढंग से पढ़ो, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल सिस्टम है कि ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो आपस में स्क्वायर होकर उनका होल स्क्वायर कर देते हो, तो नेट जो सिग्नल होता है उसकी आरएमएस वैल्यू आ जाती है। तो सिंस अ डीसी एंड अ साइनोसॉइडल सिग्नल, अ डीसी एंड अ साइनोसॉइडल सिग्नल आर आर साइमल्टेनियसली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, बेसिकली आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो फाइनली उनके उनमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं होते तो इनमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या होता है इनका, फेजर एडिशन होता है, जो तुम अच्छे से सिग्नल सिस्टम जब पढ़ोगे तो उसमें तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नैसो अकेडमी देखना, नैसो अकेडमी बहुत प्यार समझा रखा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो देख लो रैंडम क्या आ रही है तुम्हारे पास, 10 का स्क्वायर प्लस, खुद ही कर लेता हूँ मैं यार, क्या करता हूँ, 100 प्लस 20 रूट 2 है ना, तो 200 रूट, तो रूट ऑफ 300 बेसिकली 10 रूट 3, और रूट 3 के लिए 1.7 होती है, तो यहाँ से 17.32 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऐसे पहले वाले का ये था, वो भी चेक करना भूल गया मैं, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 इस ए डी आना चाहिए, है ना। तो 32 एंड 33 क्वेश्चन 32 का ए, क्वेश्चन 33 का डी, ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रश्न था भी नहीं नया। आगे चलते हैं, द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ आर इज, जो गिवन फिगर है इसमें आर की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं करना, ठीक है, इसी में कर लो फटाफट। आओ इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 5 ओम। अब इसमें केसीएल घुमा दो फटाफट, तो 100 इज इक्वल्स टू 5 × 8 प्लस 8 × r, 5 × 8 = 40, 8 r की वैल्यू आ गई 60, r की वैल्यू आ गई 60/8, ठीक है। कितना मिलेगा तुम्हें, 4 × 4 = 8, 4 × 4 = 20, 7.54, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, ठीक है, 34 का सी। आगे बढ़ो फटाफट, अगले वाले में क्या पूछा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, अगेन 3
एंड बेसिकली इट इज अ डीसी एंड दिस इज अ साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है। तो साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो साइनोसॉइडल सिग्नल एंड अ डीसी सिग्नल आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देयरफॉर देयर आरएमएस वैल्यूज कैन बी एडेड लाइक दिस। इस फॉर्मूले से तो उनके आरएमएस वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। तो फाइनली यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 9 + 2√2, बेसिकली 8, 16/2, तो 8, ठीक है। तो √17, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। द आर एल सर्किट ऑफ द फिगर इज फेड फ्रॉम अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी साइनोसोइडल वोल्टेज सोर्स, बेसिकली किसका? अगेन लोकस डायग्राम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पता पड़ते नहीं बोलते, पढ़ लेता हूँ एक बार मैं। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप का क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। तो एक आर एल सर्किट है फिगर के अंदर जो दे रखा है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, साइनोसोइडल वोल्टेज सोर्स बीन एट 100 हर्ट्स, द आर एल एलिमेंट ईच हैव अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ यू आर एम एस। ओके, सो चलो ये बात बहुत अच्छी है, ये बात तुम एक बार ढंग से देखो, ठीक है। यहाँ से कंसेप्ट है बस, कुछ नहीं और। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है बाय डिफॉल्ट क्या गिवन होगा, आरएमएस वोल्टेज गिवन है। अगर ये आरएमएस भी नहीं लिखा होता तब भी तुम खुद से समझ लेते क्योंकि आरएमएस है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर, एवरेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो बचा के आरएमएस वाली क्वांटिटी बची क्योंकि मेजरेबल वही है, ठीक है। तो यहाँ से ये आर है, ये एल है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप यू हो रहा है और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप यू हो रहा है, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज चेंज टू 50 हर्ट्ज, देन द न्यू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर विल बी, ओके। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यू हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यू हो रहा है। अब तुम अच्छी तरह से पता है इसके अंदर करंट आई एट एन एंगल ऑफ जीरो फ्लो हो रही है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा यू आर, उसकी वैल्यू लिखूंगा तो मैं यू एट एन एंगल ऑफ जीरो होगी, और ये लिखूंगा यू एल तो उसकी वैल्यू होगी यू एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि करंट लैग करेगी तो वोल्टेज को लीड करना ही पड़ेगा। तो यू, ये जो वी इन होगा, वी इन इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ यू आर का स्क्वायर, यू आर का आरएमएस का स्क्वायर प्लस यू एल के आरएमएस का स्क्वायर, ये बाय डिफॉल्ट आरएमएस गिवन है, ठीक है। तो यहां से ये कितना बनेगा, √2u, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो यहां से वी इन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तुम्हारे पास, √2u, वी इन का मैग्नीट्यूड की वैल्यू। एक और चीज, ये वोल्टेज ड्रॉप दोनों के अक्रॉस बराबर क्यों है, इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था सिर्फ, वो तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर क्यों है, क्योंकि इनका जो इन क्या होगा, इनके यू आर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बताओ, आर टाइम्स एक्स, और क्या लिख दिया मैंने, आर टाइम्स आई का मॉड, ठीक है। सिमिलरली यू एल जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स टाइम्स आई का मॉड। यहाँ से आर जो है वो तुम्हारा एक्स के बराबर आना चाहिए इनकी वैल्यूज, तभी तो ये बराबर हो पाएंगे, क्योंकि ये भी यू है और ये भी यू है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सर। तो R और X दोनों बराबर होने चाहिए। नाउ अब 100 फ्रीक्वेंसी पे है ना, तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 L, समझ में आ रही है यहाँ से, 100 2π 100, ठीक है ना, सॉरी क्योंकि F गिवन है वो, तो 2π 100 × 12 लिख देता हूँ उसको मैं, 200 πL, ठीक है। नाउ ये तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 R डिवाइडेड बाय 200 π, ओके। अब यहाँ से मैं जब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो एक्स बता सकता हूँ कितनी हो जाएगी, 2π × 50 × L, और L में ये वाली वैल्यू डाल दो, अपॉन 200 π, तो x के लिए कितनी आ जाएगी, r बाय 2 के बराबर। वे तुम डायरेक्टली इंट्यूशन से कर सकते हो, इतनी लंबा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं थी। 100 पे r और x दोनों बराबर है, तो 50 पे x जो हो जाएगा r बाय 2 के बराबर होगा, क्योंकि आधी फ्रीक्वेंसी कर दी अपन ने, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आया। अब सिंपली बना दो सर्किट, तो ये वैल्यू r है, ये कितना होगा x, जिसकी वैल्यू कितनी, x डैश है ना, नई नई फ्रीक्वेंसी में, इसकी वैल्यू कितनी बराबर होगी, j r बाय 2 के बराबर, ठीक है। अब नेट वोल्टेज कितना है, नेट वोल्टेज √2u था तुम्हारे पास, अपन ने पहले निकाला था इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, बाकी वोल्टेज वो सेम है, समझ रहे हो मेरी बात, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द r पूछा है, तो यहां से वोल्टेज वैल्यू लगा देना और उसका मैग्नीट्यूड बताना सिर्फ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √2u, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है सिर्फ, तो आर से आर तो कैंसिल हो रहा है, तो 1 / √1 + 1/2 का होल स्क्वायर √2u, ठीक है। तो यहां से √2 / √1 + 1/4 ये वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास, 1.2649, ठीक है, 1.2649 ऑप्शंस हैं क्या राइट में, ओके, इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो 2√10/5 अपना आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, इसको अंदर ले जाओ जरा, तो √4 × 10/25, ठीक है, तो 505 × 10, 5, तो √8/5, ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है तुम्हें, क्वेश्चन 36 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, सो आगे अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। द थ्री फेज सर्किट गिवन है तुम्हारे पास, थ्री फेज सर्किट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आर वाई बी फेजेस हैं, तो मतलब आर वाई बी के अकॉर्डिंग करंट इसमें फ्लो हो रही होगी। ओके, द रेशियो ऑफ द करंट आई आर आई वाई आई बी, ठीक है, इन सबका रेशियो बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, रेशियो फेजर का तो रेशियो होता नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का ही रेशियो बताना होगा, इन सबके मैग्नीट्यूड का रेशियो। अब पहली बात ये है कि ये जो करंट, ये जो लोड है, इसको सबसे देखते देखते ही तुमको समझ में आना चाहिए कौन सा अनबैलेंस लोड है। ठीक है, अनबैलेंस लोड है, तो अनबैलेंस लोड में नॉर्मल वाली कैलकुलेशन मत कर देना कि ये तीनों, अगर बैलेंस होता तो फायदा है क्या था, बैलेंस होता तो तीनों करंट का रेशियो आता, वो वन 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 आता। ठीक है, अगर बैलेंस होता तो, लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस लोड है तो इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, अनबैलेंस लोड को किसमें सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ थ्री फेज सर्किट में सॉल्व कर सकते हैं अपन, मतलब थ्री फेज के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो वोल्टेज होगा ये कितना होगा, तो ये जो वोल्टेज होगा वही इसमें फ्लो होने वाली करंट बताएगा। ठीक है, तो ये जो आर वाई बी और फेज सीक्वेंस क्या मान के चल रहा हूँ मैं, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं गिवन होता तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ही मानते हैं, तो आर वाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे इधर आओ जरा, आर वाई आर सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, वी आर वाई, वी आर वाई की वैल्यू अगर मैं वी लिख देता हूँ, ठीक है, तो वी आर वी वाई बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वी एट एन एंगल ऑफ -120, वी बी वाई की जो वैल्यू होगी, बी वी बी आर की जो वैल्यू होगी वो होगी वी एट एन एंगल ऑफ 120। क्या हो रहा है, सॉरी ज्यादा गंदगी हो रही है। ठीक है, चलो इतनी सी बात तो समझ में आई। तो यहां से ये कौन सा वोल्टेज है, ये है वी आर बी, वी आर बी तुम्हें दिख रहा है क्या, तुमको वी बी आर दिवन है। ठीक है, और तो वी आर बी कितना हो जाएगा, वी आर बी हो जाएगा माइनस वी एट एन एंगल ऑफ 120। अब गलती से आदत क्या होती है जल्दबाजी में, वी आर बी तुम्हें दिख रहा है कि वी आर बी, वी बी आर तुम्हारे पास, वी बी आर तुम्हारे पास क्या है, वी एट एन एंगल ऑफ 120 है, तो तुम फटाफट जल्दी जल्दी में वी आर बी को क्या लिख देते हो, वी एट एन एंगल ऑफ -120। प्लीज ये ब्लंडर मत करना, कतई मत करना। ठीक है, क्या होगा ये, अगर तुमको डायरेक्टली एंगल में लिखना है तो वी इधर साइन में नहीं लगाना, तो वी एट एन एंगल ऑफ 120 प्लस -180। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, तो -1 का ये मतलब होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा साइन लगाना जिससे फाइनल वैल्यू जो है वो छोटी छोटी आए, तो मैं नेगेटिव साइन को मैं प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव साइन, क्योंकि वो वैल्यू बड़ी आ जाती है। बाकी दोनों ही लगाओ, तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, कौन सा हॉर्न बजा रहे ट्रक वाले यार। ठीक है, तो यहां से आर बी वाई आर वी बी आर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि क्या आर आई आर जो है वो कौन सा करंट है, आई इस वाले रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट है। तो किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय वो रेजिस्टेंस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे, माइनस वी एट एन एंगल ऑफ 120 डिवाइडेड बाय आर वन, गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड चीज, यहां पे वोल्टेज कितना है, प्लस माइनस वी वाई बी होगा, और वी वाई बी मेरे पास डायरेक्टली गिवन है, वी वाई बी की वैल्यू कितनी है, जितनी बताओ, वी एट एन एंगल ऑफ -120। ठीक है, इस ठीक है, ये तो आ गई वी वाई बी की वैल्यू। तो यहां से आर वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर वाई की वैल्यू हो जाएगी वी एट एन एंगल ऑफ -120 डिवाइडेड बाय आर वन। सिंपल है, अब बचा क्या, अब आई बी में फंस गए, आई बी किस, सिंपल है, ये तीनों करंट किस पे, एक ही नोड पे जाके मिल रही है, तो इसके अंदर करंट वो लग जाएगा तुम्हारा, करंट कंजर्वेशन लॉ। तो यहां से आई बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ आई आर प्लस आई वाई। कोई दिक्कत यहां तक, वैल्यू डाल दो जरा, माइनस ऑफ आई आर की वैल्यू कितनी, माइनस वी एट एन एंगल ऑफ 120 डिवाइड बाय आर वन, और आई वाई की वैल्यू कितनी, वी एट एन एंगल ऑफ -120 डिवाइड बाय आर वन। अगर मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा वी एट एन एंगल ऑफ 120 प्लस वी एट एन एंगल ऑफ माइनस, इसमें जाएगा इसमें प्लस 180 एंगल ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाय आर वन। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, कितनी आ जाएगी, कॉस 120 प्लस जे साइन 120 प्लस कॉस 60 प्लस जे साइन 60। ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 प्लस, ये कितना बनेगा, साइन ऑफ 90 प्लस 30 प्लस कॉस 30 जे प्लस, ये वाली पूरी टर्म तो सेम चली रही है यहाँ पे। अब ऐड करते हैं जरा, तो माइनस साइन 30 तो -1/2, और कॉस 60 +1/2 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जीरो पार्ट आ जाएगा। प्लस आगे चलो, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और
जे साइन की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू, तो ये रूट थ्री बचेगा, तो रूट थ्री आयोटा बचेगा, ठीक है। तो फाइनली मैं अगर लिखना चाहूं आई बी की वैल्यू होगी रूट थ्री आयोटा बाय आर वन, ठीक है। अब सिर्फ मेरे को क्या लेना है, आई आर रेशियो आई वाई रेशियो आई बी। अब इन सबके मैग्नीट्यूड आएंगे, ध्यान रखना प्लीज, गलती मत करना, ठीक है। तो अब यहां से जो आई आर की वैल्यू आएगी वो कितनी थी, वन, ठीक है, वी बाय आर वन, बेसिकली मैग्नीट्यूड देखो। आई वाई की वैल्यू भी कितनी थी, वी बाय आर वन, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसके लिए रूट थ्री आयोटा का मैग्नीट्यूड आ रही होगा, मतलब वन ही हो जाएगा, तो यहां से ही आ जाएगा। तो यहां से जब रेशियो आएगा तो वन रेशियो रूट थ्री, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सर्किट शोन इन द फिगर इज एनर्जाइज्ड बाय अ साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स गिवन, ठीक है। तो एक सर्किट गिवन है, उसको एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स अपने एनर्जाइज कर रखा है, उसका जिसका मैग्नीट्यूड वी वन है, एट अ फ्रीक्वेंसी विच कॉजेज रेजोनेंस विद अ करंट ऑफ आई, ठीक है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जिसमें करंट आई का रेजोनेंस हो रहा है, बेसिकली रेजोनेंस के अंदर होता क्या है, जो सर्किट का नेट इंपेडेंस होता है वो प्योरली रियल होता है, बेसिकली रेजिस्टिव पार्ट होते हैं आपस में, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये तुमको थ्योरी वाइज तुमको अगर करना है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको फेजर डायग्राम बनाना है किसका, सर्किट इस पूरे इस सिस्टम का, ठीक है। तो अब फेजर डायग्राम में तुम थोड़ा सा है ना, जब भी फेजर डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें फेजर्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, उसमें ना तुम रेफरेंस एक बार देख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस डी ऑप्शन का है यार, डी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देख रहे अपन। तो यहां से सर्किट पहली बात तो रेजोनेंस में है, तो सर्किट रेजोनेंस में है तो इस सोर्स से निकलने वाली करंट, इस सोर्स से निकलने वाली करंट इस वोल्टेज सोर्स के फेज में होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं है इसमें, देख लूंगा मैंने अगले पन्ने पे, वो तो अगले पन्ने डाला नहीं है अभी। तो ये V1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट क्या होगी, I1 होगी। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ मैं V1 को, ये V1 है, वैसे ही बन गया, छोड़ो ये तुम्हारी I हो जाएगी, ठीक है। तो ये फेज में है। अब VC क्या होगी, VC है ना, सबसे पहले VC बना लेते हैं। तो इसमें जो करंट जा रही है वो I जा रही है, तो कैपेसिटर के अंदर करंट आई जा रही है, एंड करंट कैपेसिटर में जो करंट होती है वो लीड करती है, तो जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या करेगा, लैग करेगा किससे, करंट से। तो करंट से लैग करेगा तो कुछ इस तरह से आएगा, ये लो क्या आ गया, ये वी सी आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। दूसरे पेन से बना लो, ये लो वी सी, ठीक है। तो ये वी सी आ गया तुम्हारे पास। और अब VL अगर तुम बनाते हो, ये VL यहाँ पे नाम नहीं देखा, बस VL बना रहा हूं मैं, तो अगर ये VL बनाते हो तो ये कैसा दिखेगा, जरा बताओ। VL तुम्हें यहां पे दिखेगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि VL और ये जो VC होंगे आपस में बराबर होंगे, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, समझ गए। उसके बाद लास्ट बचा तुम्हारे पास ये VR, अब दो आ रहा है तो इसको VR2 बोल देता हूं या VR बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। तो VR जो होता है वो तो करंट के साथ ही आएगा, करंट के साथ आएगा, तो इसको किस पेन से बनाएगा, ब्लैक से बना, रेड से बना, येलो, ये भी आ, ठीक है। अब VC प्लस VL प्लस VR वो क्या होंगे तुम्हारे पास, वो होंगे तुम्हारे पास जीरो, समझ गए मेरी बात। तो यहां से VC को पहले VL में ऐड करूंगा, ये VC को पहले VL में ऐड करूंगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अब उसको VR में ऐड कर दूंगा तो VR जो होगा वही खुद क्या होगा, वही V2 होगा, ठीक है। तो फाइनली जो फेजर दिख रहा है तुम्हारे पास वो तुम्हें ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, सीधा सीधा कुछ बचा ही नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कई बार क्या फेजर तुमको घुमा के भी दे देंगे, टेढ़ा मेढ़ा दे देंगे, अगर इस फेजर को ऐसे टेढ़ा दे सकते थे, ठीक है, आप इसमें तो कैसे बताऊं मैं, तभी थोड़ा सा टेढ़ा दे देंगे, ऐसे ऐसे कुछ दे देंगे, तो कंफ्यूज मत होना, देख के बस उस फेजर को घुमा रखा है, रेफरेंस अलग होगा, उनको मतलब नहीं है, तुमको बस करंट को स्टैंडर्ड रेफरेंस लेके चलना है, उस पर फिर विजुलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डालता हूँ फिर मैं, चलो। सो ऑप्शन नंबर अगला ऑप्शन भी दिख रहा होगा तुम्हें, डी, तो डी भी मैच नहीं खा रहा, ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा था, ठीक है। एन एनर्जी मीटर कनेक्टेड टू एन इमर्जन हीटर, इमर्जन हीटर बेसिकली क्या प्रॉपर्टी होती है, इमर्जन हीटर की प्योरली रेजिस्टिव होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग ऑन एसी ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड अ सिंगल फेज रीड्स, बेसिकली सिंगल फेज एसी है, पता नहीं फालतू की पंचायत की रखी है, रीड्स 2.3 यूनिट्स, ठीक है। तो 2.3 यूनिट्स बेसिकली, एक यूनिट क्या होती है पता है क्या तुम्हें, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, तो 2.3 यूनिट्स मतलब 2.3 किलोवाट आवर, ध्यान रखना यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद इन 1 आवर, ठीक है,
इन वन आवर। तो यहां से ये हुआ क्या, यहां से इनने पावर के बारे में बात कर दी। अगर कोई चीज 2.3 किलोवाट पर आवर खा रही है तो बेसिकली ए मतलब समझ गया ना, तो आवर तो उसकी एनर्जी कितनी हो रही होगी, एवरेज एनर्जी 2.3 किलोवाट। समझे मेरी बात। द हीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सप्लाई एंड नाउ कनेक्टेड टू अ 400 वोल्ट पीक टू पीक स्क्वायर वेव फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो होते हैं स्टैंडर्ड कन्वेंशन, अगर ये आते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं चीजें। ठीक है, बात करता हूं उनकी भी मैं आगे, अभी तो तुम चलो। द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई काम नहीं क्योंकि प्योरली रेजिस्टेंस ने पहले कह दिया है। ओके, सो यहां से वी आर एम एस स्क्वायर, पहले केस में पी वन इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर की बात करूं मैं, वो कितना आने वाला है तुम्हारे पास 2.3 किलोवाट। ठीक है, वी आर एम एस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 230। गिवन वोल्टेज हमेशा आर एम एस होता है, ऐसी वैल्यू जो अपन डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वही गिवन होगी तुम्हें हमेशा। तो 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.3 10 टू द पावर 3। तो यहां से जो तुम्हारा आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तुम्हारे पास 23 ओम। अब यही लोड को तुमने एक स्क्वायर वेवफॉर्म जिसकी पीक टू पीक वोल्टेज गिवन है, तुम्हें पीक टू पीक समझो बात को, पीक नहीं गिवन है, पीक टू पीक गिवन है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है यहाँ पे। पीक टू पीक, इस पीक से इस पीक तक वोल्टेज गिवन है 400, तो पीक कितने का हो जाएगा इसका 200 का। समझे। और एक स्क्वायर वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है तुम्हारे पास, वो खुद ही, तो यहां से पीक की वैल्यू, तो यहां से इसकी आरएमएस वैल्यू जो आएगी वो 200 आएगी। ठीक है, वी आरएमएस, तो यहां से पी टू जो आ जाएगा वो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, अब बस पावर डिसिपेशन बता रहा है किलोवाट के अंदर, 200 डिवाइड बाय 23 ये आ रहा है तुम्हारे पास 1.739 किलोवाट्स। यूनिट लिखा करो प्लीज, आधा डालो, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा होगा तुम्हें। ठीक है, 1.39, ठीक है देखते हैं 1.39 का ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने उस टाइम जब मैं करता था तो देखो मैंने यहाँ पे केयरफुली लिख रखा है, ये डू केयरफुली, क्यों, क्योंकि मैं पीक टू पीक नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब मुझे ध्यान रहता है, लेकिन मैंने बहुत पेन लिया इसमें, मतलब मैंने बहुत इसमें दुख मनाया था। ठीक है, कि पीक टू पीक, पीक टू पीक, पीक टू पीक, दो तीन बार याद करता रहा था मैं एक दिन में। तुम दो तीन बार उस कंसेप्ट को याद करोगे जब तुमने गलती करी, ऐसी ओरली याद करो, ऐसे लिखने में जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला चलते हैं। द स्टेट इक्वेशन फॉर द करंट आई वन शोन इन द फिगर, स्टेट इक्वेशन। ओके ओके, ठीक है, तो इस करंट I1 की तुम्हारे पास स्टेट इक्वेशन गिवन है, जो कि फिगर नीचे ऑप्शंस में गिर रखे हैं, ऑप्शंस नहीं देखेंगे अपन। इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज Vx एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स V इज गिवन बाय, तो बेसिकली किधर है I1 की, ये I1, इसकी स्टेट इक्वेशन बतानी है अपन को इन टर्म्स ऑफ Vx एंड V के टर्म्स में। गेटिंग माई पॉइंट, तो यहां से इसमें जो करंट जा रही होगी वो कितनी जा रही होगी, I1 प्लस I2, जरा इधर आ जाओ। ठीक है, तो मैं केवीएल घुमा देता हूँ और कुछ नहीं करना है मुझे, तो V इज इक्वल्स टू, ठीक है मैं इधर से घुमाना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो V और V तक पहुंचूंगा, तो मैं मेरी आदत ऐसी है, तुम चाहो तो पूरा लूप में लिखो, तो यहाँ पे तुम जब पूरा लूप में लिखोगे तो इक्वेट टू जीरो करोगे। मैं लूप में नहीं लिखता, मैं एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता हूँ, जैसे इस एंड से मैं घूम के इस एंड तक पहुंच जाता हूँ और इक्वल टू में ये लगा देता हूँ। ठीक है, तो मेरी आदत है, तुम्हारी जितनी आदत है तुम किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, कई लोगों की आदत होती है करंट के डायरेक्शन में घूमते, ठीक है, कई लोगों की आदत होती है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जो तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो, बस करना जरूर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, तो यहां से कितना होगा आई वन, तो कितना हो जाएगा 0.5 डी आई वन बाई डी टी, पहली चीज तो इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख दिया। अब इससे चले तो प्लस वी एक्स इसने बोल ही रखा है, प्लस 3 आई वन प्लस आई टू। अब बिना ऑप्शन देखे एक बार क्वेश्चन में ढंग से पढ़ो कि उसने वोल्टेज वी एक्स और सिर्फ वोल्टेज वी के टर्म्स में सारी चीज पूछी है। ठीक है, आई वन की इक्वेशन पूछी तो आई वन तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मतलब आई टू को तुमको कैसे ना कैसे करके एलिमिनेट करना है, गेटिंग माई पॉइंट, तो आई टू को एलिमिनेट करना है तो आई टू को डालना पड़ेगा। तो आई टू को कैसे डालोगे, ये वोल्टेज जो था, ये वोल्टेज कितना तुम्हारे पास बताओ जरा, 0.5 डी आई वन बाई डी टी, ये वोल्टेज था ये वाला इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे ये वाला वोल्टेज है, इसमें ये माइनस कर देता हूँ, ये कितना बोलते हैं माइनस ऑफ माइनस 0.2 वी एक्स, और इसको मैं उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी I2 की, और ये I2 की वैल्यू उठा के मैं उस पर डाल दूंगा। समझ गए, तो यहां से डाल दो जरा I2 की वैल्यू, एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 0.1 di1 by dt प्लस 0.04 vx, समझे, ऊपर डाल दो I1 के अंदर, तो v इज इक्वल टू 0.5 di1 by dt प्लस vx प्लस 3 i1 प्लस 3 टाइम्स I2, जैसे इसमें डालोगे तो इधर मैं नीचे दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, सब्सिट्यूट 0.3 डी आई वन बाई डी टी
प्लस 0.12 vx। बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, तो इसने जिस फॉर्म में पूछा उस फॉर्म में अपन आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसने किस फॉर्म में पूछा, इसने डी आई एन बाई डी टी को एक तरफ रख रखा है, ठीक है। तो डी आई एन बाई डी टी को अपन एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को उधर ले जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सी टर्म दिख रही है तुम्हें, वीएक्स की टर्म दिख रही है। तो वीएक्स की टर्म यहाँ से कितनी दिख रही तुम्हें, 1.12, 1.12 वीएक्स डिवाइडेड बाय 0.5। ये 0.5 मैं जब नीचे डिवाइड करूंगा, हर टर्म में नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ओके। उसके बाद -3 I1 डिवाइडेड बाय 0.5, ओके। उसके बाद माइनस ओके, ये टर्म, ओ माय बैड, डी आई वन बाई डी टी की दो टर्म्स थी ना, सॉरी इसको काटो, इसको काटा, सॉरी, ठीक है। तो यहां से पहले इसको लो साथ में, तो 0.8 आएगा। तो 0.8 डी आई वन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.12 वी एक्स माइनस 3 I1 प्लस बी, समझिए। अब 0.8 को नीचे डिवाइड करना है बस। तो -1.12 डिवाइड बाय 0.8 वी एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय 0.8 I1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 0.8 कितना होता है तुम्हारे हिसाब से, 4/5 होता है, ऊपर जाएगा तो 5/4 भी, ठीक है। तो 1.12 डिवाइड बाय 0.8, 7/5 बेसिकली 1.4, -1.4 और माइनस 3/0.8, ये होता है 3.375, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है तुम्हारे पास माइनस ऑफ 1.4, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास माइनस ऑफ 3.75, और ये 5/4 तो है ही, ऑप्शन में दिख रहा है क्या तुम्हें, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है तुम्हें सीधा सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा इसका, 1.40 का ऑप्शन ए, ओके। तो ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, तुमको बस जिस ऑप्शन में पूछा है तुम्हें उस ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करनी होती है वैल्यूज। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41, इन द फिगर गिवन बिलो ऑल द फेजर्स आर रेफरेंस टू द पॉइंट एट पॉइंट जीरो। बेसिकली जीरो के रेफरेंस में अपन ने जितने भी वोल्टेज, मतलब जीरो पे जो पोटेंशियल था उसके रेफरेंस में अपन ने सारे फेजर्स को ड्रॉ किया है। द लोकस ऑफ द फेजर वी वाई एक्स एज आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, कौन सा क्वेश्चन हो गया, लोकस डायग्राम का क्वेश्चन हो गया, जो अपन ने पहले भी कर रखे हैं, ठीक है। जरा आते हैं करते हैं इसको, डायग्राम में जाना पड़ेगा अपन को। तो ये रहा ये डायग्राम, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आओ, ये एरो गिवन होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, है ना। एक क्वेश्चन था जो गलत था, याद करो, नेक्स्ट चैप्टर में है वो, ये लो साहब। और यहाँ पे इनने जीरो ले रखा है, ओ बोल रखा है, जो तुमको बोलना है बोल लो। ये है वी एट एन एंगल ऑफ जीरो डिग्री, ये भी है वी एट एन एंगल ऑफ जीरो डिग्री। अब एक्स वाई के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है मेरे को वो बताना है, ठीक है। तो यहां से जैसे ही मैं इसको ग्राउंड करता हूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा V at angle of zero. यहां पे वोल्टेज कितना हो जाएगा V at 2V at angle of zero, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो कितनी फ्लो हो रही होगी, अच्छा ठीक है। अब तुम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, यहां पे तुमको 2V at angle of zero दिख रहा है, करंट निकालने की जरूरत नहीं है तुमको, सीधे सीधे ये वोल्टेज बताना ना। तो ये वोल्टेज वही होगा जो सी के अक्रॉस होगा, तो मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल से वी वाई लिख सकता हूँ सीधे सीधा। वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वोल्टेज डिवाइडर रूल से, 1 अपॉन जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2V एट एन एंगल ऑफ जीरो। कोई दिक्कत आ रही है यहां तक, नहीं आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जे ओमेगा सी एलसीएम कॉमन लूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी और ऊपर 2V एट एन एंगल ऑफ जीरो। तो ये तुम्हारे पास वी वाई आ गया। अब तुम्हें वी वाई एक्स का फेजर बनाना है, ये भी बात ध्यान रखना, वी एक्स वाई का मत बना देना, ठीक है। तो यहां से 2V करते हैं, तो 2V डिवाइडेड बाय 1 प्लस j ओमेगा RC माइनस व्हाट V, सिंपल, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ जीरो, इसमें मैं एंगल नहीं लगा रहा हूं, ऊपर नीचे रैशनलाइज करूंगा, तो 2V 1 माइनस j ओमेगा RC डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर माइनस V, गेटिंग। अब LCM लेना है, LCM के लेना है, इधर ले भेजो उसको, तो 2V ओके, तो 2V है ना, तो V कॉमन आ रहा बाहर, V कॉमन आ रहा बाहर, और अंदर बच रहा है 2 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर माइनस, ज्यादा हो गया, माइनस 2, उसको जूम आउट ही कर देते पूरा, माइनस 2
वी जे ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ दिक्कत यहां तक? तो यहां से इसको और लिखो, v into 1 minus omega square r square c square divided by 1 plus omega square r square c square minus 2v j omega c, और r को बाहर लेता हूं क्योंकि अपन को उससे ही काम है। ठीक है, चल नाउ कब r is equals to 0 पे, r is equals to 0 पे यहां पे 0 डाला, यहां पे 0 डाला, कितना बनेगा v, और इधर minus 0 j। नहीं माइनस क्यों लगा था, तुमको पुराने वीडियोस में पता पड़ जाएगा, मेरे लोकस डायग्राम्स की वीडियोस देख लेना। और r इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालो, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालेंगे तो यहां से r स्क्वायर नीचे कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस v, और इधर इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी, r कॉमन ले रहे हैं अपन बाहर, इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो माइनस जीरो जे। ठीक है, आर स्क्वायर नीचे से कॉमन लिया, ऊपर आर कैंसिल हुआ, एक आर नीचे बचा, ठीक है, तो माइनस जीरो जाएगा, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बस इनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपन, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो किस तरह से ऑप्शन गिवन है, कुछ सर्टेन पॉइंट जीरो से बढ़ रहा है वोल्टेज, ओके, उसके बाद लोकस डायग्राम चेंज हो रहा है, ओके, सो आर इज इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा यहां पे कहीं पे है, ठीक है, उसके बाद आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कहां चला गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया जो पहले था, ऐसे कुछ आ गया। तो अब इसके दो ट्रांजेक्शन पॉसिबल हैं, या तो ऐसे गया होगा या ये ऐसे गया होगा, ठीक है, तो अब दोनों में से कौन सा गया होगा वो अपन को पता पड़ेगा यहां से, मैं हमेशा ये माइनस लगाता हूं ना, ये तुमको पता होना चाहिए। अब ये r इज इक्वल टू जीरो से थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं तो ये वैल्यू कहां जाएगी, 0.00001 पे, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे कहीं पे, ठीक है, फिर खत्म कहा है माइनस वी माइनस जीरो जे पे, तो मतलब ये खत्म कैसे हो रहा होगा, पहले ये वैल्यू 0.00001 हुई होगी, खूब सारे जीरोस लगे होंगे, ठीक है, तो वो खूब सारे जीरोस कहां लगते हैं, यहां पे, ठीक है, तो ऐसे खत्म हुआ होगा, ठीक है, तो अब जब तुम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हो ना, उसमें भी तुम जो पोलर प्लॉट बनाते हो उसमें ऐसे ऐसे आदत डालो, तो ये पूरा घूम के ऐसे गया होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है तुम्हें यहां से ट्रू, ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शंस, अच्छा पेज उधर, ऑप्शन नंबर तुम्हें यहां से दिख रहा है ए ऑप्शन। अब तुम बोलोगे कि ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये वाला डायग्राम तो बहुत सारे ऐसे जो इधर से जा रहे हैं, दो वाले दिख रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है, इसमें देखो ये बोल रहा है कि मैं पहले 2v पे था और मैं खत्म होते 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 मैं जीरो हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बनाया है, ओ है ना, तुमको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये माइनस वी है, इधर सेंटर इसका ये है, तो फेजर पहले कुछ v सर्टेन अमाउंट ऑफ v पे था और बाद में गर्म खत्म होके तुम्हारा जीरो हो गया, ठीक है, तो ये इसके कंसेप्ट है बेसिक, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है, ठीक है। सो क्वेश्चन 42 देखो, अ 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, तो एक 3 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ये लो भैया 3 वे बन गई तुम्हारी 3 वोल्ट की डीसी सप्लाई, सप्लाइज अ पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। अब पैसिव का क्या मतलब हुआ, कि वो एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकता है, उसमें जो वोल्टेज और करंट के साइन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि हमेशा वो पावर एब्जॉर्ब ही करे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तुमको समझ में आना चाहिए, पैसिव और एक्टिव में प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं इस टर्म्स को। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलेशन वी एल इज इक्वल टू आई वी, मतलब बेसिकली इसके अक्रॉस नॉन लीनियर जो वोल्टेज है उसका रिलेशन इसके साथ नॉन लीनियर ये है, ठीक है, अगर v इज इक्वल टू आई आर होता, आई होता तो मैं सीधे से बोल देता यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे तो v इज इक्वल टू आई एन का स्क्वायर है। द पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस इज, ठीक है, पावर डिसिपेट इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस पूछिए, pt हमेशा क्या होता है, vt into it, कुछ करना ही नहीं होता है इनमें, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय करंट इन दैट एलिमेंट विल गिव यू द आंसर, सिंपल है। यहां से मैं एक, अब जैसे ये पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये, इसके अंदर यहाँ पे तुमको क्या करना है जस्ट, तो यहाँ पे वी एन एल को मैं लिख सकता हूँ 3 - 2 INL, अब यार ये वी एन एल आ रही है चलने दो, इसको वी लिखो, फालतू इतना लंबा लंबा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने ये इसको ये लिख दिया। अब एक रिलेशन तो ये,
और दूसरा रिलेशन ये अपन को गिवन ही था, इन दोनों को यूज करके अपन को वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहां से आई एन एल की वैल्यू को डाल सकता हूँ या वी एन एल की वैल्यू को डाल सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी है। और लास्ट में दो वैल्यूज आएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से दूसरी वैल्यू एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, दूसरी वैल्यू का एलिमिनेट करने के लिए ये तुमको ये वर्ड गिवन है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यार ये, अपने अप क्लिक कर जाएंगे थोड़े टाइम बाद। अभी जैसे मेरे को कर रहे हैं ना, मेरे को से करे हुए क्वेश्चन, मतलब करे हुए एक बार, काफी टाइम हो गया, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ में आएंगे तो यही काम के सारे, तो वही छोटी छोटी चीजें एलिमिनेट करने में काम आएंगे। तो यहां से v की वैल्यू डाल दो ऊपर, है ना, v की वैल्यू डालोगे तो 3 - 2i इज इक्वल टू आई एन एल बेसिकली आई स्क्वायर। तो यहां से आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आई प्लस 3 आई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आई की दो वैल्यू आ रही है, माइनस 3 एंड 1 गेटिंग। तो अब यहां से मैं आई की माइनस 3 वैल्यू को यूज करके मैं ऊपर डालता हूं, तो यहां से वी की जो वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन में डाल रहा हूं ना, वन फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां से वी की जो वैल्यू आ रही है माइनस 3 6, 6 प्लस 3 9। और यहां पे आई की वैल्यू को अगर मैं 1 डालता हूं तो यहां से आ रही है 1, वी की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, समझ में आया तक। यहां से तुमको क्या मिल रहा है, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पावर जो मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पावर अपन ने क्या मान के चला था, एलिमेंट कैसा है, ऐसा है, एब्जॉर्बिंग है, ये वी ऐसा है, आई ऐसा है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पावर तुम्हारी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन यहाँ पे जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पावर क्या कर रहा है, या तो दोनों नेगेटिव आ जाते तो मतलब दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं अपन को, इसमें पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, मतलब पावर ये दे नहीं रहा, डिलीवर कर रहा है, तो ये तो अपनी ये कंडीशन गलत हो गई, पावर दे ही नहीं सकता क्योंकि पैसिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट ही पावर दे सकते हैं सिर्फ। तो यहां से v भी बनाएगा और i भी बनाएगा यहां से तुम्हारी आगे, ठीक है। तो मतलब ये ट्रू है, ये इनवैलिड है क्योंकि एग्जाम में उसने कह दिया है पैसिव, जिस टीचर ने क्वेश्चन बना रहा हो उसको लास्ट में लिखा हुआ है दो वैल्यू आ रही है एक को हटाए कैसे, तो एलिमेंट को क्या कह दो तुम, पैसिव कह दो, ठीक है, तो एक वैल्यू वहां से हट जाएगी। अगर वो एलिमेंट को एक्टिव कह देते तो ये हट जाती, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नहीं, एलिमेंट को एक्टिव कह देता तो एक्टिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पावर दे सकते हैं, अगर एक्टिव कह देता दोनों ट्रू होती, दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी है दे ही दे, ये ले ही ले, वो दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं एक्टिव एलिमेंट, लेकिन पैसिव एलिमेंट हो सकते हैं वो सिर्फ ले ही सकते हैं। तो अगर एक्टिव बोल देता दोनों आंसर होते, ठीक है, कुछ नहीं बोलता तब भी दोनों आंसर होते, पैसिव बोला तो एक आंसर एलिमिनेट हो गया, ये हट गया, अब सिर्फ ये बचा। तो पावर कितनी हो जाएगी, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, 1 वॉट की वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा तुम्हारे पास 142 का, करेक्ट, ठीक है। इसने क्या लॉजिक यूज किया है वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए, सेम लॉजिक यूज किया इसने, माइनस 3 एम्पियर इज रिजेक्टेड बिकॉज एलिमेंट इज अ नॉन लीनियर रेजिस्टर इज पैसिव, ठीक है ना, मेरा सेम लॉजिक यूज करके उसने आंसर दिया। हमेशा ना सॉल्यूशन थोड़े पढ़ लिया करो कभी कभी तुमको ना, लेकिन करने के बाद आंसर निकालने के बाद तुमको अल्टरनेट अप्रोच मिलेगी, क्या पता वो अप्रोच तुम्हारी अप्रोच से बेहतर हो, पहली बात तो अप्रोच वही बेहतर होती है जो अपनी होती है, ठीक है, ये बात भी तुमको ध्यान रखनी है, लेकिन क्या पता वो अप्रोच अपने से बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 43, द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट ऑपरेटिंग एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 रेडियन पर सेकंड, VOC is equals to 3.71 at an angle of minus 15.9 and Z0 is equals to 2.38 minus falana. At this frequency, the minimum realization of the Thevenin impedance will have a, okay. तो एक Thevenin equivalent circuit है operating at VOC. तो basically VTH given है तुम्हारे पास 3.71 at an angle of minus 15.9 and Z out जो है तुम्हारे पास वो है 2.38 माइनस 0.667J और फ्रीक्वेंसी तुमको गिवन है उससे अपन को मतलब नहीं, तो सारा काम यहीं से है। थेवेनिन इंपीडेंस को कैसे रियलाइज करें, क्या लिख दिया, थेवेनिन इंपीडेंस को कैसे रियलाइज करें, थेवेनिन इंपीडेंस कैसे रियलाइज होगा भैया, 2.38 माइनस, तो ये किसका इंपीडेंस होता है, ये होता है तुम्हारे पास R और C का, तुमको पता होना चाहिए यार, ये तो R माइनस जी ओमेगा C फॉर्म बनती है, ठीक है। तो हाउ विल बी द वो रियलाइज, मिनिमम रियलाइजेशन पूछा है ना। अब हाँ, इंपॉर्टेंट बात, ये जो चीज आई है ये किससे आ सकती है, आरएलसी के कॉम्बिनेशन से आ सकती है, कैसे आती है भैया, ये लो, अब यहाँ पे ये वाली टर्म अगर इससे बड़ी हो गई तो ये ओवर ओवर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो आरएलसी भी आ सकता है, ऑप्शन में है आरएलसी, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ठीक है, दो ऑप्शन ट्रू है, लेकिन उसने एक वर्ड अगेन यूज कर दिया, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होते हैं यहाँ गेट वाले, पहले तो बहुत स्पेसिफिक आया करते थे, अब तो मतलब छोड़ो, अब की बात नहीं करेंगे अपन, खैर। तो मिनिमम रिलेशन पूछा है, तो मिनिमम रिलेशन पूछा है तो मिनिमम मतलब उसको तुमको मिनिमलिस्टिक चीजें यूज करनी है, मतलब मिनिमम चीजें यूज करनी है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा कौन सा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 1.43 का, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें भी तुम सोल्यूशन पढ़ना, इसमें भी सेम सोल्यूशन दे रखा है इसने, केस वन केस टू दोनों लिया है, ऑप्शन ए भी ट्रू हो सकता था, ऑप्शन बी भी। जल्दी जवाब जल्दी है, मैं आरसी मत बोला करो, हमेशा आरएलसी भी बन सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें कैपेसिटिव पार्ट अगर ज्यादा हो गया तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी उसकी, उसका नेट इंपिडेंस आएगा। तो लेकिन इसने भी केस वन और केस टू बना के केस टू को एलिमिनेट कर रखा है, तुम देखना सोल्यूशन बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। सेम केस सेम सोल्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो मैंने बताया वही है, ठीक है। बस प्रॉपर दो केस बना के दे रखा है। 1.44 अज्यूमिंग आइडल एलिमेंट्स इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज वी ए बी विल बी, आइडल एलिमेंट्स है, वी ए बी का वोल्टेज बताना है। ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया, क्यों दे दिया, पता नहीं कितने मार्क्स का भी है। वी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंच जाओ तो -5 प्लस 2 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो -3 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन है क्या इसमें, 1.44 का -3 वोल्ट, कुछ करना ही नहीं था, क्या बोलूँ हमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड अपलोड करता हूँ, फिर मिलते हैं अपन, ओके। सो इसमें तो पुराने वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा था, सॉरी थोड़ी सी स्लाइड ब्लरी है ये वाली, ठीक है, तभी तुमको दिख जाएगा, कंफर्टेबल हो जाओगे, तुमको दिक्कत नहीं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट आई विल बी, इस करंट आई की वैल्यू पूछिए इस सर्किट के अंदर। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, केसीएल की वैल्यू लगानी होती है और चीजों को एलिमिनेट करना होता है और कुछ नहीं है। आ जाओ करते हैं, चलो यहीं से चालू कर देते हैं, नहीं यार नया पेज, तो इधर आ जाओ। तो सबसे पहले तुम्हारे पास वी ए जो आएगा, अगर मैं इधर से ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, तो यहां से ये वी ए बन जाएगा, ये वी बी बन जाएगा और ये 4VAB बन जाएगा, गेटिंग। तो V अगर मैं लिखना चाहूंगा तो V कितना हो जाएगा, यहां से वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा इसमें, और क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, सीधे सीधे हाफ वैल्यू आ जाएगी इसके अक्रॉस, तो 5/2 वोल्ट, ये V वोल्ट। अगेन VB जो होगा, अब VB क्या हो सकता है, यहां से देखो इसके अंदर तुम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ, ठीक है, या तो तुम दो तरीके से लिख सकते हो तुम ये, या तो तुम लिख दो सीधे सीधे आई इंटू वन इज इक्वल टू आई बेसिकली, ठीक है, यहाँ से इसमें करंट आई जा रही है तो ये वी बी जो वोल्टेज होगा आई हो जाएगा, या तुम यहाँ पे वोल्टेज कितना है 4VAB, ठीक है, तो 4VAB को तुम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हो, तो 4VAB में अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4VAB मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 बेसिकली VAB आ जाएगा। तो VB की वैल्यू किसके बराबर आ गई, VAB के बराबर, समझे। अब यहाँ से VA माइनस VB इज इक्वल टू VAB होता है, वैल्यू डालो जरा, इसकी वैल्यू 5/2, इसकी वैल्यू कितनी है, खुद VAB है और यहाँ पे ये VAB है, तो यहाँ से VAB की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बताओ जरा, 5/4, ओके। अब I की वैल्यू बतानी है तुम्हें, I की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो VAB डिवाइडेड बाय 4 ओम दिख रहा है, यहाँ से टोटल वोल्टेज यहाँ पे VAB है और टोटल रेजिस्टेंस 4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ तो VAB के बराबर आ गया, कितना आ गया 5/4 एम्पियर, ठीक है, नीचे ओम से वोल्ट से ओम कैंसिल हुआ तो एम्पियर बचेगा 1.25 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी, 145 का ऑप्शन बी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आओ, द करंट थ्रू द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन बिलो, अरे यार बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस आ रहा है, बिल्कुल है, बैलेंस है, तो इसके अंदर कोई करंट जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 एम्पियर, 0 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास किधर है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फालतू देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ मैं, पागल हूँ क्या, अंडर कॉन्फिडेंट। आगे चलो, क्वेश्चन 47, हाउ मेनी 200 वाट 220 वोल्ट इनकैंडेसेंट कितना आई एम्पियर्स कनेक्टेड, इनकैंडेसेंट लैंप है यार, आई एम्पियर देख अलग अलग से लग रहा है बिल्कुल, लैंप्स कनेक्टेड इन सीरीज वुड कंज्यूम द सेम पावर एज अ सिंगल 100 वॉट 220 वोल्ट इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है। तो एक 100 वॉट 220 वोल्ट का सिंगल लैम्प कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वॉट ऑब्वियसली बात है, गिवन ही यही है, ठीक है। यहां से एक बात तुमको अगेन समझनी है, वही सेम चीज कि ये जो वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज है, तुम्हारे सॉकेट का वोल्टेज है, तुमने एक बल्ब लिया इस सॉकेट में लगा के चेक किया ये इतनी पावर खा रहा है, तुमने दूसरा बल्ब लिया तुमने सॉकेट में लगा के चेक किया वो 200 पावर खा रहा है, तो दोनों अलग अलग बल्ब है लेकिन सॉकेट वही है, उसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है तुम्हारे पास 220 वोल्ट्स RMS, गेटिंग। अब यहां पे तुमने एन नंबर ऑफ सीरीज में लगा दिए, कौन से बल्ब 200 वॉट के, ठीक है, एन नंबर ऑफ 200 वॉट के तुमने बल्ब सीरीज में लगा दिए, कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे ताकि वो 100 वॉट पावर खाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, गेटिंग। तो यहां से मैं आर की वैल्यू बता सकता हूँ क्या कितनी हो जाएगी,
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वन। वी स्क्वायर कितना तुम्हारे पास 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वन की होती है तुम्हारे पास 200। अब जब मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से एनआर, ठीक है। तो यहां से जो नई पावर बेसिकली जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी होनी चाहिए, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इक्वलेंट, और ये किसके बराबर आनी चाहिए, ये तुम्हारी 100 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनआर इज इक्वल्स टू 100। यहां से एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू 100। एक तो मेरे को है ना मेरी ठीक है बोलने की आदत छोड़नी है, पता नहीं कहां से लग गई, समझ नहीं आ रहा मेरे को, पहले नहीं थी। ओके सो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारे पास, चलो आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू भूल गया मैं, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200। ओके तो यहां से आ गए 2 ओम। ऑलराइट तो यहां से n की वैल्यू होनी चाहिए 2 ओम, कहां से लिख दिया मैंने, वाओ, बेसिकली n की वैल्यू आ गई 2। तो कितने नंबर ऑफ लैंप्स रिक्वायर्ड है तुम्हें सीरीज में कनेक्ट करने के लिए ताकि वो 100 वॉट पावर खावे, 2। तुमको क्या लगता था, इसलिए अपने घर के इक्विपमेंट से सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। तुमने 200 वॉट का एक बल्ब लिया, उसको तुमने दो बल्ब लेके तुमने सोचा था 400 वॉट पावर बनाऊंगा मैं, ठीक है, वो तुम्हें 200 वॉट से भी ज्यादा नहीं मिल रही है, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। ओके आगे बढ़ते हैं, बहुत इरिटेटिंग साउंड करता है, ठीक है, मैं खुद सुनता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि हाँ ठीक है ठीक है, कितनी बार बोलता हूँ पता तुमको आ रहा सब कुछ समझ। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनपुट लूप ऑफ द सर्किट शोन इज। तो बेसिकली इसके अंदर तुमको क्या पूछा है, इनपुट लूप का कैपेसिटेंस पूछा है, इनपुट लूप के अंदर जो तुम अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो इनपुट में जेड इक्वलेंट आ रहा है वो डेफिनेटली किस फॉर्म का आएगा, 1 प्लस j ओमेगा, 1 प्लस 1 माइनस j ओमेगा, j अपॉन ओमेगा सी का। ओके तो यहाँ पे इस इक्वलेंट बताना तुम्हें इस फॉर्म में। अब जब तुम फाइनली जेड इक्वलेंट इस टर्मिनल्स के अक्रॉस निकाल लोगे, उसको तुम इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, तो फाइनली इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको कंपेयर करके वहां से इक्वलेंट निकालोगे, तो वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, नहीं बोलना। ओके सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने कहा था जब भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो कैसे लगाएंगे अपन, कैसे निकालेंगे अपन इक्विवेलेंट इंपेडेंस, अपन निकालेंगे उसके अक्रॉस एक टेस्ट वोल्टेज, टेस्ट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके। और उस मैंने तुमको और आगे अप्रोच बताई थी, इस टेस्ट करंट सोर्स की प्रिफर कौन का करोगे तुम, वोल्टेज सोर्स की बजाय करंट सोर्स, और उस करंट सोर्स की वैल्यू को भी तुम 1 रख देना। अब यहाँ पे एसी सर्किट है तो मैं 1 एम्पियर का एसी करंट सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, डीसी सर्किट होता तो मैं 1 एम्पियर का डीसी करंट सोर्स इस्तेमाल करता। ऑलराइट तो यहां से I1 की जो वैल्यू आ रही है डायरेक्टली यहां से तुमको दिख रहा है I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ऑलराइट तो यहां से अगर करंट I1 आ रहा है, यहां से 49 I1 आ रहा है, तो यहां पे कितना करंट जा रहा होगा, 50 I1, समझ पा रहे हो। तो यहां पे मैं लिखूं V टेस्ट की जो वैल्यू आएगी, V टेस्ट की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं यहां से यहां तक KCL लगा दूं, ठीक है, तो वो तुमको मिल जाएगा वोल्टेज वहां का कितना मिलेगा जरा बताओ मुझे, -j/ωc मल्टीप्लाइड बाय 50 I1 +2 I1। सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो यहां से कंपेयर करोगे, ठीक है, अब I1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, डाल दो I1 की वैल्यू 1, तो -j -50/ωc +2 I1। अब इसको कंपेयर करना है, मैं I1 की वैल्यू डाल दी यहां पे भाई, तब इसको सीधे से कंपेयर करना, तो -50/ωc इज इक्वल्स टू -1/ωc इक्वलेंट। तो यहां से ओमेगा कैंसिल हो गया, सी इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई यहां से सीधा सीधा C/50, और सी की वैल्यू कितनी थी 100 माइक्रोफेराड, उसको 50 से डिवाइड किया कितना बनेगा 2 माइक्रोफेराड। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन जिसको नहीं आता वो नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए मिल रहा तुम्हें, ठीक है, अब यहां तो ठीक है बोलूंगा ना यार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पाओ, फ्रॉम द सर्किट शोन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, ऑल्सो आइडेंटिफाई द चेंज टू बी मेड टू डबल द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। तो पहली बात तो 2 ओम रेजिस्टेंस से तुमको करंट निकालना ही है, किसी भी रेजिस्टेंस से करंट क्या होती है, उसके अक्रॉस वोल्टेज
बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से तुमको सिर्फ 2 ओम की करंट, 2 ओम की इसमें करंट चाहिए, मतलब 2 ओम के अंदर करंट बतानी है। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होती है, उसका क्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय वो खुद रेजिस्टेंस। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना दिख रहा है, अगर यहाँ पे ग्राउंड कर दे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 4 वोल्ट का। तो यहाँ पे सीधे सीधे करंट कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 एम्पीयर। अब वॉट चेंजेस टू बी मेड टू डबल द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। तो अब इसमें करंट में चेंज क्या करें, मतलब इन दोनों में से किसको में किस में चेंज करें ताकि इसमें से जो जाने वाली करंट है वो डबल हो जाए। इसमें चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर मैं चेंज करता हूं तभी इसमें कुछ करंट चेंज होगी। अब करंट को मेरे को डबल करनी है तो इसको किस तरह से चेंज करूं ताकि करंट डबल हो जाए, इसको क्या कर दो, जस्ट डबल कर दो। तो वीएस के वैल्यू क्या कर दो, सीधे सीधे तुम 8 वोल्ट कर दो। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है तुम्हें, बी ऑप्शन मिल रहा है। तुम चाहते तो पहला पार्ट करके ऑप्शन निकाल सकते हैं, दोनों पार्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन जनरली दोनों पार्ट के अंदर डालो, आंसर जल्दी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का बी मिलेगा। आगे बढ़ो फटाफट। एज शोन इन द फिगर, ओके, ब्लैक बॉक्स का क्वेश्चन है। ब्लैक बॉक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन तभी ब्लैक बॉक्स के क्वेश्चन तुम जितना प्रैक्टिस कर सकते हो नेटवर्क में उतना करो, क्योंकि 2-3 की वैरायटी है नेटवर्क में जो तुम्हें अटकाएगी। बाकी नेटवर्क इज फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और जो अटकाएगा वो तुम्हें कन्वेंशन अटकाएंगे, गिवन चीजें क्या क्या है, जैसे पैसिव है और जो वैल्यूज है वो आरएमएस गिवन है, पीक गिवन है, ये कन्वेंशन अटकाएंगे। बाकी कंसेप्ट अटकाने वाले गिने चुने 4-5 कंसेप्ट है जो तुम्हें अटकाएंगे। यहां पे तुमको गिवन है 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स दैट हैज अ लोड लाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वी प्लस आई इज इक्वल टू 100। द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज, ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे टर्मिनल का रिलेशन गिवन है तुम्हें, वी इज इक्वल टू 100 माइनस आई, और यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस लगाई है, तो इसका रेजिस्टेंस तो तुमको एम्पियर्स लॉ क्या ओम्स लॉ देता ही है। वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे आर के लिए तो वी इज इक्वल टू आई। पूछा क्या है, करंट पूछिए, करंट पूछिए ना किससे, सोर्स से। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी करना, ब्लैक बॉक्स का क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही टट्टू क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई की तुमको आई की वैल्यू बतानी है, तो वी की वैल्यू सब्सिट्यूट, वी में सब्सिट्यूट, वी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 50 एम्पीयर। चलो आगे बढ़ो, ऑप्शन बी क्वेश्चन 50 का। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें। चलो अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके, ये एक लौता क्वेश्चन है जो इस प्रोफाइल का अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया है। थोड़ा सा थिंकिंग वाला क्वेश्चन, अगर तुमको समझ में आता है तो तुम आराम से कर दोगे। बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है बस, और तुमको कंट्रोल सिस्टम का बहुत अच्छा आइडिया, तुमने कंट्रोल सिस्टम आईजी नागरथ पढ़ी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है फिर तो। ये मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन तभी तुम थोड़ा सा लॉजिकल एबिलिटी लगाओगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ, अब पानी को यहाँ पे किसकी तरह ट्रीट करो तुम, चार्ज की तरह, जो वाटर है उसको चार्ज की तरह ट्रीट करो। तो यहाँ पे कुछ सोर्स है जो पानी गिराया जा रहा है, पानी गिराया जा रहा है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेनर है जो पानी को स्टोर करे जा रहा है अपने पे, लेकिन उस कंटेनर में एक छोटा सा होल है जो कि पानी को लीक करा रहा है, और वो होल लीक करा के किस में ले जा रहा है, एक दूसरे कंटेनर में ले जा रहा है कि जो भी पानी को वो कर रहा है, स्टोर कर रहा है। अब उसके अंदर भी एक होल है जो कि पानी को लीक करा रहा है। तो बेसिकली एक चार्ज, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है, उस चार्ज को कुछ चीज स्टोर कर रही है, लेकिन स्टोरिंग के साथ साथ कुछ चीज लीक भी हो रही है दूसरे कंटेनर में, और दूसरे कंटेनर में जाके वापस स्टोर हो रही है, लेकिन उसमें भी कुछ बार सर्टेन अमाउंट ऑफ सराउंडिंग के अंदर लीक हो रही है। तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेजिस्टर, समझ लो मेरी बात, और ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैपेसिटर को जो कि चार्ज को स्टोर कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक करंट सोर्स को जो कि चार्ज को डिलीवर किया जा रहा है। वोल्टेज सोर्स भी हो सकता था ये, ठीक है, तो तुम वोल्टेज सोर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में सारे ऑप्शन करंट सोर्स से होंगे, क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में ये करंट सोर्स दे दिया ना, तो करंट सोर्स को स्टोर डायरेक्टली स्टोर कौन करता है तुम्हारे पास, करंट सोर्स को डायरेक्टली तुम्हारे पास स्टोर करता है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर उसको चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है, उसके बाद में उसमें लीकेज कौन कराता है, किसी भी चीज में लीकेज कौन कराता है, रेजिस्टेंस कराता है, और फिर अगेन उसमें दोबारा स्टोर करवा रहा है वो, और फिर वापस उसमें लीक करवा रहा है एनवायरमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बी और डी जो होंगे वो रेजिस्टेंसेज होंगे, और ए और सी, ये क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 बार कर चुका हूँ इसलिए मुझे अभी तक याद है, मैंने ऑप्शन भी नहीं देखे, ठीक है। तो ए और सी जो होंगे यहाँ पे कैपेसिटेंस होंगे, और बी और डी जो होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस होंगे। तो बी और डी रेजिस्टेंस ढूंढो यहाँ पे इसमें, और ए और सी कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 51 का, क्वेश्चन नंबर 51 का सही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। वैसे तो बेसिकली अपने लिए नहीं था क्वेश्चन, मैकेनिकल वालों के लिए था, लेकिन मैकेनिकल वालों को आर और सी का काम नहीं होता इसलिए आपने इसमें फेल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करके तुमको मिलता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इफ अ 12 ओम रजिस्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एज शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द रजिस्टेंस आर इज, कितनी बार आएंगे ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा है अभी तक।
यहाँ पे इसके अंदर 1 ओम की करंट जा रही है, यहाँ पे ग्राउंड कर दो तो यहाँ पे इसका क्रॉस वोल्टेज अगर 12 है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। करंट 1 की जा रही है, रेजिस्टेंस 12 है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस 12 होगा, तो यहाँ पे 12 वोल्ट क्योंकि एक तरफ ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 एम्पीयर की करंट आ रही है, ठीक है, नहीं बोलूंगा ठीक है यार, 2 एम्पीयर की करंट आ रही है, यहाँ पे 1 एम्पीयर जा रही है और यहाँ पे 1 एम्पीयर जा रही है, यहाँ पे 1 एम्पीयर जाएगी, सॉरी यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ पे 1 निकल गई तो यहाँ पे 1 एम्पीयर जा रही होगी। अब 12 माइनस 6 डिवाइड बाय आर शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1। 12 माइनस 6 डिवाइड बाय आर शुड बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से आर की वैल्यू जो आ जाएगी तुम्हारे पास 6 ओम आ जाएगी। इस प्रोफाइल का क्वेश्चन कम से कम इसमें चौथी या पांचवी बार मिला अपन को इस प्रोफाइल का क्वेश्चन, जिस प्रोफाइल जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ उसी तरीके से करना, बाकी डिफरेंट कुछ अप्रोच होंगे नहीं होंगे। और दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच है सीधे सीधे यहाँ से केसीएल लगा दो, केबल लगा दो, तो माइनस 2 की करंट अंदर आ रही है, प्लस 1 की बाहर जा रही है, प्लस वी माइनस 6 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 0। वी की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, 12 सब्सिट्यूट कर दो, यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है देखो फटाफट, आर की वैल्यू 6 ओम आ गई, ठीक है। एक टर्मिनल पे किसी भी केसीएल की वैल्यू लगा दिया करो, उसके बाद दूसरी वैल्यू को सब्सिट्यूट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52 का बी ऑप्शन मिल रहा है क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट आईटी इन द सर्किट शोन बिलो इज, इस आईटी की आरएमएस वैल्यू बतानी है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे अगर तुम सोर्स देखोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से ये कितना मिलेगा, जे ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू भी 1 है, जे की एल की वैल्यू भी 1 है, तो यहां से सिर्फ जे बचेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस जे बचेगा, जे अपॉन माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐड होंगे ना वो सीरीज के अंदर, तो 1 तो रेजोनेंस में आ गया सर्किट। लो ये प्लस ये माइनस ये 1 एट एन एंगल ऑफ 0, और 1 ध्यान रखना है पे पीक है, जल्दी जल्दी में आदत होती है 1 डिवाइड बाय 2.5 आंसर दे दिया, नहीं 1 यहाँ पे पीक है, ठीक है। अगर तुम इसको फेजर को तुमको आरएमएस में लिखना है तो 1 डिवाइड बाय √2 एट एंगल ऑफ 0, तो ये फेजर आरएमएस में अब तुम सीधे सीधे को 1 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय 2, ओके, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 √2। ऑप्शन देखो बराबर, आरएमएस वाली पूछी थी ना, तो ऑप्शन में है ही नहीं, ओह शिट, ठीक है गलती जल्दी जल्दी में गलती कर दी, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखते पता पड़ गया, ऑप्शन में मेरी गलती है, बहुत जल्दी जल्दी में आंसर दिया है। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आएगा इफेक्टिव, रेजिस्टेंस 0 आएगा, यही तो होती है गलतियां यार, यही गलतियां देखने की होती है। ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कितना बचा, ये तो शॉर्ट हो गया, इसके कोई मायने नहीं रहते, अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय 1, ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, देखो मैंने स्टार मार्क कर रखा है यहाँ पे, सिर्फ यही कैच था यहाँ पे, जल्दी जल्दी में हटा के कैंसिल करके क्या कर दिया, छोड़ दिया उसको खाली ओपन, ऐसा नहीं है, वो कैंसिल होंगे तो रेजिस्टेंस कितना बचेगा, उस पाथ में कोई हिंड्रेंस नहीं बचा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो पूरा पूरा करंट उसमें से फ्लो करा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा तुमको क्वेश्चन नंबर 53 का। आगे बढ़ो, द वोल्टेज अप्लाइड टू अ सर्किट इज 100 √2 cos of 100। मेरी सबसे ज्यादा गलती वी आर एम एस में होती थी, जो गिवन वैल्यू थी उसको मैं कुछ भी रैंडम ले लेता था और फटाफट पावर वावर पूछी थी, आखिरी में तो जो वैल्यू जो फेजर से अपन फेजर से सॉल्व करते हैं तो फेजर की जो फाइनल वैल्यू आती है उसका स्क्वायर अपॉन आर। अरे देखो आर एम एस है या पीक है, तुम फेजर स्टार्टिंग से पीक में चला रहे हो या फेजर तुम स्टार्टिंग से आर एम एस में चला रहे हो, मेरी मानो तो स्टार्टिंग से फेजर किस में चलाएगा और आर एम एस में, ताकि तुम आखिरी में गलती ना करो, क्योंकि आखिरी में पावर वावर पूछते और तुम फटाफट गलती कर देते अपन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट इज 100 √2 cos of 100 πt volts, द सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ 100 √2 sin of 100 πt + π/4 amperes, टेकिंग द वोल्टेज एज द रेफरेंस फेजर, द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट इन एम्पियर्स, ओके। पहली बात, फेजर रिप्रेजेंटेशन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होता है, वी आर एम एस एट एन एंगल ऑफ जीरो विथ रेस्पेक्ट टू कॉस। अगर इसको मैं ढंग से लिखूं तो यहाँ पे वैल्यू अगर x एट एन एंगल ऑफ जीरो है तो इसको मेरे को अगर टाइम डोमेन में लिखना है तो मैं लिखूंगा x √2 cos of ωt। ये बात मैं बोलना चाह रहा था कि स्टैंडर्ड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है विद रिस्पेक्ट टू cos cosine होता है और यहाँ पे आरएमएस वैल्यू आती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ऑप्शन यही इसलिए देने के लिए कंफ्यूज करें। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड बैठा कैसे, इंडियन स्टैंडर्ड बैठा गेट के क्वेश्चन से, एक बार गेट में क्वेश्चन आ गया स्टार्टिंग से तो उसके बाद वो क्वेश्चन आरएमएस ही चलेगा क्योंकि उनका रेफरेंस अब फिक्स हो चुका है, ठीक है। तुम कोई अमेरिका की जो फॉरेन ऑथर की बुक फॉलो करोगे ना, वो तुम क्या लेके चलेंगे, वो कभी साइन रेफरेंस ले लेंगे और कभी पीक ले लेंगे, मतलब यहाँ पे पीक ले लेंगे, वो वीएम एट एंगल ऑफ थीटा लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यार, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जल्दी होगा। लेकिन तुम आंखें बंद करके मान लेना गेट में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जो फेजर बाय डिफॉल्ट गिवन होगा वी आर एम एस एट एंगल ऑफ जीरो,
जो वैल्यू गिवन होगी ना वो आरएमएस वैल्यू गिवन होगी। ओके तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, तो बाय यहाँ पे फेजर वैल्यू पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट तुम आरएमएस दो। ओके तो अब मुझे जस्ट इसको कन्वर्ट करना है, टेन रूट टू साइन ऑफ हंड्रेड पाई टी प्लस पाई बाय फोर। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ जरा, हंड्रेड रूट टू कॉस ऑफ हंड्रेड पाई टी, ओहो माउस मूव कर गया सॉरी, पाई टी प्लस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू। ये तुम्हारे पास कॉस में कन्वर्जन हो गया इसका। अब आरएमएस बनाना है तो हंड्रेड रूट टू बाय रूट टू आरएमएस बनाऊंगा एट एन एंगल ऑफ फेजर, फेजर के अंदर लिखना है ना पूरा, फेजर कॉस के रेस्पेक्ट में कितना जाएगा आंसर माइनस पाई बाय, तो टेन एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई बाय फोर इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, डेफिनेटली होगा, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन भी। ओके आगे मल्टीपल डेटा टाइप का क्वेश्चन है, चलो आ जाओ देखते हैं इसको भी। आरएलसी सर्किट विथ रिलेवेंट डेटा इज शोन इन द फिगर, आरएलसी सर्किट है उसका डेटा गिवन है तुम्हारे पास, इसमें जो करंट जा रही है इस ब्रांच में वो करंट कितनी जा रही है रूट टू एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई बाय फोर, और इसमें जो करंट जा रही है वो जा रही है रूट टू एट एन एंगल ऑफ प्लस पाई बाय फोर। ऑब्वियसली बात है यहाँ का जो अब और ये जो रेफरेंस है तो ऑब्वियसली बात है इसमें करंट, ओके कुछ तो लफड़ा है भैया, अच्छा यस है, सॉरी तभी तो मेरे को लफड़ा कैसे लगा यार, पाई बाय टू प्योरली रजिस्टर तो पाई बाय टू ही फेस शिफ्ट आएगा कुछ भी कर लो तो। तो इसमें जो करंट गिवन है वो तुम्हें गिवन है रूट टू एट एन एंगल ऑफ पाई बाय फोर, इसमें जो करंट गिवन है तुम्हें वो गिवन है रूट टू एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई बाय फोर। ठीक है लेट्स देखते हैं पूछा क्या है, आ जाओ पूछा है तुमसे द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर आर, चलो भैया नीचे चलते हैं, तब रजिस्टर आर की वैल्यू तो गिवन नहीं है, कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास दोनों के बीच का एंगल गिवन है, चलो देखो ये डब्बा है, इस डब्बे में करंट जा रही है रूट टू एट एन एंगल ऑफ पाई बाय फोर, बाय डिफॉल्ट क्या होगा डेफिनेटली आरएमएस वैल्यूज होंगी क्योंकि स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड है, आरएमएस वैल्यू लेके चलते हैं। ओके और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है तुम्हारे पास 180, सीधे सीधे इसके अंदर एलिमेंट एब्जॉर्ब एक दो रजिस्टर होते हैं मान लो यहाँ पे और एक ही रजिस्टर में पूछी होती तब तो तुमको डेफिनेटली इस रजिस्टर की वैल्यू निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर एक ही है और उसमें पावर पूछी है तो इस ब्रांच में टोटल पावर जो जा रही है वो अकेला रजिस्टर ही तो खा रहा होगा, ये पावर खाता ही नहीं, समझ गए मेरी बात, तो यहां से पी जो इस ब्रांच में जा रही है वो कितनी होगी वी आई कॉस फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस दैट एलिमेंट, नाउ व्हाट इज द वोल्टेज 1, व्हाट इज द करंट रूट 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस विच विल बी पाई बाय 4, आंसर कितना आ गया 1 वाट। तुम इससे संतुष्ट नहीं हो, तुम इससे संतुष्ट नहीं हो तो तुम बोलोगे सर मैं तो इससे नहीं कर रहा, मैं करूंगा इसको आई एस आई स्क्वायर आर फॉर्मूले से ही, तो तुम्हारे पास आई तो गिवन है कितना है मॉड आई रूट टू। ठीक है अब तुमको निकालना है जेड, बेसिकली तुमको आर निकालना है लेकिन उसके लिए तुमको जेड चाहिए होगा, वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास वी डिवाइड बाय आई। ठीक है फेजर 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 वी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, वी की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 1 एट एंगल ऑफ 0 और आई की वैल्यू तुम्हारे पास रूट टू एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो यहां से कितना आ गया 1 डिवाइड बाय रूट टू एट एन एंगल ऑफ पाई बाय 4, इसको मैं लिखता हूं तो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j, ये बनेगा कर लेना खोल लेना 1 डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 sin ऑफ पाई बाय 4, sin ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बाय 2 बना देंगे। ओके देखो मेरे को इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है तो भी मैं बता रहा हूं, अब यहां से सीधे सीधे आर के लिए कितनी मिल रही तुम्हें 1 बाय 2 सिंपल सा, तो R के लिए तुम्हें 1 बाय 2 मिल गई, अब सीधे से तुम क्या लगा दो पावर कंज्यूम बाय दैट रेजिस्टेंस इज मॉड आई स्क्वायर टाइम्स R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड आई रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2, यहां से आ गई 1 वाट, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है तो पहले का तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, अब क्या पूछिए करंट आईसी पूछिए भैया, करंट आईसी पूछिए वो तो निकालनी पड़ेगी तुम्हें, तो यहां से तुमको एक चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अगर वोल्टेज V एट एन एंगल ऑफ 0 है तो करंट आईसी जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा आई सी मॉड एट एन एंगल ऑफ प्लस 90, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करती है, गेटिंग माई पॉइंट। ओके तो यहां से तुमको सिर्फ आईसी की वैल्यू बतानी है, फेजर फेजर पूछा है क्या पूछा है फेजर पूछा, ठीक है तो फेजर पूछा है तो चलो आ जाओ करते हैं इसको सॉल्व, तो आई एस जो होगा वो कितना होगा तुम्हारे पास आई आर एल प्लस आई सी सब कुछ फेजर, तो यहां से रूट टू एट एन एंगल ऑफ पाई बाय फोर आई रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है रूट टू एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई बाय फोर और इसकी वैल्यू कितनी है
आईसी मॉड आईसीजे, अगर तुम लिंग नहीं लिखना चाहते लिख लो, छोड़ो सबको छोड़ो, डेफिनेटली देखना तुम बाय डिफॉल्ट, तुम आईसी लिख दो उसको छोड़ दो, आईसी के सीधे से तुम्हारे बाय डिफॉल्ट कितनी आएगी, सीधे से तुम्हारे पास जेम आएगी। करें आगे इसको सॉल्व, तो यहां से कितना बनेगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 जे, और ये कितना बनेगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 जे प्लस आईसी, मैंने डाली नहीं देखो वैल्यू, तो यहां से ये कैंसिल हुआ, ये तो बचेगा सॉरी, तो यहां से आईसी की वैल्यू कितनी आ रही है जे, अरे गड़बड़ कर दी ना सॉरी, 1 बाय 2 1 बाय थोड़ी बन रहा है, मेरी गलती, वो पुराने वाले आर के एक्सप्रेशन याद रह गए। क्या बनेगा रूट टू कॉस पाई बाय फोर प्लस रूट टू साइन पाई बाय फोर, तो बेसिकली वन प्लस वन जे इज इक्वल टू वन माइनस वन जे प्लस आई सी, फेजर आई सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2j, बोला था मैंने बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री लीड करता आएगा किससे वोल्टेज से, ये सारे जितने भी एंगल्स आए किससे किसके रेफरेंस में है वोल्टेज के, क्योंकि वोल्टेज ही एंगल जीरो पे गिर रहा है, तो वही रेफरेंस होगा तुम्हारे पास, समझ में आ रही है मेरी बात। तो फाइनली ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है तुम्हें, आ जाओ ऑप्शन नंबर मिल रहा है तुम्हें डी ऑप्शन, तुम डायरेक्टली तो आंसर नहीं दे सकते थे क्योंकि एंगल वेंगल सब में है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी क्वेश्चन कौन से हैं 55 एंड 56, 55 बी एंड डी। ओके आगे बढ़ते हैं, सो आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इन द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द इंडक्टर, इस सर्किट के अंदर इंडक्टर से करंट बतानी, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को है ना क्लास में पूछा था, मेरे को याद है अच्छी तरह से, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे से नहीं बताया था। तो किसमें करंट बतानी तुम्हें बताओ, करंट थ्रू द इंडक्टर, तो इंडक्टर तो एक ही है, इसमें से करंट बतानी है, चलो एक जगह ग्राउंड कर देना तुमको आंसर फटाफट मिल जाए, ठीक है। तो अब इसमें किसी एक जगह ग्राउंड कर दो तुमको, है ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसमें बहुत, अगर उसने मतलब इतना प्यारा दिमाग लगाया था ना उसने, मतलब मैं चौंक गया था, मेरा कुछ नहीं चल रहा था इसमें, सब बैठ के हम सब सारे बैठ के ना केसीएल केवल घुमा रहे थे यहाँ पे, है ना, सबने आई वन आई टू आई थ्री चार करंट मान लिया, उसमें केसीएल घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे। अब उस बंदे ने क्या करा वो बताता हूँ मैं, देखना जरा, उसने यहाँ पे कर दिया ग्राउंड, ठीक है, खोजा था हरिंद्र खोजा उसने, है ना, उसने यहाँ पे कर दिया ग्राउंड, और यहाँ पे बोला कि यहाँ पे चलो यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है माइनस वन एट एंगल ऑफ जीरो, ओके, और यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है माइनस वन एट एंगल ऑफ जीरो, चलो यहाँ तक तो चल गया। अब इसके बाद सोचते रहे सोचते रहे, वो भी सोचता रहा था, ठीक है, मतलब वही कर रहा था, हम तो कैसे बना, लेकिन जैसे उसने देखा ना कि यहाँ पे ये ऐसे कनेक्टेड है, मान लो ये ग्रीन के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो नोड है ये ग्रीन और पिंक के बीच में कनेक्टेड है, और ये जो नोड है, ये जो ब्रांच है सॉरी, ये जो ब्रांच है ये ग्रीन और पिंक के बीच में कनेक्टेड है, और ये जो ब्रांच है वो ग्रीन और पिंक के बीच में कनेक्टेड है, तो मतलब डेफिनेटली ये दोनों ब्रांच किसमें है पैरेलल में, मतलब क्या दिमाग लगाया उसने सोचो, समझ में आया, डेफिनेटली ये दोनों ब्रांचेस किसमें है पैरेलल में है, और सीधे सीधे ये जो करंट आ रही है इसमें, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये करंट इन दोनों में कैसे कट जाएगी, दोनों में करंट डिवीजन रूल से दोनों में करंट ये बट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। कितनी शानदार अप्रोच है यार, कितनी शानदार अप्रोच है। तो ये 1 एम्पीयर की करंट में करंट डिवीजन रूल लगाता हूं, तो मैं जिसमें निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस प्लस टोटल, तुम कहीं पे भी ये सॉल्यूशन देख लेना, पूरे लंबे चौड़े सॉल्यूशन कर रखे हैं, डायरेक्ट यहां से आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, कितनी शानदार अप्रोच थी। मैं लॉन्ग अप्रोच तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, कोई मतलब नहीं है फालतू बैठ के किसी के लिए घुमाऊंगा, वो तुम भी घुमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ओके। सो ये अप्रोच देखना तुम, कितनी शानदार अप्रोच है, मेरे को नहीं आई थी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसने कर दी थी ये फटाफट, ठीक है, तो बहुत मजा, सर ने भी बहुत तारीफ करी थी, तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, द टू फेज लोड ड्रॉज द फॉलोइंग फेज करंट्स, तो दो फेज का कोई लोड है उसमें दो फेज करंट जा रही है, ये दीज करंट्स आर बैलेंस्ड इफ, ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मशीन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि उनको टू फेज बैलेंस सप्लाई का मतलब नहीं पता होता, ठीक है। तो पहली बात तो बैलेंस सप्लाई जब भी पढ़ते हैं अपन, एन फेज बैलेंस सप्लाई, तो एन फेज बैलेंस सप्लाई की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक में, तुम पढ़ोगे तो बोलते हैं एन फेज बैलेंस सप्लाई सच अ सप्लाई इन विच ऑल द फेजेस हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली फेज ए बी सी और जितने भी एन फेज तक आ रहा है इन सबका जो मैग्नीट्यूड है सेम आएगा, एंड दीज फेजेस आर इंडिविजुअली फेज शिफ्टेड बाय एन एंगल ऑफ व्हाट 360 बाय एन। यहां तक तो सबको पता है, तो वो ये वाला कांसेप्ट इसमें लगाने जाते हैं, ये वाला कांसेप्ट अगर तुम इसमें लगाओगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ मुझे, टू फेज है तो टू फेज के अंदर दो फेज होंगे V1 और V2, और दोनों आपस में किससे कितने शिफ्टेड होंगे 180 360 / 180। तो ये कांसेप्ट जब तुम इसमें लगाते हो तो ये कांसेप्ट पूरा का पूरा गलत हो जाता है। आई मेरी बात समझ में, ये जो ऊपर वाली डेरिवेशन मैंने बताई n फेज के लिए ये एप्लीकेबल है फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए, या बोल सकता हूं मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। फॉर अ टू फेज सिस्टम
द बैलेंस द सिस्टम इज सेट टू बी बैलेंस्ड इफ द फेजेस आर इक्वल एंड द फेज शिफ्ट बिटवीन बोथ द फेजेस आर 90 डिग्री, नॉट वॉट 90 डिग्री होनी चाहिए, 180 नहीं। किसमें पता पड़ेगा तुम्हें? जब तुम पढ़ोगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में तुम स्प्लिट फेज करोगे ना, जब फेज को स्प्लिट करोगे तब तुम्हें पता पड़ेगा कि 90 डिग्री फेज स्प्लिट से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है। तो इस केस में जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तुम्हारा, थ्री फेज करंट आर बैलेंस्ड, ओके, सो दोनों एंगल माइनस, अच्छा ओके यहाँ पे एक और गलती है। आप देखो अब फेज दोनों के बीच में, अब यहां से डायरेक्टली फाइव वन माइनस फाइव टू बोल दोगे तुम पाई बाय टू, गलत है भैया। दोनों को पहले एक रेफरेंस पे लेके आओ, एक साइन है तो दूसरे को भी साइन बनाओ, या दूसरा कॉस है तो दूसरे को भी कॉस बनाओ। यहाँ पे पहले वाले को अपन साइन मान के चल रहे हैं, दूसरे को कॉस को अपन साइन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइन बनाते हैं, तो कॉस ऑफ, दूसरे वाले को बना रहा हूं मैं, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव फाइव टू प्लस पाई बाय टू, गेटिंग। तो यहां से आंसर जो आएगा, अब दोनों को, अब दोनों एक का फेस कितना है माइनस फाइव वन, दूसरे का फेस कितना है माइनस फाइव वन फाइव टू प्लस पाई बाय टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस फाइव वन प्लस फाइव बाय टू माइनस पाई बाय टू शुड बी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय टू। समझ आई मेरी बात यहां से? तो ऑप्शन तुम्हारा गलती से ट्रू हो जाते हैं, एक भी खैर ऑप्शन नहीं मिलेगा वो जो तुम फर्स्ट वाले कंसेप्ट लगाओगे। तुम अगर करना भी चाहोगे तुम कंफ्यूज किस में होगे, सी और डी में। वो तब क्यों कंफ्यूज हो गया, तुमको पता ही नहीं होगा कि सेम रेफरेंस पे होने चाहिए फेस, फेजर्स को कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे सेम रेफरेंस पे लाया तो यहाँ से सीधे सीधे आंसर पता पड़ गया मुझे, फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कितना शानदार क्वेश्चन है यार, यही होना चाहिए, होप्स झंड हो जाएगी नहीं तो बहुत गंदी गली। क्वेश्चन 58 पीछे है, 58 का ऑप्शन भी आया, मजा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना तुम, टू फेस सिस्टम के लिए, टू फेस सिस्टम पता होना चाहिए तुम्हें। आगे बढ़े, जगह तो बची ही नहीं, नीचे है, नीचे है। चलो, द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू एन इंपीडेंस 4 माइनस 3 जो ओम विथ अ करंट ऑफ 5, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। तो कितने हो जाएगा एवरेज पावर, आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, मॉड आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, तो वॉट इज मॉड आई आर एम एस, रूट टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 4, 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, कितना जाएगा ये 50 वॉट्स, ऑप्शन नंबर बी। 59 का बी मिल रहा है क्या भाई, मिल रहा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपलोड करता हूं मैं, ये वाला पेज तो खत्म हो गया। सो क्वेश्चन 60 देखो, क्वेश्चन 60 क्या बोल रहा है कि VA माइनस VB की वैल्यू 6 है, सो VC माइनस VD की वैल्यू बताओ। बहुत 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 फेमस प्रोफाइल का क्वेश्चन है ये, प्लीज 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 अपने स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत फेमस प्रोफाइल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगता है, इस क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट है कि करंट को एक रिटर्न पाथ चाहिए होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल, ठीक है। करंट को क्या चाहिए होता है, एक रिटर्न पाथ चाहिए होता है। यहां से देखो कि इसमें VA माइनस VB की वैल्यू 6 दे रखी है, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, तो मतलब हायर टू लोअर एक वोल्टेज जा, एक करंट फ्लो रही होगी, कितने एम्पियर की, एक सेकंड थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूंगा, बहुत आप पूछ रही है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितनी करंट जा रही होगी, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी VA से लेके VB, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये करंट वापस भी तो आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन देखते याद आ गया, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। मैंने इतनी बार करा इस क्वेश्चन को, इतनी बार करना तुमको भी कि तुमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो 3 एम्पीयर की करंट वापस भी तो आ रही होगी, ठीक है। अब 3, अब इस जंक्शन पे देखो, इस जंक्शन पे 2 एम्पीयर की करंट यहां से आ रही है, 3 एम्पीयर की करंट यहां से आ रही है, तो ऊपर कितने एम्पीयर करंट जा रही होगी, 5 एम्पीयर करंट जा रही होगी, सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर है। ये इतनी तामझाम इनने कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है और किसी चीज के लिए नहीं दे रखी है, ठीक है। तो बस तुमको तो ये समझना है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैंने क्या कंसेप्ट बताया कि करंट अगर जा रही है तो उसको एक रिटर्न पाथ चाहिए ही चाहिए। ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चन तुमको 5, 6, 10 कितने ढूंढ लो तो मिल जाएंगे, सब में एक ही कंसेप्ट लग रहा है छोटा सा, ठीक है। कई बार इधर वाले पार्ट को ओपन करके दे देंगे और बोलेंगे इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी, 0 करंट फ्लो होगी, क्योंकि रिटर्न पाथ नहीं है। करंट में कितना ही तुम वोल्टेज लगा लो, अगर रिटर्न पाथ नहीं दोगे तो करंट वापस नहीं आएगी, ओके। सो यहां से अब इधर इस तरफ 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज बोल सकता हूं मैं, प्लस माइनस 5 वोल्ट वोल्टेज होगा, प्लस इधर माइनस इधर। क्यों ऐसा? क्योंकि हायर टू लोअर करंट फ्लो होती है। अब वैल्यू किसकी पूछी है इसने, वीसी माइनस वीडी की वैल्यू पूछी है इसने, तो वीसी माइनस वीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 5 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट मत देना गलती से आंसर, प्लस 5 वोल्ट खैर ऑप्शन में नहीं है, मैं बनाता तो मैं जरूर प्लस 5 वोल्ट देता। तो ए ऑप्शन मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 60 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे आओ।
थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 whose values are 10 microfarad 5. ओके, अगेन इस पे भी स्ट्रा मत करो, मेरे को याद आ जाते हैं क्वेश्चन, ये इतनी बार करके, ठीक है, तभी पढ़ लेता हूं एक बार के, पता कुछ और हो, हैज अ ब्रेकडाउन, वो हां वही है, ठीक है. तो बेसिकली ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत होंगे कि रैंडम कॉम्बिनेशन दे रखे होंगे और पूछा होगा इस नेट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना वोल्टेज मैं मैक्सिमम लगा सकता हूं ताकि इनमें से एक भी कैपेसिटर ना फूके या एक भी कैपेसिटर बर्नआउट ना हो या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो, कभी रजिस्टर दे देंगे, कभी इंडक्टर दे देंगे, तो तुमको समझना पड़ेगा. ओके, सो यहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं नीचे में. तो कैपेसिटर 1 का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है 10 वोल्ट, कैपेसिटर C2 का जो वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है 5 वोल्ट, कैपेसिटर C3 का जो वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली उन्होंने बोला है. मेरी एक बात समझो, इस क्वेश्चन को तुम जिस अप्रोच से मैं बताऊं उस अप्रोच से ट्राई करना. अगर तुम ऐसे इंट्यूशन लगाने की कोशिश करोगे ना कि मैंने इतना वोल्टेज लगाया, अब तीनों के अक्रॉस में 10 वोल्ट 5 वोल्ट, बेसिकली दो अप्रोच है इसकी. क्या अप्रोच है? पहली अप्रोच है यहां पे एक रैंडम वेरिएबल वी मान लेंगे, ठीक है, ये पहली अप्रोच बता रहा हूं मैं, रैंडम वेरिएबल वी मान लेंगे और वी से, ठीक है, दोनों अप्रोच वैसे तो बराबर बराबर है, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो करो, मैं दोनों बता देता हूं, मैं दोनों अप्रोच से अप्रोच से सॉल्व करता था, ठीक है. तो वी से मैं सबसे पहले वी1 निकाल लूंगा, वी2 निकाल लूंगा और वी3 निकाल लूंगा, क्लियर है. तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है, पहली बात तो सीरीज कैपेसिटर से लिए. तो यहाँ पे C1 और C3 में जो कैपेसिटेंस होगा, वोल्टेज होगा, वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. तो V2 की अगर बात करूं, मैं V2 की बात करूं, तो C3 अपॉन C2 प्लस C3 होगा V2 मल्टीप्लाइड बाय V. गेटिंग माई पॉइंट? C2 C3 कितना है यहाँ पे? C3 है 2, C2 है 5 और ये हो गया 2 इन 2V. तो यहाँ से 2V डिवाइडेड बाय 5 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2V डिवाइड बाय 7. ओके, सिमिलरली V1 कितना है तुम्हारे पास? डायरेक्टली V दिख रहा है तुम्हें. और लास्ट में V3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? C2 अपॉन C2 प्लस C3, ठीक है. V3 की वैल्यू C2 अपॉन C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाय V, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 5/7 V. अब जो गिवन कंडीशंस हैं, अरे जो गिवन कंडीशंस हैं उसके हिसाब से तुमको ये तीनों कंडीशंस का यूज करके आंसर बताना है, ठीक है. आंसर क्या बताना है? कंडीशंस अप्लाई करनी है, बेसिकली करें अप्लाई. तो पहली कंडीशन बोलती है कि V1 शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? 10 वोल्ट. ओके भाई, दूसरी कंडीशन बोलती है कि V2 मस्ट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? 5 वोल्ट. एंड तीसरी कंडीशन बोलती है V3 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2 वोल्ट. ये बेसिक कंडीशंस बता रहा हूं मैं. ओके, तो यहां से V1 की, तो V1 यहां से तुमको कंडीशन मिल गई और V1 ही जो है वो तुम्हारा क्या है? V है. तो V मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू 10 वोल्ट, एक कंडीशन तो ये बोल रही है. अगली कंडीशन में देखते हैं जरा V2 की वैल्यू डालो, यहां पे V2 की वैल्यू कितनी है? 2/7 V मस्ट बी लेस देन 5 वोल्ट. तो यहां से V मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू 35/2. ओके, चलो ये भी हो गया, कितना होता है ये? 2 × 2 17.5 बेसिकली. ओके, V3 की वैल्यू डालो जरा, 5/7 V मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा? 14/5 2.8 V मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू 2. तो कितनी कंडीशन मिल गई तुम्हें? तुमको ये मिल गया, तुमको ये मिल गया, तुमको ये मिल गया, ठीक है. ये तीन कंडीशन मिल गई तुम्हें, कौन सी माने, क्या कंडीशन को ले, ठीक है. वैसे तो जिन्होंने इस ओवरऑल का क्वेश्चन कर रखा है उनको डायरेक्टली पता होगा आंसर क्या है, तब भी मैं समझाता हूं एक एक केस लेके. मान लो कि तुमने वी को ले लिया लेस देन 10, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 10. तो इसमें से वन ऑफ द एक केस उठा लेता हूं, वी को लेट से ले लेते हैं अपन 10. V को 10 ले लो. अब V को जैसे ही मैंने 10 लिया तो इससे हुआ क्या? कैपेसिटर C1 इज सेफ, कैपेसिटर C1 सेफ हो गया, ठीक है. अब मुझे जरा एक बार V2 बताओ, V2 कितना आएगा? V2 निकाले क्या अपन? चलो V2 निकाल लेते हैं अपन. तो V2 कितना निकल जाएगा तुम्हारे पास? V2 का एक्सप्रेशन कितना था, जल्दी चलो ऊपर जरा. V2 का एक्सप्रेशन था 2/7, तो 20/7, ठीक है. और 20/7 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास? एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं मैं, 2.85 इसकी वैल्यू होती है. तो V2 का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है? 5 है. तो ये अभी जो ये वोल्टेज आया तुम्हारे पास 2.85, ये अभी भी 5 से बड़ा है, तो C2 भी बच गया. जरा मुझे बताओ C3 भी, तो V3 बता दो. V3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 5/7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 50/7 आ रहा है. 50/7 की वैल्यू होती है 7.1428. तो ये तो किससे बड़ा है? ये तो इसके खुद के ब्रेकडाउन वोल्टेज से बड़ा है. मतलब क्या हो गया? C1 इज सेफ, चलो C2 इज सेफ, बट C3 का क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया. तो मतलब ये कंडीशन तो ले नहीं सकते. चलो अगली मानते हैं. लेट्स से V को मैं ले लेता हूं लेस देन, कितना क्या आई थी अपनी वैल्यू? 17.5.
17.5। तो क्या हुआ यहाँ से, पहला केस मानते हैं सी वन का क्या हुआ, सी वन का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 और सी वन के अक्रॉस तुमने लगा दिया 17.5, ठीक है ना, 17.5 ऑब्वियसली बड़ा 10 से, तो सी वन का हो जाएगा ब्रेकडाउन। सेकेंड आओ, सी टू का क्या हुआ, सी टू का वोल्टेज कितना जा रहा होगा, सी टू का वोल्टेज जा रहा होगा तुम्हारा, सी टू कितना था तुम्हारे पास, 2/7 था ना, तो 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 17.5, 5 आ रही है, ठीक है, आनी भी थी वो यहीं से निकली सारी वैल्यू, तो 5 आ गई इसकी वैल्यू। तो ये अभी भी लेस देन इज इक्वल टू कितना है, इसके खुद के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, तो मतलब ये सेफ है। लास्ट थ्री की बात कर देते हैं, तो सी थ्री, सी थ्री के अक्रॉस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 17.5, ये डेफिनेटली किससे बड़ा आने वाला है, 2 से, डेफिनेटली बड़ा क्या, बहुत बड़ा आने वाला है 2 से, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो सी थ्री का भी ब्रेकडाउन हो गया। तो इस केस के अंदर सी वन सिर्फ सी टू सेफ है, बाकी दोनों का ब्रेकडाउन हो गया, तो ये भी केस नहीं चाहिए। लास्ट में लास्ट केस थ्री एनालिसिस कर लेते हैं। केस थ्री क्या बोल रहा है कि 2 वोल्ट क्या बोलते हैं V को कितना लगा, केस थ्री कितना था अपने पास, लेस देन 2.8, तो लेट से 2.8 ही लगा रहे हैं, 2.8 लगाएंगे तो V1 कितना हो जाएगा 2.8, V1 2.8 हो जाएगा, तो लेस देन अभी किसके बराबर, लेस देन क्या है ये 10 के बराबर, V2 भी कुछ सर्टेन वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली लेस देन 5 आएगी, और V3 जो है वो तो खुद टू मतलब कि V3 का जो वोल्टेज है वो डेफिनेटली किससे लेस देन आ रहा है तुम्हारा 2 से, तो लेस देन आ ही रहा होगा, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है दोनों, तो तीनों ही इसमें सेफ हो रहे हैं। तो क्या कंडीशन बनती है इसमें, पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, फॉर द इंटरकनेक्शन द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एंड द करस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज इन द माइक्रो कूलम्स, ठीक है, तो वोल्टेज मैक्सिमम सेफ वोल्टेज कितना है तुम्हारे पास, यहां पे आंसर कितना आ जाएगा 2.8 वोल्ट्स, और टोटल इफेक्टिव चार्ज जो कैपेसिटेंस में होगा, तो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, सी वन और सी थ्री की तरह, सी टू और सी थ्री किसमें है, सीरीज के अंदर है, तो 5 × 2/7 10/7 प्लस 10 10 ही था ना, ठीक है, तो इतना माइक्रो फेराड, तो 10/7 प्लस 10 कितना माइक्रो तुम्हारे पास कोलम, तुम्हारे पास इसका नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस माइक्रो फेराड नेट कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है ना। नाउ Q is equals to CV, तो इसको जस्ट मेरे को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है, 2.8 से मल्टीप्लाई करना है, माइक्रो कूलम में चार्ज बताना है, तो फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा 32, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर तुमको सी मिल रहा है, तो 60। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें नेट में सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगे, मेजरमेंट में मिलेंगे, मेजरमेंट में वहां पे ऐसे 3 बल्ब लगा देंगे कौन सा बल्ब फूट रहा है, तो ये कांसेप्ट एक जगह सीखने के होते हैं, बार बार लगाने, आप यहां पे कैपेसिटेंस दे दो, यहां पे रेजिस्टेंस दे दो, यहां पे इंडक्टर दे दो, यहां पे कुछ भी दे दो, यहां पे पावर के टर्म्स में बात कर ले, ठीक है, तो वो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 मैंने रॉन्ग क्वेश्चन लिख रखा है, ओके लेट्स सी रॉन्ग है क्या लिख रखा होगा, डेफिनेटली रॉन्ग क्वेश्चन होगा ये। तो द थ्री सर्किट एलिमेंट शोन इन द फिगर आर पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द थ्री सर्किट एलिमेंट्स इन व्हाट, ओके, तो पावर एब्जॉर्ब बाय थ्री सर्किट एलिमेंट इन वॉट कितनी है, तो यहां पे पहले बताओ, इधर 10 एम्पियर जा रही है, इधर 8 एम्पियर जा रही है, मतलब डेफिनेटली 2 एम्पियर यहां निकल गई होगी, तो पहले 100 वोल्ट बैटरी की बात कर लेता हूं, तो ये कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रही है, पावर एब्जॉर्ब्स के टर्म्स में बात करी है इसने सारी की सारी, तो ये तो एक्चुअली में पावर डिलीवर करी, इससे करंट निकल रहा है, तो पावर कितनी हो जाएगी इससे 1000 वॉट इसने एब्जॉर्ब करी होगी, -1000 वॉट, नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब के पूछ रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या डिलीवर कर रही है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। पी 80 वोल्ट, इसका भी देख लो, ये भी पावर क्या कर रही है, ये भी पावर डिलीवर करेगी क्योंकि करंट बाहर निकल रहा है, तो -640 वॉट्स। और लास्ट है तुम्हारे पास P15, ये कितना है तुम्हारे पास -30, क्योंकि इससे भी करंट बाहर निकल रही है, ये पावर्स कहीं ना कहीं से आ रही होगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पूछा क्या है, टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द थ्री सर्किट एलिमेंट्स, टोटल पावर एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी, देखो इन्होंने यही गलती कर रखी है, ठीक है ना, गेट 2014 वन मार्क का क्वेश्चन है, मैं इसको एक सेकंड में चेक करके आया, इसका इसका एग्जैक्ट वो क्या बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड, इसके क्वेश्चन क्या है, क्या पता इसमें बुक में मिस्टेक हो, क्योंकि बुक के हिसाब से तो यहाँ पे ऐड करोगे तो तुम कितना आ रहा है तुम्हारे पास -1670 वॉट्स पावर आ रही है, इन तीनों को ऐड कर दो, तो मैं एक बार चेक करके आता हूँ, ओके, तो मैं चेक करके आया था, डेफिनेटली वहाँ पे मैंने चेक करा, तो चेक में यही पता पड़ा कि यहाँ पे ये डायरेक्शन गलत दे रखा है बैटरी का, ये डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनलिटी यहाँ है, तो यहाँ पे जो पावर है इसको क्या लिख देंगे अपन प्लस, समझ में आ रही है, तो अब इसको ऐड करते हैं, तो 1000 -670 आ रहा है, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास
330 वॉट्स। तो ये आंसर मेडिस की बुक में दे रखा है, मेरे वाले एडिशन में गलती कर रखी, क्या पता तुम्हारे वाले एडिशन में सुधार दे, 2019 का एडिशन है मेरे पास। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा है, बाकी अप्रोच अप्रोच सब सही है, पीछे सॉल्यूशन के अंदर जो इसका सॉल्यूशन है वो भी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जहां पे ज्यादातर बच्चे अटक जाएंगे, मैं भी अटका हुआ इसलिए मैंने स्टार लगा रखे। चलो देखते हैं, स्टार सोर्स भी यार, स्टार का नुकसान भी होता है कि मेरे को क्वेश्चन याद आता, देखते हैं। ठीक है, तो एक इनकैंडेसेंट लैंप है इज मार्क्ड 40 वॉट्स टू 40 वोल्ट। ओके, अब ये रेटिंग मैं 100 बार समझा चुका हूँ कि ये रेटिंग क्या होती है। भैया आपने लैंप लिया, उसको अपन ने अपने घर का जो सॉकेट था उसमें लगाया, उसमें से अपन ने वॉट मीटर लगा के उसमें से पावर मेजर कर ली, सिंपल है। तो वो तुम्हारी इनकैंडेसेंट लैंप की रेटिंग है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसको 230 घर पे लाके 230 वोल्ट पे लगाओ, 220 वोल्ट पे लगाओ, 210 वोल्ट पे लगाओ, किसी भी वोल्टेज पे लगाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, क्लियर है। इफ रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड इज 120 ओम एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज 4.5। एक बार चेक, लेट मी चेक कि मैं प्ले बटन दबा रखा है। ओके, रेजिस्टेंस इज 4.5 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट्स ऑन स्टेट फिलामेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो रेजिस्टिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट दे रखा है तुम्हारे पास 4.5, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट तुम्हारे पास दे रखा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इनकैंडेसेंट लैंप पे 40 वॉट की पावर डिसिपेट कर रहा है। देन इट्स ऑन स्टेट टेम्परेचर ड्रॉप्स। ठीक है, तो यहां से तुमको क्या दिख रहा है, लेट मी चेक प्ले हो रहा है कि नहीं, यार बार बार डर लगने लग गया है, काफी सारे क्वेश्चन कर देता हूँ आजकल मैं। तो इनिशियली उसकी अपन रेटेड कंडीशन पे उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेटेड कंडीशन क्या है इसके पास, टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। नाउ वी की वैल्यू कितनी है 240 स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यहाँ से आर की जो वैल्यू आती है वो आती है 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है 1440 ओम्स। ठीक है, यहाँ से क्या पता पड़ा तुम्हें, उसका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है 120, और जब वो फुल अपनी रेटेड कंडीशन पे काम कर रहा है, जैसे अपने नॉर्मल सॉकेट में लगाया उस रेटेड कंडीशन पे जब काम कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस 1440 ओम से इतना ज्यादा, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। ओके, अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है, बेसिकली अपन को अल्फा गिवन है, अल्फा इज इक्वल्स टू 4.5 10 टू द पावर -3 कॉपर होगा शायद ये, ठीक है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कॉपर का, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहां से व्हाट इज आर, आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, आर फाइनल की वैल्यू कितनी है 1440 इज इक्वल्स टू आर इनिशियल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 120 इंटू 1 प्लस 4.5 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। बेसिकली अपन को टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा कि वो जब नॉर्मल अपनी कंडीशन में तो उसका रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर कितना ज्यादा है। गेटिंग, सो यहाँ से 120 से डिवाइड करता हूँ, माइनस 1 करता हूँ, 11 आता है, 11 को 4.5 10 टू द पावर -3 से डिवाइड करता हूँ, तो फाइनली यहाँ से जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी है वो आ रहा है 2444.44, बाप रे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज आता है। ठीक है, अब उसका बस फिलामेंट का टेम्परेचर पूछा है कि ऑन स्टेट में कितना है, तो टी ऑन माइनस टी ऑफ, ऑफ स्टेट में रूम टेम्परेचर बेसिकली इज इक्वल टू 2444.44 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से इसको इधर ले जाऊंगा और इसमें कितना ऐड हो जाएगा, बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी है 26। तो जैसे ही डालेंगे तो यहां से टी ऑन की जो वैल्यू मिलती है तुम्हारे पास कितनी मिल जाएगी, तुम्हें टी ऑन की वैल्यू 2470.44 डिग्री सेंटीग्रेड। वाओ, कितना ज्यादा है यार। ठीक है, तो ये इसलिए तुम्हारा जो बल्ब होता है ना उतना गर्म होता है। ओके, सो चेक कर लेते हैं, यही आंसर आ रहा है क्या, करेक्ट है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ऐसा भी कोई भारी नहीं था, बस स्टार इसलिए है कि डिफरेंट प्रोफाइल है, बिल्कुल ऐसी वैरायटी तुमको नॉर्मल इसमें मिलेगी नहीं, 11th 12th है बेसिकली, जो प्रोफाइल जो वैरायटी मिलती नहीं वो 11th 12th होती है, 99% केस में मैंने ये देखा है। टू आइडेंटिकल कपल्ड इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो आइडेंटिकल कपल्ड इंडक्टर्स है, अलग से उसने कह दिया, एक एक वर्ड द्वारा ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, तो दो आइडेंटिकल इंडक्टर्स है, मतलब एक इंडक्टर L था और एक इंडक्टर L था। ठीक है, इन दोनों को अपने लिया और आपस में ऐसे पास में रखा ताकि इनके बीच में फ्लक्स की कपलिंग हो गई। ठीक है, फ्लक्स की वजह से आपस में कपल हो गए, सही बात है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, द मेजर्ड इंडक्टेंस फॉर द टू पॉसिबल सीरीज कॉम्बिनेशन आर, तो इनके जो टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, कैसे कपलिंग, पॉजिटिव कपलिंग एंड नेगेटिव कपलिंग,
तो उसकी वजह से इनके दो रेजिस्टेंसेस आते हैं, दो इंडक्टेंसेस आते हैं, एक 380 आता है और एक 240 आता है। 240 किस केस में आएगा, जब इनका नेट इफेक्टिव इंडक्टेंस कम होगा, बेसिकली डिफरेंशियल कपलिंग, नेगेटिव कपलिंग। और 380 कब आएगा, जब इनका ज्यादा होगा, बेसिकली कितना तुम्हारे पास पॉजिटिव कपलिंग। ओके सो और दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि L इक्विवेलेंट पॉजिटिव कपलिंग के केस में कितना हो जाएगा, 2L प्लस 2M। ओके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 380, क्योंकि L1 प्लस L2 प्लस 2M होता है। सिमिलरली 2L माइनस 2M, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 240। तो यहां से L प्लस M की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है तुम्हारे पास, 380 बाय 2 व्हिच इज 190, और इधर से L माइनस M की जो वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 120। दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं, तो यहां से पूछा क्या फाइनली, म्यूचुअल पूछा ना, तो दोनों को सबट्रैक्ट करो सीधा, फालतू L निकालो, फिर उसके बाद M। हर बार यानी क्वेश्चन में देख लिया और पूछ क्या रहा है, ठीक है, नहीं तो मैं अभी दोनों आदत क्या होती है जल्दी फटाफट इसको ऐड कर देते हैं। तो यहां से L की वैल्यू निकालो, फिर L की वैल्यू को वापस डाल के M निकालो, इससे अच्छा फायदा नहीं है, फटाफट इसको दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, तो यहां से 2M इज इक्वल्स टू कितना है तुम्हारे पास, 70। M की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 35 माइक्रो हेनरी। सिंपल, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हमसे चेक करके चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर R इज इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R इज, ओके रजिस्टर की वैल्यू स्टम्स मारी है, तो यहां से क्या दिख रहा है तुम्हें, रजिस्टर इज नॉन लीनियर टाइम, क्योंकि जितनी उसमें करंट जा रही है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। ओके तो और किस 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 उसमें यूनिट में चेंज हो रही है, 25 प्लस I बाय 2। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसकी यूनिट कितनी लिखी हुई आगे, ओम। यहां पे ये आई किसमें होगा, एम्पियर्स में, तो मतलब डेफिनेटली अगर इस टू की कोई यूनिट पूछेगा तो ये डेफिनेटली किसमें होगी तुम्हारे पास, ओके ये होगी तुम्हारे पास एम्पियर ओम में, ठीक है, एम्पियर पर ओम में होगी। और ये वाला जो कॉन्स्टेंट होगा डेफिनेटली ओम में होगा, ऐसी बता रहा हूं ताकि आदर डालो यार, वेयर आई इज द करंट इन एम्पियर्स, ओके द करंट आई इज, ओके इतनी सी चीजें पूछी है इसने बस। तो यहां से आर की वैल्यू है 25 प्लस आई बाय 2, यहां से क्योंकि ये रजिस्टर बोला है इसने, तो इसमें ओम्स लॉ लग सकता है उस इंस्टेंट, ठीक है, ओम्स लॉ लगेगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय आर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 25 प्लस आई बाय 2, आई की वैल्यू पूछी उसने, तो 300 डिवाइडेड बाय 25 प्लस आई बाय 2। नॉर्मल क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से मिलेगा तुम्हें, ओके 2 ले लेंगे कॉमन, 2 ले लेते हैं ऊपर, तो 600 और इधर चले जाएगा आई स्क्वायर प्लस 50i, यहां से आई स्क्वायर प्लस 50i माइनस 600 इज इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है यहां से, रूट्स 30 और 20 मिल रहे हैं, मजा आ गए, नहीं यार 30 और 20 में तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, और क्या मिल रहा है सोचो, हाँ 60 और 10 मिल रहे हैं, तो आई स्क्वायर प्लस 60i माइनस 10i माइनस 600 इज इक्वल टू 0, आई प्लस 60 एंड आई माइनस 10, यहां से दो वैल्यूज आई, एक आ रही है आई की वैल्यू माइनस 60 और एक आ रही है आई की वैल्यू 10, कौन सी रिजेक्ट होगी, नेगेटिव वाली, क्योंकि नेगेटिव ऑब्वियस बात है वोल्टेज सोर्स है तो करंट ऐसे ही बहेगा क्योंकि रजिस्टर है। सो ओके तो यहां से आई की जो वैल्यू आ रही है आ रही तुम्हारे पास 10, और ये पूछा था 165 में 10, ओके करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। 66 प्ले तो हो रहा है ना यार, ओके प्ले हो रहा है। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर इज एक्सप्रेस्ड एज, तो किस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज शो कर रखा है तुमको, A1 और A2 के लिए बतानी है, तो ये इसकी ये जो एक्सप्रेशन है ना, सॉरी मैं हाथ रख के बता देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है अपन को, डायरेक्टली ये पूछ सकता था कि कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज बताओ, लेकिन इसने कांस्टेंट की टर्म्स में वैल्यूज पूछी। ओके तो जैसे ही क्वेश्चन को ऑब्जर्व करा, प्लीज जैसे ही तुमको इसी सोर्स देखते हैं पहले देख लेना इसी सोर्स के साथ कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी का सोर्स है कि नहीं है, दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी हो सकती है, डीसी सोर्स विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 और उसके अलावा कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, यहाँ पर जैसे ही तुमने पहला सोर्स देखा अच्छा ठीक है एसी सोर्स है 10 की फ्रीक्वेंसी है, दूसरा सोर्स देखोगे तुम ओके एसी सोर्स है डेफिनेटली गुड है, जल्दी जल्दी में इसको 20 और 10 लिख के आंसर सॉल्व करने मत चालू हो जाना, दूसरा सोर्स जैसे देखोगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, बोथ द सोर्सेज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइडल या कोसाइनोसॉइडल जो टर्म्स होती हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होती है, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करती, तो इनमें बेसिकली क्या लगा सकते हो तुम, सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो, और बिना सुपरपोजिशन के थ्योरम के तो ये सॉल्व भी नहीं होने वाला है। तो जब भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सोर्स दिखते हैं तुमको क्लिक कर जाना चाहिए, तुमको दिख जाना चाहिए कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, और उसमें तुम क्या लगाओगे फिर सुपरपोजिशन थ्योरम, कंसीडर वन सोर्स एट अ टाइम एंड कंसीडर वन सोर्स एट अ टाइम एंड रिमूव अदर नहीं करना है, रिप्लेस इट विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पे वोल्टेज सोर्स है दोनों का, तो दोनों ही वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0 होगा, तो पहले मैं 10 फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स को कंसीडर करता हूं, तो डायग्राम बनाते हैं फटाफट, ये रेजिस्टेंस है ये कैपेसिटेंस है ये इंडक्टर है और 10 फ्रीक्वेंसी का तुमने सोर्स ले लिया,
अब तुमको फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने वाले हो तो उसको 20 एट एंगल 0 रख लो। ओमेगा किस पे चल रहा है अभी ध्यान रखना, 10 पे चल रहा है, तो तुम 1 अपॉन जे ओमेगा सी करोगे तो यहाँ पे क्या था बनेगा 0.1 जे बन जाएगा, माइनस 0.1 जे। और यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 10 जे, और यहाँ पे कितना बनेगा 1। ओके, तो बेसिकली किस गेट में आया, 2014 में आया क्वेश्चन, तो उस टाइम साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होंगे, बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके फटाफट आंसर निकाल देता हूं, तो आंसर आ जाएगा। यहां से वीसी बताऊंगा, तो वीसी इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज होगा इन पूरी मिला के, तो ये आपस में पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होंगे तो माइनस 0.1 जे। अच्छा ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं पेन से यूज करता हूं। तो यहां पर तुमको क्या दिख रहा है, प्योरली क्या दिख रहे हैं, इंडक्टिव दिख रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव, रिएक्टिव दिख रहे हैं, प्योरली रिएक्टिव। तो यहाँ पे इनके वाई डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो पहले का इसका वाई कितना होगा, इसका वाई होगा 10 जे, और उसका वाई, उसका वाई कितना होगा माइनस 0.1 जे। तो वाई कितना आ गया यहाँ से 9.9 जे, इसका इन्वर्स कर दोगे तो यहाँ से जेड जो आ जाएगा, जेड डैश, इसको जेड डैश इक्वेलेंट बोल देता हूं मैं, तो जेड डैश कितना आ जाएगा यहाँ से 1/9.9 जे, नीचे जे चले जाएगा, सिंपल है। तो अब मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के निकाल सकता हूँ सीधे सीधे वोल्टेज, तो VC1 मतलब फर्स्ट सोर्स को कंसीडर करने के बाद वोल्टेज कितना आ रहा है, 1/9.9J डिवाइड बाय 1/9.9J प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 एट एंगल 0, सिंपल है। तो 1 डिवाइड बाय 9.9J होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 9.9J प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसमें जो वोल्टेज आने वाला है उसका जो तुम्हारे पास वैल्यूज आ गई है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ था उस टाइम, ये बात तुम्हारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए हमेशा, 2.009 97 एट एन एंगल ऑफ माइनस 84.231, सिंपल पूछा क्या है, सिर्फ A1 और A2 के लिए पूछिए यार, तो A1 और A2 के लिए पूछिए, तो A1 के लिए तुमने फट से निकाल ली क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास ओमेगा 1 है ना, ओमेगा 1 ये लो, ठीक है, तो ओमेगा 1 बाय डिफॉल्ट, अब कैसा ये कैसा क्वेश्चन होता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 खुद से कैसे मान लो, फोर्थ इज ओमेगा 1, तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चल रहे हैं। अच्छा एक वोल्टेज इसमें एक करंट सोर्स है, ओहो हो देखो इसको नहीं काटने वाला मैं, मेरी झंड स्वीकार करता हूं मैं, जल्दी जल्दी मैं तुमको ऐसे उधर देखता हूँ ना तो गलती हो जाती है, एक करंट सोर्स है एक वोल्टेज सोर्स है, तो जब फर्स्ट सोर्स को कंसीडर करोगे तो करंट सोर्स अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे तुम, सॉरी गलती कर दी मैंने, ठीक है ये ओपन सोर्स से रिप्लेस कर दिया, ये लो यहाँ पे क्या बनेगा 10 की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 10 फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे माइनस 0.1 जे बन जाएगा, यहाँ पे 1 ओम, और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारे पास 20 एट एन एंगल ऑफ 0, तभी तो ऑप्शन में भी दे रखा है, राइट, मैं बोल रहा हूँ ना IIT के टीचर पहले होशियार हुआ करते थे, अब तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन देते, सॉरी VC1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VC1 फेजर क्वांटिटी आएगी तुम्हारे पास माइनस 0.1 जे डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस 0.1 जे मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं, माइनस 0.1 जे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 जे कितनी वैल्यू आ रही है, 1.99, तो बच गए किस्मत से आंसर से हमारा, लेकिन हाँ 1.99 एट एन एंगल ऑफ माइनस 84.2289, ठीक है ये तुम्हारे पास आ गया। तो यहां से तुमको A1 मिल जाएगा, तो बेसिकली VC1 की बात कर दूं मैं, VC1 की उसके टर्म्स में, टाइम डोमेन के टर्म्स में कितना जाएगा, 1.99 साइन ऑफ 10t माइनस 84.2894। सिमिलरली अब VC2 निकालना, VC2 निकालना तो उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, चलो ऊपर से निकालते हैं VC2, इधर आ जाओ VC2 निकालने के लिए, कलर भी चेंज कर लेता हूँ, फन आ रहा है, ठीक है ये लो इसको चेंज करा, तो अब इसमें तो ये तो वोल्टेज सोर्स है ये तो शॉर्ट होगा डेफिनेटली, ये शॉर्ट कर लिया इसको, उसके बाद ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 5 पे चल रहे हैं, तो 1/j ओमेगा बनेगा, तो माइनस 0.2j बनेगा, इधर 5j बनेगा, और ये करंट सोर्स है ध्यान रखना क्या है, करंट सोर्स है और ये 10 एट एंगल ऑफ 0 बन जाएगा, साइन के रेस्पेक्ट में चल रहा है वो भी, और ये 1 ओम, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं फटाफट कैलकुलेटर से, तो 1 प्लस पॉइंट माइनस 0.2 जे का इनवर्स, ठीक है वैसे तो डायरेक्ट कर सकते थे तुम, इतनी माता थोड़ी नहीं होती थी, चलो डायरेक्ट बता देता हूं क्या हो जाएगा, यहां पे वोल्टेज V इज इक्वल टू आई बाय वाई, सिंपल है क्योंकि वाई निकालना आसान होता है पैरेलल जब भी होता है, तो वाई कितना, इसका इसका वाई कितना है 1 है, इसका वाई कितना है 5j, दोनों का ऐड करता हूं तो 1 प्लस 5j हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 5j, ठीक है। अब सिर्फ मुझे ए बताना है, तुम चाहते हो तो एंगल भी बता सकते हो, तभी अगर मुझे ए बताना होता तो इसका मैग्नीट्यूड ए होता, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय, अब तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो नॉर्मल वाला भी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 25, कितनी वैल्यू आ रही है 1.96 आ रही है, 1.98 ऑप्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, तुमको वी पूछा है, वी पूछा है तो माइनस 0.2 जे का इनवर्स प्लस 1 का होल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10,
वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 1.96, ठीक है सही है, तो 1.96 होगा, ये 1.96 में गलती से दे दिया, और चाहो तो तुम इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व करोगे तो इसमें बिना मैग्नीट्यूड के तो कितना आ जाएगा 1.96 एट एन एंगल ऑफ -78.69। तो यहां से ये वी सी टू बना रहा हूं मैं, तो वी सी टू टी ये तो फेजर में आया, लेकिन टाइम डोमेन में कितना आ जाएगा 1.96 साइन ऑफ 5t -78.69। अब सुपर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम वी सी टी विल बी वी सी वन टी प्लस वी सी टू टी, दोनों को ऐड करके लिख देना, नेट एक्सप्रेशन तुम्हारे पास ये वाला जो फॉर्म दे रखी है इसमें बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है 166 का, ठीक है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 67 इसको भी खत्म कर लेते हैं फटाफट, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन देने लगे। चलो क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो। टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 1 किलोवाट। टोटल पावर इस सर्किट के अंदर डिसिपेट जो हो रही है टोटल वो हो रही है 1 किलोवाट। डिसिपेट मतलब डिसिपेट होता है सराउंडिंग में रिलीज हो जाए, सराउंडिंग में सिर्फ एक ही चीज पूरी दुनिया में रिलीज कर सकती है वो है रेजिस्टर, ठीक है। तो यहां पे टोटल पावर जो डिसिपेट हो रही है वो है 1 किलोवाट बेसिकली इसके अंदर और इसके अंदर ही हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें कुछ जाएगी पावर तो होता है एब्जॉर्ब होगी और वो स्टोर होगी, ठीक है। इसमें भी जाएगी वो एब्जॉर्ब होगी स्टोर होगी, डिसिपेट नहीं होगी। वर्ड पे फोकस करो, वर्ड पे, यहां पे गलती से एब्जॉर्ब लिख देता है ये क्वेश्चन डबल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। सो अब हाँ कहां थे अपन, तो अब ये दोनों मिलके कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, ये दोनों मिलके तुम्हारी 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहे हैं। द वोल्ट, अब ठीक है, द वोल्ट मीटर रीड्स 200 वोल्ट, तो जो वोल्ट मीटर है वो 200 वोल्ट रीड कर रहा है। द वैल्यू ऑफ XL इज, XL के लिए बतानी तुम्हें, गेटिंग माय पॉइंट, तो समझो यहां से 10 एम्पियर करंट जा रही है, तो ये 10 एम्पियर करंट यहां निकल गई होगी, ठीक है, ये 10 एम्पियर यहां जा रही है, यहां पे 2 गई है तो यहां पे कितनी गई होगी 8 गई होगी, ठीक है। अब यहां से क्रॉस होते होते 10 यहां पे आ गई, अब यहां पे 8 कैसे भी गई होगी किसी भी उसमें मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है, किसी भी फेस के साथ, बस बेसिकली 8 तो नहीं, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं कह सकते, सॉरी मेरी गलती है ना, मैंने बहुत गलत बोल दिया, कुछ नहीं कह सकते, यहां पे किसी भी फेज में और किसी भी मैग्नेट्यूड गई होगी, ताकि मिलके उन दोनों का फेजर एडिशन क्या बन जाए, तुम्हारा 10 बन जाए। अब यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, ये जरूरी थोड़ी है इसका फेजर नहीं गिवन है, ये डायरेक्टली ऐसा ये नहीं मान सकते तुम कि डायरेक्टली 2 एट एन एंगल ऑफ 0 है, वो 10 है, ये 2, वो 10 एट एंगल ऑफ 0 तो ये 2 एट एन एंगल ऑफ 0, दोनों सेम वेज में, ये नहीं मान सकते, बस इनका मैग्नीट्यूड गिवन है कि यहाँ पे 10 जा रही है तो यहाँ पे 2 एम्पियर जा रही है, ओके। सो अब यहाँ पे मिल मिला के वापस पक्का 10 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि इधर ये 10 एम्पियर आ रही है, इधर से कुछ बटी होगी तो वापस इधर आके मिल गए, तो दोनों पानी तो है, ये नाली, दो नालियां थी, एक पानी, थोड़ा पानी यहाँ निकले, थोड़ा पानी होगी, वापस पानी यहाँ पर मिल गया तो 10 बन गया। उसके बाद अब यहाँ पर वोल्ट मीटर है तो आइडल वोल्ट मीटर है, कोई भी करंट नहीं खाएगा तो ये सीधी सीधी करंट कहाँ निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो पावर वन कितनी होगी, P1 कितना है तुम्हारे पास, I1 square R, I1 की वैल्यू कितनी है 2 R1, ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी है 2 square मल्टीप्लाई बाय R1 के लिए 1, तो ये हो जाएगा 4 watts, बहुत कम है, ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, P2 वैल्यू है तुम्हारे पास I2 square into R2, तुमको R2 तो निकालना, ठीक है, तो यहां से I2 की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 10 square मल्टीप्लाइड बाय R, तो कितना हो जाएगा ये 100 R, तो मैं बोल सकता हूं 100 R watts, तो 4 plus 100 R क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर है 1000 के, तो यहां से R की जो वैल्यू हो जाएगी 996 डिवाइड बाय 100, बोल सकता हूं कि मैं 9.96, ओके, सो 9.96 ओम्स इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो यहां से करंट आ रही है वो 10 एंगल 0 पे है, 2 का कुछ नहीं बोल सकते, फिर बोल रहा हूं 2 पे तुम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10 एंगल 0 तो 2 का कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहां पे भी 10 एंगल 0 होगी, इधर जो करंट जा रही होगी रजिस्टर के अंदर वो कितनी जाएगी 10 एंगल 0, ठीक है। तो VR जो होगा वो कितना हो जाएगा, VR बताओ जरा मुझे, 10 एट एन एंगल ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय 9.96 कितना हो जाएगा 99.6 एट एन एंगल ऑफ 0 वोल्ट्स। सिमिलरली ये जो VL है XL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, पूछा क्या है फाइनली, XL के लिए पूछी ना, ठीक है, तो J XL टाइम्स 9.96, सिंपल, अरे क्या लिख दिया 9.96 मल्टीप्लाई बाय 10 एट एंगल ऑफ 0, तो फाइनली कितना जाएगा ऐसे 10 XL एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओके।
अब यहां पे जो वोल्टेज मेजर हो रहा है ये तो क्या मेजर कर रहा है, मैग्नीट्यूड मेजर कर रहा है। तो V वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर नहीं बोल रहा मैं, यहां पे जो वोल्टेज आएगा फेजर में वो कितना जाएगा, वी आर प्लस वी एल का फेजर एडिशन। तो वी आर वी एल कितना 99.6 और वी एल कितना तुम्हारे पास 10XL एट एन एंगल ऑफ 90 10XLJ। अब वोल्टमीटर तो इसका मैग्नीट्यूड मेजर करेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 99.6 का स्क्वायर प्लस 10XL का स्क्वायर का होल अंडर रूट। और ये किसके बराबर आने वाला है, ये डेफिनेटली किसके बराबर आने वाला है, 200 के बराबर, सिंपल। तो यहां से मैं एक्सेल के लिए निकाल सकता हूं कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 99.6 का स्क्वायर डिवाइड, अच्छा इसका रूट और डिवाइडेड बाय 10। एक्सेल की वैल्यू यहां से आ गई 117.34, ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं, सही बात है, ठीक है, चले आगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करता हूं, ये पेज तो खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 68, ओके। लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज इज 10 एट एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम फॉर अ बैलेंस्ड थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड विद फेज सीक्वेंस एबीसी। द वोल्टेज ऑफ द लाइन बी विद रेस्पेक्ट टू लाइन ए इज गिवन बाय। तो एक लाइन ए है, लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज है तुम्हारे पास। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसका, पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, और या तुम बोल सकते हो थ्री फेज सर्किट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर अ बैलेंस्ड थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड, तो स्टार कनेक्टेड लोड है मतलब नहीं है रजिस्टर क्या है, अभी तो मैं इसमें लोड रजिस्टर के फॉर्म में बना रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। विद अ फेज सीक्वेंस ऑफ ए बी सी, फेज सीक्वेंस इज मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर एंगल वेंगल की बात हो रही हो। द वोल्टेज ऑफ द लाइन बी विद रेस्पेक्ट टू लाइन सी, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन है, तुम्हारी बुक्स में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे वोल्टेज ऑफ लाइन बी विद रेस्पेक्ट टू सी पूछा है, ना कि वोल्टेज ऑफ लाइन बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो वोल्टेज ऑफ लाइन बी विद रेस्पेक्ट टू सी, तो पहली बात तो वी बी सी पूछा तुमसे, तो पहली बात तो मॉड ऑफ वी बी सी की बात कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ वी बी सी इज नथिंग बट लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज नथिंग बट रूट थ्री टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वी फेज वोल्टेज। तो रूट थ्री इंटू टेन तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, मैग्नीट्यूड 10 रूट 3 किसका, वीबीसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब बात करते हैं एंगल की, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, लाइन वोल्टेज विल ऑलवेज लीड्स फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री एंड लाइन करंट विल ऑलवेज लैग्स फेज करंट बाय 30 डिग्री। तो अभी तो यहाँ पे वोल्टेजेस की बात हो रही है, तो जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज को कितने डिग्री से लीड करेगा, 30 डिग्री से लीड करेगा। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज गिवन है मेरे को वी ए फेज का, जो कि है 10 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। तो 10 एंगल ऑफ 15 डिग्री है, तो यहां से फेज ए वोल्टेज तुम्हारे पास, तो यहां से तुम्हारे पास वी ए बी, अब ऐसा नहीं कोई भी रैंडमली कोई तीसरा वोल्ट कोई सा भी वोल्टेज बता दो, वी ए से वी ए बी निकलेगा, वी बी से वी बी सी निकलेगा, और वी सी वी सी क्या बोलते हैं उसे वी सी से वी सी ए निकलेगा, समझ में आ रही मेरी बात, अगर फेज सीक्वेंस वी ए बी सी है, ठीक है। तो यहां पे वी ए से वी ए बी निकलेगा, तो वी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 10 रूट 3 एट एन एंगल ऑफ 15 प्लस 30 डिग्री, समझ में आ रही मेरी बात। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, वी ए वी, हाँ ठीक है। अब क्योंकि बैलेंस सप्लाई है तो लाइन वोल्टेजेस आपस में 120 डिग्री से शिफ्टेड होंगे, फेज वोल्टेज आपस में 120 डिग्री से शिफ्टेड होंगे, लाइन करंट आपस में 120 डिग्री से शिफ्टेड होगी और फेज करंट आपस में 120 डिग्री से शिफ्टेड होगी। तो मेरे को सिर्फ क्या पूछा है, तो ए बी के बाद कौन आता है, बी सी, बी सी के बाद कौन आता है, सी ए, ठीक है। तो अभी तो इसमें सिर्फ बी सी पूछा है, लाइन वोल्टेज ऑफ बिटवीन बी विद रेस्पेक्ट टू सी। अब ये लाइन की भी बात तुमको समझनी है, तो तुमको बेसिकली पूछ क्या रहा है, वी बी सी पूछ रहा है, ना कि वी सी बी पूछ रहा है। तो वी बी सी पूछ रहा है, सीधे सीधे वी बी सी कितना लिख सकता हूँ मैं, रूट थ्री एट एन एंगल ऑफ कितना होता है 55 माइनस 120। अगर ये सी ए पूछा होता तो इसमें प्लस 128 करता मैं एंगल में, किसमें, इसके एंगल में, समझ में आई। तो यहां से 10 रूट थ्री एट एन एंगल ऑफ कितना बन जाएगा, ये 55 माइनस 120। अभी थोड़ा दिमाग चल नहीं रहा, ऐसे चला रहा हूँ कैलकुलेटर, तुम कमेंट में चालू मत हो जाना, ये कैलकुलेशन नहीं आती, बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन करके दिखाई मैंने पहले तुमको, ठीक है। तो 10 रूट 3 एट एन एंगल ऑफ माइनस 65 ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, ओके 55 लिख दिया, शाबाश, है ना। अब दे सकते हो तुम मेरे को गाली आराम से, दो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 75 माइनस 75 वोल्ट, ठीक है, माइनस 75। तो ऑप्शन नंबर तुम्हें कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर सी मिल गया। इसको करने का दूसरा तरीका भी था, जो मैं वो कह रहा था कि ए से ए बी निकलता है, बी से बी सी निकलता है, तो बी से अगर बी सी निकलता तो मैं पहले बी निकालता हूं, तो बी कितना होगा यहां से, सिंस फेज वोल्टेजेस आर शिफ्टेड बाय 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर एंड सिंस द फेज सीक्वेंस इज ए बी सी, देयरफॉर वी कैन से दैट इफ वी इज 10 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री देन डेफिनेटली वी बी विल बी 10
एट एन एंगल ऑफ 15 माइनस 120 डिग्री. ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा 10 एट एन एंगल ऑफ 100 माइनस 5. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ फ्रॉम फेस वोल्टेज वी बी वी कैन फाइंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड लाइन वोल्टेज वी बी सी विच विल बी इक्वल टू 10 रूट थ्री टाइम्स ऑफ वोल्टेज एट एन एंगल ऑफ 105 प्लस 30 डिग्री सिंस लाइन वोल्टेज लीड्स फेस वोल्टेज बाय 30 डिग्री. ओके, सो यहां से तुम्हारे पास 10 रूट थ्री एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ 70 आ गया. सेम आंसर आ रहा है घूम फिर के, कहीं से भी निकालो तुम तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है तुम्हें. एक बार मैं देख लेता हूँ 68 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. ठीक है, तुम देख लेना, क्या पता मैंने गलती से यहाँ पे गलत ले लिया हो, लेकिन अप्रोच ये रहेगी, क्या पता इसने वीबीए ही पूछो एक्चुअल में भी, स्टैंडर्ड में भी. 2014 का सेट थ्री देख लेना, तीन सेट आए थे, बाप रे आजकल एक भी सही से नहीं बना पाते. खैर आगे बढ़ो. 1.69 द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स इन द फिगर इज. तो करंट सोर्स कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, तो बेसिकली कोई भी दुनिया का एलिमेंट पावर डिलीवर कितनी करता है उसके अक्रॉस वोल्टेज और उससे पास होने वाली करंट. तो बेसिकली मुझे ये वाला वोल्टेज निकालना है और कुछ नहीं करना है. समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड करता हूँ तो ग्राउंड की वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए 1 वोल्ट. तो अगर एक जगह जीरो कर दिया दूसरी जगह डेफिनेटली 1 होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए 1 वोल्ट. एक जगह 1 कर दिया दूसरी जगह अपने आप क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. तभी तो 1 वोल्ट आ रहा है. पोलैरिटी देख लेना तुम, ऐसा नहीं फटाफट उधर 1 लिख दो. ठीक है, अब यहाँ पे बस बचा हुआ वोल्टेज ये है. इसको इस वोल्टेज को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट केवीएल नोडल एनालिसिस लगा के निकाल सकता हूँ. तो वी माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 प्लस वी माइनस 0 डिवाइड बाय 1. तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है 2V इज इक्वल टू 3. वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3/2. सिंपल. तो ये सोर्स पावर डिलीवर कितनी कर रहा होगा P. करंट इस वोल्टेज कैसा आया यहाँ पे प्लस माइनस, और करंट इससे बाहर निकल रही है तो डेफिनेटली डिलीवर कर रहा होगा, तो पॉजिटिव साइन आएगा. 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी आ जाएगी 3 वॉट्स. दे नहीं रखा है ना, फिलिंग द ब्लैंक टाइप है. ठीक है, सही. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर. ओके, आ गया वही सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन. हमेशा करंट को रिटर्न पाथ चाहिए. ठीक है, उसी से रिलेटेड होगा आई होप. मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, लेकिन मेरे को दिख जाता है कि दो नेटवर्क के आपस में तीन तार जुड़े हुए हैं तो रिटर्न पाथ का कोई कंसेप्ट यूज होता है. सिंपल सी बात है. चलो, द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर एंड द 2 ओम रेजिस्टर गिवन बाय 6 एंड 2 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली विद द पोलैरिटी इज मार्क्ड. व्हाट इज द पावर इन वाट्स. ज्यादा कॉफी पी ली यार, बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई. डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्सेस. तो बेसिकली ये 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स पावर कितनी डिलीवर कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के प्लस पॉजिटिव टर्मिनल आया नेगेटिव टर्मिनल आया, तो और वोल्टेज कितना 6 है, तो करंट यहाँ पे कितनी फ्लो होगी 6/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर. यहाँ पे कितनी फ्लो होगी 2/2 किधर, इस तरफ. कितनी एम्पियर की? 1 एम्पियर की. तो जितनी करंट एक सर्किट से जा रही है उतनी करंट घूम के आ जानी चाहिए. तो बेसिकली यहाँ से इस सर्किट में नेट करंट कितनी जा रही है बताओ जरा मुझे. कितनी जा रही है? 1 एम्पियर की. 2 उधर जा रही है, 1 वापस आ रही है, तो नेट करंट यहां से यहां तक कितनी जा रही है 1 एम्पियर की. करो 2 माइनस 1, क्योंकि 2 इधर जा रही है और 1 इधर आ गई, तो बचा कितना 1, तो 1 वापस आनी चाहिए डेफिनेटली, तो 1 एम्पियर यहां से आ रही होगी. पूछा क्या है? डिलीवर पूछ रहा है इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, तो 100% की पावर डिलीवर करा हुआ. कितनी की पावर डिलीवर करा हुआ? इसका वोल्टेज मल्टीप्लाई से निकलने वाली करंट 5 × 1 कितना हो जाएगा 5. ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन 70 का. चलो आगे बढ़ते हैं. ओहो, बड़ा क्वेश्चन. चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है. पावर मशीन से रिलेटेड है शायद क्वेश्चन, देख लेते हैं किससे रिलेटेड है. फटाफट देखते हैं. द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय 800 मिली हेनरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज गिवन बाय 600. तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर है तुम्हारे पास, इसमें एक वाइंडिंग प्राइमरी है और एक वाइंडिंग सेकेंडरी है. इस वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस जो गिवन है L1 वो कितना गिवन है तुम्हारे पास 800 मिली हेनरी, और L2 जो गिवन है तुम्हारे पास वो कितना गिवन है तुम्हारे पास 600 मिली हेनरी. ओके, सही है. द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन बोथ द वाइंडिंग्स इज 480. इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना गिवन है 480. डिग्री क्यों बना दिया मैंने, मिली हेनरी. ओके, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर इज शॉर्ट सर्किटेड. मैंने प्ले कर रखा है या नहीं रो दूंगा ना. ठीक है, कर रखा है. The secondary winding of this transformer is short-circuited and the primary winding is connected to a 50 Hz single-phase sinusoidal voltage source. Secondary winding is ki maine kya kar rakhi hai, short kar rakhi hai. Is transformer ki secondary winding maine short kar rakhi hai. Aur eraser wahan se aa gaya. Okay. Ye lo short kar diya. Short circuit. And the primary winding is connected to a single-phase 50 Hz source. ठीक है, 50 Hz source है, बस value नहीं given उसकी. The current flowing in both the windings is less than their respective rated current. सही बात है, ताकि winding जले नहीं. और भी कुछ काम होगा इस लाइन का, देखते हैं आगे. The resistance of both the windings can be neglected. In this condition, what is the effective inductance seen by the source?
तो सोर्स ने कितना इफेक्टिव इंडक्टेंस सीन किया, ठीक है। तो भैया सोर्स से जो करंट निकल रही है उसे मैं आई सोर्स कह देता हूँ, और यहाँ पे दिखने वाला इसको, इस सोर्स को दिखने वाला इंडक्टेंस लेट से एल इक्विवेलेंट है। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ क्या कि वी सोर्स इज इक्वल्स टू एल इक्विवेलेंट डी आई सोर्स बाय डी टी। बस इतनी सी बात है, बाकी बातें बाद में करते हैं भाई, ठीक है। लेट्स से डॉट इसका यहाँ पे जो जनरल डॉट कन्वेंशन होते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मर डॉट से करंट एंटर कर रही है, तो मैं इसको IS नाम I1 देता हूँ ना, यार कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। IS तो सेकेंडरी लैंग्वेज होता है, और इधर करंट जा रही है I2, और शॉर्ट सर्किटेड है, सिंपल सी बात है। नाउ मैं सबसे पहले इसमें इक्वेशन लगाता हूँ, तो V1 कौन सी वो यूज हुई है इसमें, डॉट कन्वेंशन है, एक डॉट से करंट एंटर कर रही है, दूसरे डॉट से ड्रीव कर रही है, तो कौन सी कपलिंग है, नेगेटिव कपलिंग है, जो कि ट्रांसफॉर्मर स्टैंडर्ड कपलिंग होती है, गिवन तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, स्टैंडर्ड यही होता है, ठीक है। और कपलिंग किससे डिसाइड होती है, करंट का जो तुमने रेफरेंस लिया है, क्या पता एक्चुअल में करंट उल्टी फ्लो हो रही है, उनकी मर्जी है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर का कन्वेंशन है कि डॉट से, एक से डॉट से करंट एंटर करिए, दूसरे से लीक करनी चाहिए, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर का कन्वेंशन होता है। कल जो डॉट कन्वेंशन पढ़े थे वो डॉट कन्वेंशन अलग चीज है, ठीक है। तो यहां से V1 की जो वैल्यू बोलता हूं वो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, L1 di1 by dt। ओके चलो, ये तो मैंने किसके वजह से लिख लिया, ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, खुद में करंट I1 है और सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हारा L1 है, समझ में आई मेरी बात। अब दूसरे की वजह से जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय डी, उसमें जो दूसरे में जो करंट फ्लो रही है वो, बीच में साइन कौन सा आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, टाइप ऑफ कपलिंग, किस इस केस में कौन सी कपलिंग है, इस केस में नेगेटिव कपलिंग है। तो नेगेटिव कपलिंग क्या बोलती है कि जो भी तुम्हारा वोल्टेज सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जो म्यूचुअल कपलिंग है उसका अपोज करेगी। तो ये अपोज करेगी कैसे, अपोज कैसे होता है, नेगेटिव साइन लग के, तो यहाँ पर बीच में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। सेकंड चीज, अब सेकेंडरी रूप में लगाते हैं, सेकेंडरी रूप में लगाते हैं तो इधर, ठीक है, ये तो आ गया तुम्हारा V1, यही किसके बराबर होना चाहिए, तुम्हारा VS के बराबर होना चाहिए, डायरेक्ट दिखा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है बीच में वाइंडिंग का कोई साइड। नेक्स्ट चीज सेकेंडरी रूप में लगाता हूं, सेकेंडरी रूप में लगाता हूं तो V2 लिखता हूं मैं जरा, यहीं पे V2 आएगा, तो V2 की जो वैल्यू आएगी, एक तो खुद की वजह से कितनी आएगी, L2 di2 by dt, और बीच में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव कपलिंग है, जो प्राइमरी में करंट होगा वो सेकेंडरी के फ्लक्स को अपोज करेगा, सेकेंडरी के फ्लक्स को अपोज करा तो सेकेंडरी के वोल्टेज को अपोज करेगा, तो वोल्टेज को अपोज कर दिया, ये लो di1 by dt। अब ये क्या है, टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड है, शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल में वोल्टेज जीरो होता है, तो V2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। यहां से तुम्हारे पास di2 by dt, L2 di2 by dt is equals to M di1 by dt मिला यहां से, ओके। अब इसको मेरे को उठा के ऊपर डाल देना है, इसको उठा के मैं ऊपर डाल देता हूं, ओके। एक चीज और, I1 की वैल्यू किसके बराबर है, IS के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे मैं I1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें, नहीं आनी चाहिए। चलो यहां से अब मेरे को di2 by dt की जगह मेरे को सिर्फ I1 डाल देना, तो पूरा I1 बाहर को माना जाएगा। तो यहां से मैं L इस इक्वेशन से उठाया मैंने, तो सेकंड इक्वेशन से उठा के फर्स्ट में इस पे डाल रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में L1 di1 by dt कॉमन रहने वाला है माइनस M। अब यहां पे मैं डाल रहा हूं M by L2 di1 by dt। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है तुमने, उसका सर्किट ऐसे ही आता है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट बताता हूं अभी, ये क्वेश्चन को मेथड 2 देखेंगे अपन, अगर वो मेथड 2 आता तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं रहेगा। तो यहां से L1 माइनस M स्क्वायर डिवाइड बाय L2 टाइम्स di1 बाय dt, ये क्या है, यही तुम्हारे पास V1 है और यही तुम्हारे पास VS है जिसकी वैल्यू है L इक्विवेलेंट di1 बाय dt। तो यहां से d और शिट, तो यहां से पूरा di1 by dt और di1 by dt कैंसिल हुआ, तो यहां से L इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, L1 माइनस M स्क्वायर डिवाइड बाय L2। क्या यूनिट सही है, हमेशा डायमेंशन चेक करते हुए चलो, यहां पे हेनरी स्क्वायर है, नीचे हेनरी, कैंसिल हो गया हेनरी, हेनरी माइनस हेनरी, बिल्कुल सही आ रही हेनरी यूनिट, ओके। तो यहां से L1 की वैल्यू तुम्हारे पास 800, M की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है 480 का स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय यहां पे गिवन है तुम्हारे पास 600, निकाल लो जरा, 800 माइनस 480 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 600 कितनी आ गई, बोलिए 416, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं जरा, इसको अल्टरनेट अप्रोच से देखते हैं। अल्टरनेट अप्रोच क्या कहती है, ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट याद है कैसे बनता है, जरा बनाता हूं मैं, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, L1 माइनस M, L2 माइनस M और ये M। एक बार इक्वेशन वेरीफाई करो, जो तुमने V1 की इक्वेशन लिखी थी क्या सही आ रही है, ये क्योंकि शॉर्ट का रखा है ना, चाहो तो तुम इधर ओपन भी डाल सकते थे। V1 की इक्वेशन चेक करो कितनी आएगी, करंट कितनी जा रही है इसमें, I1 इसमें करंट कितनी जा रही है, I2 इसमें करंट कितनी जा रही है, I1 इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस I2, समझ में आई मेरी बात। तो L1 माइनस M टाइम्स di1 बाय dt, क्योंकि अब म्यूचुअल कपलिंग तो कोई बची नहीं मेरी, प्लस M टाइम्स di1 माइनस I2 बाय dt,
ठीक है, तो जरा करना इसको सॉल्व। एल वन डी आई वन बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, यही तो आ रहा है नेगेटिव कपलिंग में, तो मतलब नेगेटिव कपलिंग के लिए अपने सर्किट बिल्कुल सही बनाया। अगर यहीं पे पॉजिटिव कपलिंग होती तो उसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनता, वो भी बना देता हूं मैं, दूसरे बंदे बनाते हैं। ये लो L1 प्लस M, L2 प्लस M और यहाँ पे माइनस M, ये बनता है यहाँ पे करंट ऐसे ही I1, इधर I1 माइनस I2 और इधर I2, क्लियर। तो सर्किट बिल्कुल सही है। तो यहां से ये जो सोर्स है ये कितना इंपीडेंस सीन कर रहा है, जरा देखो कितना कर रहा है, L2 पैरेलल, L2 माइनस M पैरेलल विद M, L2 माइनस M की वैल्यू जरा लिखना कितनी आ रही है, L2 की वैल्यू कितनी है 600 माइनस एम की वैल्यू तुम्हारे पास 480, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा, इसके वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 480, और L1 माइनस एम की जो वैल्यू है L1 कितना 800 माइनस कितना कर रहे हैं उसमें अपन 480 तो 320, ठीक है। अब पैरेलल लेता हूं मैं एक बार, ठीक है, तो 480 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 696 प्लस 320 कितना आ गया 416। देखो दूसरी अप्रोच से भी आंसर आ गया, तो ये दो तीन अप्रोच अपने स्लीव्स में रखा करो यार, मैच कर रहा है, ठीक है। अब आंसर चेक करो, अब आंसर चेक करेंगे तो डेफिनेटली मैच कर रहा है, तो तुम्हारे पास दो अप्रोच आती होगी हर क्वेश्चन की, 416 करेक्ट है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो स्टार लगाना इस क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऑप्शंस थे, इनफैक्ट देखे नहीं मैंने, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ओके आगे बढ़ो। इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर्स K is positive and the power dissipated in 2 ohm resistor is 12.5 watt. The value of K is, तो 2 ohm resistor के अंदर power dissipate हो रही है कितनी 12.5, तो V square divided by R is equals to कितना 12.5, यहां से R के लिए तुम्हारे पास given है 2, V इधर जाएगा तो 12.5 multiply by 2 कितना होता है 25 का root करेंगे तो यहां से V की value आ गई कितनी 5, okay। अब पावर डिसिपेट हो गया, अब वी की वैल्यू तुम्हारे पास प्लस फाइव भी आ सकती है माइनस फाइव भी आ सकती है, यहां तुम्हारा गड़बड़ होगी, बहुत बहुत बढ़िया गड़बड़ होगी। तो पैरामीटर के, ठीक है, तो यहां पे काम कौन काम आएगा तुम्हारे पास, पैरामीटर के इस पॉजिटिव वाली चीज काम आएगी। तो अभी तक तो तुम ये मान के चलो कि 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आया है वो प्लस और माइनस फाइव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर लेट्स से मैं ग्राउंड कर देता हूं, यहां पे मैं ग्राउंड कर देता हूं तो यहां पे वोल्टेज कितना मिलेगा 4 माइनस वी नॉट, ये वी नॉट की तो वैल्यू आई है, ठीक है, यहां पे ग्राउंड कर दो तो 4 माइनस वी नॉट वोल्टेज मिलेगा। अब मैं क्या लगा देता हूं यहां पे बैठे बैठे के सी एल इक्वेशन यूज कर लेता हूं मैं, तो करते हैं जरा के सी एल इक्वेशन यूज, मतलब नोडल एनालिसिस। तो यहां पे इसमें करंट कैसी फ्लो रही होगी, इधर वी नॉट बाय 2, इस रजिस्टर के अंदर करंट वी नॉट बाय 2 क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कितनी करंट फ्लो रही होगी वी नॉट बाय 2, तो इस डॉट के अंदर कितनी करंट एंटर हो रही है वी नॉट बाय 2, तो यहां पे मैं लिख दूंगा केवीएल लगाने के लिए माइनस वी नॉट बाय 2 माइनस के वी नॉट प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कोई डाउट आया यहां तक, नहीं आया, ओके। यहां से मैं अगर k की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से k इज इक्वल्स टू 5 माइनस v नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय v नॉट, तो 5 डिवाइडेड बाय v नॉट माइनस 1 बाय 2। अब k क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है, तो मैं लेट से इसकी दोनों की पहले डालता हूं, केस 1 v नॉट की वैल्यू को मैं 5 डालता हूं, तुम डायरेक्टली v नॉट, यही तो गड़बड़ होती है यार, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं करो, तुम डायरेक्टली 5 ले लोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन कभी फ्यूचर में फंसोगे तो फंसोगे, क्लियर है। तो यहां से v0 के वैल्यू को 5 डालता हूं तो यहां से कितना बनेगा 1 माइनस 1 बाय 2 0.5। सेकंड केस लेता हूं मैं, अगर v0 के वैल्यू को माइनस 5 डालता हूं तो यहां से माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 बन रहा है, तो k के लिए नेगेटिव हो सकती है नहीं हो सकती, तो मतलब ये वैल्यू तो रिजेक्ट हुई, k की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये वैल्यू सेलेक्ट हुई, k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0.5, क्वेश्चन नंबर 72 आंसर, देखते हैं जरा एक बार फटाफट, 0.5 आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ो। 1.73 चलो, करंट आई इन एम्पियर्स इन द 2 ओम रजिस्टर ऑफ द गिवन नेटवर्क इज, 2 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है गिवन नेटवर्क के अंदर, ओके, ठीक है, सो यहां से इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां से देखते हैं जरा, अब थोड़ा सा ना इसको क्वेश्चन को मोल्ड करने की कोशिश करूं, ठीक है, ट्राई करते हैं अपन, आ जाओ, इस नोड का नाम मैं ए दे रहा हूं, इस नोड का नाम मैं बी दे रहा हूं, इस नोड का नाम मैं सी दे रहा हूं और इस नोड का नाम मैं डी दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको रीड्रॉ करते हैं, जब भी ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं इसमें क्रॉस बन रहा हो या टेढ़े मेढ़े कुछ भी जा रहे हो तो उसमें तुम रीड्रॉ करने की कोशिश करो, तुमको अपने अपना आंसर मिलने लग जाएंगे। तो मैं ए बनाता हूं यहां,
मैं बी बनाता हूं यहां, मैं सी बनाता हूं यहां, और मैं डी बनाता हूं यहां। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अपन ए और बी के बीच में कनेक्ट करते हैं वन ओम का। दिख रहा है तुम्हें, ए और बी के बीच में डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? वन ओम। ठीक है भैया, कनेक्ट कर दिया। बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में कौन कनेक्टेड डायरेक्टली? टू ओम। अब सी, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में दिख रहा है ये वाली ब्रांच? वन ओम कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में बताओ, सी एंड डी के बीच में कौन कनेक्टेड है? अब लास्ट बची ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में अगेन कौन कनेक्टेड है? क्या दिख गया ये तो बनाते बनाते तुमको दिख गया होगा अभी तक तो यार, क्या है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला। और सोर्स कहां लग रखा है? ए और सी के बीच में। और करंट पूछिए इसमें, क्या दिख रहा है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, कितना वोल्टेज आएगा, मतलब कितना करंट आएगा बीच वाली ब्रांच में? जीरो। आंसर कितना हो जाएगा इसका? जीरो एम्पियर। बैठे बैठे एग्जाम में सोचते रहो, आंसर नहीं आएंगे, केसील के लगे घुमाते रहना बैठ के। ठीक है, तो रीड्रॉ करना भी सीखो, विजुअलाइजेशन करना सीखो सर्किट का। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ओके, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 74 आ जाओ। द गिवन नेटवर्क V1 इज इक्वल टू 10 एट एन एंगल ऑफ 0, V2 is equals to 100 at an angle of minus 120, V3 is equals to 100 at an angle of plus 120. ठीक है, तीनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो basically यहाँ से दिख क्या रहा है? तीनों क्या है? Balanced supply है। अगर ये 100 है, तो ये 100 at an angle of minus 120 दिख रही है, और ये 100 at an angle of plus 120 दिख रही है। लेकिन अपन को थ्री फेज से सॉल्व करना ही नहीं है इसको, ऐसे ही दिखा रहा हूं मैं तो तुमको। ठीक है, हटाओ उसको। द फेजर करंट आई इन एम्पियर, करंट आई पूछिए तुमसे एम्पियर के अंदर। ओके, तो आई पूछिए, हमेशा जब भी ऐसे सोर्स दिखे ना, दो पहली बात तो एक पोलैरिटी मार्क कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जब भी दो दो सोर्स दिखें क्या लगा दो उसमें बैठ के, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, या तुम बैठ के यहाँ पे केसीएल क्यूएल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो केसीएल क्यूएल लगाओगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, नो डाउट। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड करता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज बोल देता हूँ वी, दो ही नोड दिख रही है तुम्हें, क्लियर? तो यहाँ से वी माइनस वी वन डिवाइडेड बाय माइनस जे प्लस वी माइनस वी टू, प्लस आएगा ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, गेटिंग? वी वैसे डायरेक्शन देना चाहिए था, बिना डायरेक्शन के आदमी कैसे करे? तभी यहां से करंट बाहर निकल रही, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये करंट तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। वी माइनस प्लस वी टू डिवाइडेड बाई जे, और लास्ट हो जाएगा तुम्हारे पास आई इज इक्वल टू जीरो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्ट आंसर आ रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, बैक आऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर आई की, अब आई दो वेरिएबल हो गए ना, वी और आई, सॉल्व करने बैठोगे आंसर नहीं आएगा, इसको मिटाओ फटाफट। देखो जरा सीधे सीधे, अगर मैं उल्टा यहाँ पे इधर आऊँ, यहाँ पे मैं उल्टा ग्राउंड करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे ग्राउंड करता हूँ, तो मेरे को इधर वोल्टेज बताओ कितना आ रहा है वी वन, इधर वोल्टेज बताओ कितना आ रहा है वी टू, और इधर वोल्टेज बताओ कितना आ रहा है वी थ्री। अगर यहाँ पे वी थ्री, तो यहाँ पे वी थ्री होगा। ओके, तो यहाँ से ये जो करंट है आई, वो क्या होगी? ये प्लस ये करंट का सम, I will be is equals to I1 plus I2 बोल सकता हूं मैं, फेजर सम। What is I1? V3 minus V1 divided by minus J. I1 की वैल्यू V3 minus V1 फेजर फेजर divided by minus J. और what is I2? V3 minus V2 divided by J. यहां से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, और V3 V3 ऐड हो जाएगा, तो V1 minus, okay, plus ऊपर जाएगा, तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो माइनस वी वन प्लस वी टू फेजर फेजर, और साथ में जे मल्टीप्लाई 11। फाइनली पूरा नेट एम्पियर्स में आ गया ये आंसर, बस अब वैल्यूज डालनी। वैल्यूज में क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 100 एट एन एंगल ऑफ 0 प्लस 100 एट एन एंगल ऑफ माइनस 120 जे, यहां से 100 बाहर कॉमन आ रहा है, माइनस 1 प्लस 1 एट एन एंगल ऑफ माइनस 120 जे, जे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो माइनस जे प्लस 90 में ऐड होगा 1 एट एन एंगल ऑफ माइनस 30। समझ में आया? 100 माइनस जे, कैलकुलेटर नहीं है ना अपने पास, 2015 में हट गए थे कैलकुलेटर, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस ऑफ 30 माइनस जे साइन 30, ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से? कॉस ऑफ 30 वैल्यू रूट 3 बाय 2 प्लस, इसकी कितनी वैल्यू है? माइनस 1 बाय 2, तो माइनस
थ्री बाई टू जे, ठीक है। एंगल मैग्नीट्यूड कितना जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं कैलकुलेटर, थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस नाइन डिवाइड बाई फोर का रूट, रूट थ्री, तो हंड्रेड रूट थ्री मैग्नीट्यूड। एंगल कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ थ्री, टेन इनवर्स ऑफ माइनस थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, माइनस सिक्सटी डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट बनाओ, प्लस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस सिक्सटी डिग्री बिल्कुल सही है, ठीक है। तो माइनस सिक्सटी डिग्री, हंड्रेड रूट थ्री एट एन एंगल ऑफ माइनस सिक्सटी थ्री, हंड्रेड रूट थ्री की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास 173.2 एट एन एंगल ऑफ माइनस सिक्सटी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है, मैंने तो नहीं लगा रहा, लेकिन जो कंफर्टेबल नहीं है थ्री फेज में वो जरूर लगाना। कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 74 का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन 74 का आई की वैल्यू 173 एट एन एंगल ऑफ माइनस सिक्सटी, ठीक है। इस बुक में बी दे रखा है लेकिन लास्ट में आंसर सही लिख रखा है, तो करेक्शन कर लेना, मेरे पास सौरभ की किताब रह गई है तो आंसर्स नहीं सही है इसमें, ठीक है। मैं एक बार आंसर तुमको दिखा देता हूँ, आ जाओ, मैंने मेरी मेरी जो बुक है ना उसकी पीडीएफ मंगाई, वो मेरी किताब लेगा और उसकी यहाँ पर रह गई, तभी मैं आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारे पास, मैंने करेक्शन पक्का कर रखा होगा, क्वेश्चन नंबर 70 भेजे नहीं क्या उसने, भेजे नहीं भाई, शाबाश, नहीं भेजे तब भी, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन इसमें मैच नहीं खा रहा लेकिन आंसर लास्ट में सही लिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, करेक्ट कर लेना पीछे अपनी वाली किताब में। चलो वापस बैक टू किधर गया ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा है तुम्हारे पास, 1.75, आ जाओ थोड़ा सा काट देता हूं मैं। चलो क्या बोल रहा है, RA and RB are the input resistances of the circuit as shown in the figure. Okay, figure, अब figure लाना पड़ेगा मुझे, एक second wait करना, figure कौन सा है, ये रहा, ठीक है, I hope दिख रहा होगा आपको, ये रहा figure और ये रहा question। तो ये बोल कर रहा है कि भाई ये क्वेश्चन है, इधर इधर फिगर है, ठीक है, आर ए एंड आर बी, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ओके हो रही है, आर ए एंड आर बी आर द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एज शोन बिलो, द सर्किट एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी, बेसिकली इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन है, तुमको साफ दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहले वाले में सर्किट तुमको ये दिख रहा है, दूसरे वाले में तुमको सर्किट ये दिख रहा है, तुम तो बोलोगे दोनों सेम है, बस यहाँ पे एक वन का फर्क दिख रहा है, यही तो सबसे बड़ा फर्क है, यही तुमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो कभी भी तुम इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करते हो तो तुमको क्या करना है, उसमें तुमको उसमें सिमेट्रिसिटी बनानी है। चलो मैं दूसरा वो खोल लेता हूँ एक सेकंड में, तुमको उसमें सिमेट्रिसिटी बनानी है, तुमको सिमेट्रिसिटी आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे ये वाली जो लैडर है ये तो सिमेट्रिक है, दिख रही है सिमेट्रिक, ये जो सेक्शन है ना, मतलब सिमेट्रिसिटी बोले तो एक सेक्शन ऐसा फाइंड करना है जो कि अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये टू है, ये वन है, ये टू है। तो अगर इसको इधर से खड़े होकर देखोगे तब भी सेम दिखेगा, और इसको इधर से खड़े होकर इधर की तरफ देखोगे तब भी सेम दिखेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे को आर इक्विवेलेंट दिखेगा वो आर इक्विवेलेंट मेरे को यहाँ पे दिखेगा, बेसिक। तो यहां से बोल सकता हूँ कि मैं आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट टू प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस टू डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इनटू वन प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस थ्री। बेसिकली मैंने इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, गेटिंग। तो यहां से कितना आएगा ये, टू प्लस, ओके एलसीएम लेना पड़ेगा अपन को, तो टू इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस थ्री प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस टू, और इधर चले जाएगा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस थ्री आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे थ्री आर इक्विवेलेंट दिख रहा तुम्हें, तो ये थ्री आर इक्विवेलेंट से ये पूरा का पूरा थ्री आर इक्विवेलेंट कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा सिक्स प्लस टू विच इज एट, आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू एट, एंड आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी टू रूट टू, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वाले में तुमको ऐसी सिमेट्रिसिटी, ऐसी ऐसा सेक्शन फाइंड करना है जो अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहा हो, ठीक है। वो सेक्शन फाइंड करने की तरफ हम कोशिश करते हैं। चलो तो सोचो जरा इसमें कौन सा सेक्शन अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहा है, और वो सेक्शन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ये बात तुम दिमाग में ध्यान रखना।
तो कैसा सेक्शन दिखा तुम्हें? ये वाला सेक्शन तुम्हें बार बार रिपीट करता हूं, दिख गया? इसके आगे रिपीट होता जाएगा होता जाएगा। तो यहां पे जो बंदा खड़ा है उसको इधर से जो दिखेगा, उसको अगर यहां पे खड़ा कर दें तो उसको भी यहां से यही दिखेगा। तो यहां पे वन बोल देता हूँ, यहां पे टू बोल देता हूँ, यहां पे आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्वलेंट डैश बोल देता हूँ, और इधर भी क्या दिखेगा इस बंदे को, आर इक्वलेंट डैश दिखेगा। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, आर इक्वलेंट डैश दिखेगा। ठीक है, तो आर इक्वलेंट डैश की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, टू प्लस आर इक्वलेंट इंटू वन डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट, मतलब डैश डैश लगा देना, प्लस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर इक्वलेंट डैश का स्क्वायर प्लस थ्री आर इक्वलेंट इज इक्वल टू टू टाइम्स आर इक्वलेंट, टू प्लस आर इक्वलेंट डैश। ठीक है, डैश डैश है सब, आर इक्वलेंट स्क्वायर प्लस टू आर इक्वलेंट डैश माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से सीधी तरह चले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर प्लस एट डिवाइडेड बाय टू, टू से टू कैंसिल करता हूं तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इधर रूट में फोर जाएगा तो यहाँ पे वन बनेगा और रूट थ्री बनेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस में दो वैल्यू आई, एक तो वन माइनस वन प्लस रूट थ्री बाय टू आई, रूट थ्री आई है, और एक आई माइनस वन माइनस रूट थ्री, तो कौन सी रिजेक्ट होगी, माइनस वन माइनस रूट थ्री, बिकॉज आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली आर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो यहां से माइनस वन प्लस रूट थ्री आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, आरबी की, और पहले वाली जो किसकी वैल्यू आई थी कितनी थी, टू रूट टू, वो किसकी वैल्यू आई थी, आर ए की। टू रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, टू पॉइंट टू पॉइंट टू 828। ठीक है, और रूट थ्री माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पॉइंट सेवन थ्री के बराबर आएगी। ठीक है, मतलब प्लस पॉइंट सेवन थ्री के बराबर आएगी, तो पॉइंट सेवन थ्री टू। कौन बड़ा दिख रहा है, आर ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन आर बी। ऑप्शन दिखा गया कौन सा, कौन सा, ओके ऑप्शन ये तो नहीं है, तो अब दूसरा ऑप्शन, तो ये भी ट्रू नहीं है, ए ऑप्शन ट्रू नहीं है, सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, बी ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू नहीं है, तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू आने वाला है, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा अपन को, तो बिना प्रूफ करे तो अपन आंसर कभी मत देना एग्जाम में। ठीक है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आदत ब्रेन को, सेकेंडरी ब्रेन को आदत पड़ जाएगी तुक्के मारने की, तो कभी बिना ऑप्शन दिए आंसर ना दिए ना दीजिए, बिना ऑप्शन मतलब ऑप्शन को वेरीफाई करें। ठीक है, तो ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, तो ये बोल रहा है कि आरबी की वैल्यू फाइनली आने वाली है तुम्हारे पास आर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस आर ए के बराबर। ठीक है, आरबी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, माइनस वन प्लस रूट थ्री बोलते हैं पॉइंट सेवन थ्री टू, आर ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, टू रूट टू डिवाइड बाय वन प्लस टू रूट। ठीक है, तुम बोलोगे यार कैसे लेके आए, ठीक है इसी फॉर्म में कैसे लेके आए, चाहो तो मैं कैलकुलेटर से निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे को इसी फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दूं, तो वन माइनस टू रूट टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इधर भी वन माइनस टू रूट टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चाहो तो मैं टू रूट टू माइनस वन से भी कर सकता था, तो टू रूट टू इंटू वन माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय, इधर करूंगा तो कितना बनेगा, वन माइनस एट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, तो यहाँ पे इसको ऊपर नीचे प्लस माइनस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और टू रूट टू को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एट माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास आ गया माइनस, है ना, सेवन। ठीक है यार, इस फॉर्म में तो आ नहीं रहा, चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पॉइंट सेवन एट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी तुमको करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, और इसको आसान तरीके से अगर थोड़ा सा तुम ढंग से विजुअलाइज करते तो तुम यहां से पाते, काफी ऐसा क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेटली बराबर आ रहा है, एग्जैक्टली बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन तुम थोड़ा सा और इसको ढंग से एनालाइज करते तुम पाते कि ये जो आरबी है तुम्हारे पास, इधर आओ एक सेकंड, मेरे को एक सेकंड का टाइम दो, मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं, नो दिस इज नॉट, दिस इज ओके, यही है। तो तुम यहां से एक सेकंड देखो, यहां से अगर इधर से तुम देखते तो ये तुमको क्या दिखता, आर दिखता, दिखता कि नहीं दिखता, तो आरबी को अगर मैं रीड्रॉ करता हूं, इधर ही रीड्रॉ करते हैं, ये आरबी यहां से देखने वाले को दिख रहा है वन, और इधर क्या दिखता है उसको, आर ए दिखता, तो आरबी फाइनली सीधे से क्या दिख जाता है, यहां से आर ए मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइड बाय वन प्लस आर ए, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्टली तुमको ऑप्शन नंबर डी ट्रू मिल रहा था। ठीक है, मैंने करवा दी, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसमें पेज अपलोड करता हूँ, फिर मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 पाओ, इन द पोर्शन ऑफ द सर्किट शोन इफ द हीट जनरेटेड इज 5 ओम, हीट जनरेटर इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज 10 कैलोरी पर सेकंड, देन हीट जनरेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टेंस इन कैलोरी पर सेकंड, तो कैलोरी पर सेकंड में आंसर दे रखा है, तो कैलोरी पर सेकंड में, डरना नहीं देखिए कि कैलोरी पर सेकंड को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करूं, मेरे को आई नहीं रहा। ठीक है, अपन कैसे देखते हैं, यहां पे आई जो आएगा 5 ओम में वो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाय आर 5। ठीक है, बेसिकली रूट ऑफ पी बाय 5, पी की वैल्यू तुम्हें कैलोरी में गिवन है, तुमको डायमेंशन से डरना नहीं है देख के। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, डराने के लिए दिया था क्वेश्चन, और कुछ नहीं था।
ये तो आ गई तुम्हारे पास 5 ओम में जाने वाले करंट की वैल्यू। अब 4 ओम में जाने वाली करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर 5 ओम में करंट जा रही है तुम्हारे पास I5, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 5 I5। ये जो वोल्टेज आया इसके अक्रॉस प्लस माइनस, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा इस ब्रांच के अक्रॉस। तो I4 ओम में जाने वाली करंट, या बोल सकता हूं मैं 6 ओम में जाने वाली करंट सेम है क्योंकि दोनों सीरीज में लगे, कितनी हो जाएगी 5 I5 इनके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनका रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो I5/2। ये करंट किस में जा रही है, पूरी इस ब्रांच में जा रही है ऊपर वाली में। लेकिन ये करंट सिर्फ 4 ओम में कितनी पावर डिसिपेट करा रही है, P4 ओम। ये खुद करंट I4 ओम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। व्हाट इज I4 ओम स्क्वायर इज इक्वल टू I5/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। यहां से ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, I5 का स्क्वायर, एंड I5 का स्क्वायर इज नथिंग बट P/5। तो पहले अगर 10 कैलोरी पर हो रही थी, अब यूनिट से मतलब नहीं है, ठीक है, तो सीधे सीधे अब कितनी होगी 2 कैलोरी पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, डराने के लिए दिया था कि कैलोरी का कन्वर्जन ढूंढने रह जाओ एग्जाम में, तुम फॉर्मूला शीट देखने लग जाओ, ठीक है, ध्यान रखना गेट में फॉर्मूला शीट भी आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 का तुम्हारा आंसर है 2 कैलोरी पर सेकंड। ओके नाउ अगला है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 77। सॉरी क्या खोल लिया मैंने, रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन सर्किट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन एम्पियर्स इज, तो गिवन सर्किट है इसमें बैटरी कितनी करंट सप्लाई कर रही है एम्पियर्स के अंदर, कौन सी बैटरी, इन द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज, ठीक है, तो बैटरी एक ही है, ये तो करंट सोर्स है, ठीक है, करंट सोर्स को कभी बैटरी नहीं कहते, बैटरी हमेशा क्या होती है तुम्हारा वोल्टेज सोर्स होगी। ओके So, यहां पे I2 जा रही है, यहां पे अगर मैं वोल्टेज V मान लेता हूं तो V की वैल्यू तुमको दिख रही कितनी हो जाएगी, यहां से इधर से केसीएल घुमा के जाना जरा, डायरेक्ट मैं वेरिएबल सेपरेट कर देता हूं, तुम चाहो तो तुम डबल इक्वेशन बना के दो वेरिएबल्स आएंगे उसमें, उसमें फाइनली तुमको V को 2I सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इससे तो तुम ये करो। ओके सो और सेकंड चीज क्या दिख रही है यहां से, I1 की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, I2 इधर करंट जा रही है और I2 करंट इधर जा रही है, तो I1 की जो वैल्यू आ रही है वो 2I2 बराबर, समझ रहे हो मेरी बात, तो यहां से I2 की जो वैल्यू आ रही है किसके बराबर आ रही है I1/2 के, ठीक है, तो जो ये वोल्टेज आया ना यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 times I1/2, तो यहां से सीधे से V1 की वैल्यू I1 के बराबर आ जाएगी, V की वैल्यू I1 के बराबर आ जाएगी, विच इज इन वी वोल्ट, है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से पहले मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके तो यहां पे मैं इसको सर्किट को रीड्रॉ कर देता हूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, I1 की जगह में I2 की जगह यहां पे I1/2 लिख रहा हूं, सिमिलरली यहाँ पे करंट I1/2 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे मैं I1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 1 ओम, गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे वोल्टेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा I1, ठीक है, वोल्ट है वहाँ पे ध्यान रखना, तो I1 की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे कितनी आ जाएगी इसके अक्रॉस वोल्टेज, विच विल बी 1 - I1 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 1/2 बेसिकली 0.5। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस अप्रोच से तुमने, मैंने मेरी अप्रोच बताई है, तुम बेसिक केसीएल केवल लगा के उसमें 2-3 वेरिएबल बनेंगे, उन 2-3 वेरिएबल को आपस में सब्स्टिट्यूट करना है, सबको I1 के टर्म्स में डालना पड़ेगा, तो वहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी, तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज पेन कम चलाने की जरूरत पड़ी तुम्हें 0.5। ओके एक कॉल आ रहा है, वो कॉल बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 78 देखो, अ डीसी वोल्टेज विद रिपल इज गिवन बाय VT is equals to 10 100 plus 10 sin of omega t minus 5 sin of 3 omega t volts. Measurement of this voltage VT made by moving coil and moving iron voltmeters. ठीक है, तो अब ये आया तुम्हारा, मैंने कहा था मेजरमेंट इज अ कोर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं तुम्हें हिंट मिल जाएगा, ठीक है, तो मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन वोल्ट मीटर से अपन ने शोइंग रीडिंग ऑफ V1 एंड V2, ठीक है, द वैल्यू ऑफ V2 - V1, तो फर्स्ट थिंग परमानेंट मैग्नेट PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC इंस्ट्रूमेंट है, बाय डिफॉल्ट मूविंग कॉइल दे रखा है, तुमको क्या मानना है, ये मानना क्या है, होता PMMC है ना, तो मूविंग कॉइल, ऐसे मूविंग कॉइल पढ़ के गलती हो जाती कभी कभी ना, PMMC इंस्ट्रूमेंट तो फटाफट समझ में आ जाते लोगों को, मूविंग कॉइल पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, तो सबको पता है PMMC इंस्ट्रूमेंट कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं, अगर मेजरमेंट नहीं आती है तो मैं पूरा डाल सकता हूं, मेजरमेंट मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं, RMS वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है, शोज रीडिंग ऑफ V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली, तो
पहली वी वन ये रीड कर रहा है और वी टू ये रीड कर रहा है। अब वी टू माइनस वी वन की तुमको वैल्यू बतानी है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइनोसॉइडल साइन सिग्नल इज ऑलवेज जीरो। तो इस पूरे सिग्नल की अगर एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो इन दोनों का एवरेज जीरो आ जाएगा और इसका एवरेज कितना आ जाएगा 100, क्योंकि ये डीसी वैल्यू है। तो वी वन की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई यहाँ पे 100 वोल्ट। इस पूरे एक्सप्रेशन का जब एवरेज निकालोगे तो इंडिविजुअल एवरेज, क्योंकि एवरेज जो टर्म है, जैसे अब तुम एवरेज निकालोगे एवरेज ऑफ होल क्वांटिटी, एवरेज ऑफ पूरी टर्म, तो तुम एवरेज को अंडर बांट सकते हो। एवरेज ऐसा फंक्शन है जिसको तुम अंडर बांट सकते हो, लेकिन आरएमएस ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको तुम अंडर बांट सकते हो, ये बात ध्यान रखना। एवरेज ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एवरेज ऑफ सेकंड फंक्शन, एवरेज ऑफ थर्ड फंक्शन, तो यहाँ पे अंदर बांटता हूँ तो मैं एवरेज ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी प्लस एवरेज ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस एवरेज ऑफ थर्ड फंक्शन। एवरेज ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 100, एवरेज ऑफ सेकंड फंक्शन इज 0 बिकॉज इट इज साइनसॉइडल, एवरेज ऑफ थर्ड फंक्शन इज ऑल्सो 0 बिकॉज इट इज अगेन साइनसॉइडल। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें ये तो हो गया तुम्हारा V1, तो V1 की वैल्यू तो आ गई 100। अब V2 की वैल्यू बतानी, V2 की वैल्यू क्या है, अब आपस में तुम देखोगे कि ये सिग्नल ये एक है, ये एक है, ये एक है, इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है। ठीक है, तो सिग्नल हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, अ डीसी एंड अ साइनसॉइडल सिग्नल इज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये दो रूल्स का इस्तेमाल करता हूं मैं, तो दिस इज अ डीसी, दिस विल बी ऑर्थोगोनल टू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। चलो मजे। Now the second function will be orthogonal to the third function because they have a different frequency. है तो ये sinusoidals, लेकिन इनकी frequency different है तो आपस में orthogonal होंगे। तो orthogonal signals की RMS value कैसे add हो जाती है? VRMS 1 square plus VRMS 2 square plus VRMS 3 square and so on का whole under root। तो पहले वाले term की RMS value कितनी है? 100 का square करेंगे। दूसरे वाले टर्म की आरएमएस वैल्यू कितनी है? 10 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस तीसरे वाले की आरएमएस वैल्यू कितनी है? 5 बाय रूट 2 माइनस 5, 5 कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता आरएमएस वैल्यू का, अगर नहीं पता तो सिग्नल जाके पढ़ो। ठीक है, 100 स्क्वायर प्लस 100 डिवाइड बाय 2 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 100 स्क्वायर प्लस 50 प्लस 25 बाय 2, बेसिकली 12.5 कर सकता था मैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने कर दिया, कैलकुलेटर था मेरे पास। तो यहां से वैल्यू आ रही है इसकी 100.312, कितनी कम आ रही है सोचो, तुमको लगा था बड़ा सारा डिफरेंस आया, ऐसा नहीं है। अब मेरे को निकालना क्या है? V2 माइनस V1 के लिए बतानी है जो कितनी आ जाएगी 0.312। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेट अगर तुमको मेजरमेंट आती है तो स्टार लगाने जरूरत नहीं है, मेरे को मेजरमेंट आती है, लेकिन अगर मेजरमेंट नहीं आती तो उसको स्टार लगा के रखो ताकि तुमको PMMC और मूविंग आयरन में फर्क पता पड़ता रहे हमेशा। क्वेश्चन 78 का आंसर कितना आएगा? 0.312 एग्जैक्ट आंसर है यार। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, द सर्किट शोन बिलो द नोड वोल्टेज VA इज, ठीक है ये नोड वोल्टेज VA बताना है और कुछ नहीं करना है। तो इस नोड पे मैं वो बना देता हूं, क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस लगा देता हूं। तो V अगर यहां का वोल्टेज है तो मैं VA लिखूंगा बार बार, इससे अच्छा मैं VA इज इक्वल टू V बोल रहा हूं, तो मैं V चलने दे रहा हूं पूरी इक्वेशन में। तो V माइनस 0 डिवाइड बाय 5 किसके लिए? इस ब्रांच के लिए। अब माइनस 5 किसके लिए? इस ब्रांच के लिए। आगे प्लस V माइनस V प्लस 10 I1 डिवाइडेड बाय 5 किसके लिए? इस ब्रांच के लिए। और लास्ट बचा तुम्हारे पास I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लंबा सारा प्रोसेस मैंने तुम्हारा बचवा लिया, नहीं तो तुम यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिखते, क्या लिखते हैं? V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये आदर चेंज करो, तुमको इससे फायदा मिलेगा, तुम समझ जाओगे यार। अब इसमें मेरे को समझाने की जरूरत नहीं इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 I1 मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बस I1 बताना है। अब I1 की वैल्यू बताओ कितनी है V के टर्म्स में? V माइनस 10 डिवाइडेड बाय, क्या समझ में आया फायदा? वैसे तो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम बिना उसके भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फायदा है V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, इसको इसमें डाल दो तो यहाँ से बनेगा 2V बाय 5 माइनस 5 प्लस 3 टाइम्स V माइनस 10 डिवाइड बाय 10। 2V बाय 5 प्लस 3 बाय 10 V माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से V की? 8 डिवाइडेड बाय 2 बाय 5 प्लस 3 बाय 10। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी 80/7 विच इज 11.428। ऑप्शंस हैं क्या? ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक टाइप ही है। क्वेश्चन 79 का 11.428 परफेक्ट है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जरा फटाफट। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड ना, मैं कौन से पेज पे था, मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, द वोल्टेज V एंड द करंट A
अक्रॉस अ लोड आर एज फॉलोस, वी टी आई टी द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द लोड इन वॉट्स इज। चलो ओके हाँ ठीक है। तो अब तुमको एक और बात समझनी पड़ेगी कि जब भी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, ये जो परफेक्ट क्वेश्चन है ना, इसको 1500 मार्क का हो, क्यों? क्योंकि ये तुमको पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेहतरीन वो देगा, ओवरव्यू। मैं दे नहीं सकता यार, अब थक गया मैं बहुत ज्यादा, लेकिन यही है पावर सिस्टम। जो है पावर सिस्टम में तुम्हारा करंट साइनोसोडल होता है, लेकिन तुम्हारा जो वोल्टेज होता है वो उसमें हार्मोनिक्स होते हैं। लेकिन करंट साइनोसोडल है तो इसका जो साइनोसोडल पार्ट है वो सिर्फ उसके उसी कंपोनेंट से मैच, उसी कंपोनेंट में एक्टिव पावर दे पाएगा जिसका वो पार्ट है। भाई मेरी बात समझ में, जरा करते हैं डेरिवेशन अभी देनी होगी तो तुम बता देना यार, काफी बड़ा क्वेश्चन है। तब भी यहाँ पे अगर तुम लिखोगे तो पीटी इज इक्वल टू वी टी मल्टीप्लाई बाई आई टी, सिंपल सी बात है। जब तुम वी टी वैल्यू डालोगे तो कितनी आएगी, 100 साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय 10 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 60 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तीन टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे, प्लस वन टर्म और प्लस वन टर्म। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, ये किस फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करेगा, सिर्फ खुद की फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो इंटरेक्ट तो करेगा, लेकिन एवरेज एवरेज पावर जो देगा वो जीरो देगा। जब तुम इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो इसकी एवरेज वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। कैसे आएगी डिराइव, तुम प्लीज एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं होता तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसकी खुद की वाले कंपोनेंट से इंटरेक्ट करेगा। और वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, V1 RMS, I1 RMS and cos of angle between them. What is V1 RMS? 100 divided by root 2. What is I1 RMS? 10 divided by root 2. What is the angle between them? It is 60 degree. Therefore, it will be 1000 divided by 2 multiplied by 1 by 2. ठीक है, तो 1000 divided by 4, it is 250 watts. Question number 80 का आंसर होगा तुम्हारा 250 watts. Let me check. ठीक है, प्लीज प्लीज इसका एक बार सोल्यूशन देख लेना यार, मैं थक गया यार, सुबह से लिख रहा हूं मैं, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा। इसका सोल्यूशन शायद है, मैं पीछे देखता हूं इसे लोगों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, मेथड टू इसमें दे रखा है, डेफिनेटली दे रखा है, तो मैं दिखा देता हूं तुमको। पेज नंबर यार है नहीं ना यार, कैसे दिखाऊं, फोटो नहीं है। तुम प्लीज मेडिसी की बुक में जो तुम्हारे पास है तो उसमें मेथड टू देखना, इसमें दो मेथड दे रखे हैं, तो मेथड वन मेरा अप्रोच, मेथड टू जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो जरूर जाके देखना, तुमको अंदर की डिटेल समझ में आएगी कि अच्छा एवरेज इसलिए जीरो हो रहा है। चाहो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर अभी थक गया, तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को और मेरे को बोल देना, मैं इसका पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा 20-30 मिनट का, तो उसमें अपन देखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81, इन द सर्किट शोन द वोल्टेज एंड द करंट सोर्स आर आइडल। तो जो सर्किट है इसमें वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों आइडल है, मतलब इनके इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर जीरो है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि शंट में लगता है वो इनफाइनाइट है। द वोल्टेज वी आउट अक्रॉस द करंट सोर्स विल बी, तो इसके अक्रॉस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, कितना हो जाएगा फटाफट बताओ, 10 प्लस 5 × 2, इधर से इसमें कितनी करंट जा रही है 2 एम्पियर, यहां से मैं इसमें केसीएल घुमा देता हूं तो वी आउट वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी, ऐसे तो कोई नहीं देखेगा, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए बी, टर्मिनल ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है, लोगों को विजुअलाइज नहीं होता, ठीक है, तो उसको विजुअलाइज कराता हूं मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करके। ये रेड तुम्हारा नोड है, ठीक है, दूसरा नोड लेते हैं अपन, ये तुम्हारा पिंक नोड है, ये तुम्हारा ब्लू नोड है, तो ये ब्लू नोड है तो पूरा ब्लू नोड होगा यहां तक, और ये पिंक नोड होगा, ठीक है, मैं रिड्रॉ करता हूं इधर आओ, ठीक है, तो ये तुम्हारा रेड नोड बना लो, उसके बाद ये तुम्हारा पिंक नोड बना लो और नीचे तुम्हारा ब्लू नोड बना लो, ठीक है, ये ब्लू नोड पूरा लंबा बना देता हूं मैं, ठीक है। अब यहां से रेड और पिंक के बीच में कौन कनेक्टेड है, रेड और पिंक के बीच में तुम्हारा 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ओके, उसके बाद में रेड रेड और ब्लू के बीच में कौन कनेक्टेड है, तुम्हारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है रेड और ब्लू के बीच में, ये लो 6 ओम का बना दिया, और रेड और ब्लू के बीच में 3 ओम का भी कनेक्टेड है, और पिंक और ब्लू के बीच में कौन कनेक्टेड है, तुम्हारे पास 6 ओम का डायरेक्ट दिखाया तुम्हें, और देखो
ये पिंक और ब्लू के बीच में ये 3 ओम का भी तो कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये लो यहाँ। और पिंक और ब्लू के बीच में पूरी ब्रांच है, जो कि इनका नेट जो आएगा वो 2 आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो इनका इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 पैरेलल 3 पैरेलल 6, 1/2 + 1/3 + 1/6 का होल इनवर्स। ठीक है, फटाफट करते हैं कैलकुलेटर में, 1 आ गया। ठीक है, तो इसका 1 आ गया, 1 + 2, अब इन पूरे का 1 आ गया, और वो सीरीज में किसके साथ है, 2 के साथ, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब यहां पे 3, तो मैं वापस इक्विवेलेंट बना देता हूं। अब फाइनली सर्किट बचा क्या वो देखो, इसका इक्विवेलेंट 3 आता ना, ये 3 है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं, ओके। और ये जो है तुम्हारे पास 1 ओम, ये है तुम्हारे पास 0.8 ओम। 3 पैरेलल 6 पैरेलल 3, तो 3 पैरेलल 6 पैरेलल 3 अगेन, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.2। ठीक है, तो इस पूरे का 1.2, अब ये 1.2 सीरीज में है 1 और 0.8 के साथ, तो 1 + 0.8 + 1.2 कितना हुआ, 3 ओम। तो RAB की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 3 ओम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। द पावर सप्लाइड बाय द 25 वोल्ट सोर्स शोन इन द फिगर इज, तो 25 वोल्ट सोर्स कितनी पावर सप्लाई कर रहा है, ऑब्वियस बात है इसमें करंट निकल रही है तो पावर सप्लाई कर रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, ओके, तो अब यहां पे ना तो अपने पास R1 गिवन है ना और कुछ गिवन है, बस यहां पे ये 14 गिवन है, ओके, और यहां पे 17 गिवन है। अगर यहां पे मैं ग्राउंड करता हूं तो यहां पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, 25। यहां पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, 25 - 17 व्हिच विल बी 8, ओके। सो 8 यहां पे है, 25 यहां पे है, यहां पे जो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, 14 तो आ गया तुम्हारे पास, अरे इतनी लंबी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी नहीं है, सीधे से देखो यहां से करंट आ रही है आई, यहां से करंट आ रही है 0.4 I, तो I प्लस 0.4 I की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 14 के, बेसिकली 1.4 I किसकी वैल्यू बराबर है, 14 के, तो I की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 10 एम्पीयर्स। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक, I की वैल्यू 10 आ गई, तो पावर सप्लाइड बाय द सोर्स विल बी 25 × 10, उसके अक्रॉस वोल्टेज और उससे निकलने वाली करंट कितनी हो जाएगी, 250 वाट्स। फालतू नंबर करा था, क्वेश्चन नंबर 83 का 250 वाट्स, ओके, आगे बढ़ते हैं। Z इक्विवेलेंट बताना है, अगेन इनफाइनाइट लेडर है, इनफाइनाइट लेडर में तुम्हें निकालना क्या होता है, सिमेट्रिक तुमको ब्रांच निकालनी होती है, उससे तुम्हारा आंसर होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं कैसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शंस हैं इसमें, ओके, चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ, ये ब्रांच बार बार रिपीट होती हुई दिखेगी, तो इधर से खड़े होकर अगर आर दिख रहा है तो इधर से खड़े होकर भी आर दिखेगा यहां पे, तो इनका नेट आ रहा है, आर मत बोलो, जेड बोलो यार, जेड जेड। ठीक है, ये 9J, ये तुम्हारे पास 5J, ये -4J, -1J, -1J, ओके, ये जेड है, तो जेड विल बी पैरेलल टू 4J, दिख रहा है तुम्हें अच्छी तरह से, तो जेड मल्टीप्लाई बाय 4J डिवाइडेड बाय जेड प्लस 4J प्लस 9J मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जेड। ठीक है, एलसीएम लेते हैं जरा, तो 4JZ प्लस 9JZ प्लस सॉरी -36 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ो, ओहो जगह नहीं बची, जेड स्क्वायर प्लस 4JZ, तो यहां से एक वैल्यू की तैयारी, जेड स्क्वायर, ये 4J से 4J कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर माइनस 9JZ माइनस 36, 36 कब आएगा, 12 3 जा, ठीक है, तो जेड स्क्वायर माइनस 3J माइनस 12JZ प्लस 3JZ माइनस 36 इज इक्वल टू 0, जेड माइनस 12J एंड जेड प्लस 3J इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहां से जेड की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है जेड की वैल्यू 12J और एक आ रही है जेड की वैल्यू माइनस 3J, दोनों ही आंसर पॉसिबल है, एलिमिनेट करने का मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, ना तो इसने इंडक्टिव बोला है ना कुछ बोला है, ऑप्शंस के अंदर दोनों है क्या, ऑप्शंस का इसके ऑप्शंस अगर नेक्स्ट पेज पे है तो तुम अपनी उसमें देख लेना, मैं ऑप्शन ऑलरेडी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा 84 है,
12j माइनस 12j 13j एंड 13u, ठीक है, तीन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर माइनस 3j नहीं मिल रहा इसलिए, नहीं तो इसका आंसर दोनों है, इसका आंसर 12j भी है, इसका आंसर माइनस 3j भी है, अगर दोनों ऑप्शन में होते तो दोनों ट्रू होते, ध्यान रखना क्योंकि एलिमिनेट करने का एक भी तरीका नहीं है, समझ में आई मेरी बात। तो अभी तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन में 12j, तो आंसर किसका हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो गेट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 84 का ऑप्शन नंबर ए, एक बार मैं सॉल्यूशन देख लेता हूं, सॉल्यूशन मैंने 12 निकाल के पटक रखा है, ठीक है, लेकिन आंसर दोनों आएंगे, तुम दोनों निकालना, दोनों आंसर ट्रू है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, मैं अपलोड करता हूं फिर मिलते हैं। सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे पास, चेक कर लेता हूं एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तुम्हारे पास ये रहा, गेट 2018 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर तुम ढंग से इसको सॉल्व करो तो, बाकी तो ऐसे तो कुछ अच्छा नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल लोकस डायग्राम्स लोकेट्स द प्लॉट ऑफ आईटी वर्सेस बीटी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आईटी वर्सेस बीटी का प्लॉट बताना है, टाइम डोमेन के रेस्पेक्ट में प्लॉट है, ठीक है। तो यहां से जरा जाओ, डीसी सोर्स है, ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनिशियली दोनों डिस्चार्ज पड़े हैं, ठीक है, इनिशियली दोनों डिस्चार्ज पड़े हैं, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा तुम्हारे पास ये डायग्राम बन जाएगा 5, और ये है एल इज इक्वल टू 1 हेनरी, ये है सी इज इक्वल टू 1 फैराड, ठीक है। तो इसका लाप्लास लेता हूं, तो मैं इसका लाप्लास कितना बनेगा, 5 अपॉन एस, इसका बनेगा 1 अपॉन एस, इसका बन जाएगा एस, गेटिंग। तो अगर मैं आई टी लिखना चाहता हूँ, वी किधर है, अच्छा ओके, तो अगर मैं आई टी लिखना चाहता हूँ, आई एस, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 अपॉन एस डिवाइड बाय एस प्लस 1 बाय एस, एलसीएम ले लो, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आई टी जो आ रहा है वो कितना जाएगा तुम्हारे पास, 5 sin of t, ठीक है। अब मेरे पास आई टी तो आ गया, अब मैं वीटी निकालना चाहता हूं, तो मैं वीटी सीधे सीधे यहां पे टाइम डोमेन में निकाल लूंगा, तो वीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 minus L dI/dt, सिंपल, एल की वैल्यू कितनी, 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 cos of t। कोई दिक्कत आ रही है यहां तक, नहीं आ रही, अब इनको ड्रॉ करते हैं फटाफट। तो t की वैल्यू को अगर मैं 1 डालूंगा, तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू को 0 डालूंगा, तो i की कितनी वैल्यू आ रही है, यहां पे तो it है और यहां पे vt है, तो जैसे ही मैंने 0 डाला तो i की वैल्यू तो 0 आ रही है, तो यहां पे इस एक्सिस पर कहीं पे मिलेगा, और इसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास क्या डालने पे, 0 डालने पे 0, तो दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब t की वैल्यू को तुम जरा एक बार मेरे लिए पाई बाय 2 डालो, तो ये कितना जाएगा तुम्हारे पास 5, और ये भी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 5, तो दोनों एक साथ पाई बाय 2 पे किस पे पहुंचे, 5 5 पे, तो 5 और 5 यहां कहीं आएगा, ये 5 और ये 5 यहां पे कहीं पे मिलके जाएंगे। उसके बाद t इज इक्वल टू तुम्हारे पास तुम डालो पाई, जैसे तुम पाई डालोगे ये 0 हो जाएगा, यहां पे ये कितना आएगा, ये होएगा 10, तो ये यहां पे कहीं का मिलेगा, तो ऐसा कुछ शेप आ रहा है, और आगे भी जैसे डालते जाओगे सारी वैल्यूज को तुम 360 तक, तो ये घूम के वापस यहीं आ जाएगा, ठीक है। कौन सा प्लॉट दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है तुम्हें, बी मिल रहा है ना, हाँ ठीक है, लेट्स चेक, ठीक है करेक्ट है। तो फाइनली चैप्टर 1 तुम्हारा खत्म हुआ, 2 दिन लग गए, काफी बड़ा था। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सेपरेट वीडियो में करूंगा, तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 2-3 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं नया कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको मैं रेंडर करके डालता हूँ, बाय, थैंक यू। अब अपन फटाफट से नेटवर्क खत्म कर देंगे, आने वाले एक हफ्ते में अपन नेटवर्क खत्म कर देंगे, फिर तुम्हारी जो मेन रिक्वेस्ट ना कोर वाली वो अपन खत्म कर